सईद किलबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और अगर आप भी एक अच्छे एडिटर बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इसी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक अच्छा एडिटर बना दूंगा। दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर के प्लेटफार्म पे हम जाने वाले हैं उसका नाम है EDS ग्रास वैली, जिसे कनोपस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि प्रोजेक्ट्स को कैसे तैयार करते हैं और प्रोजेक्ट हमारे किस काम आते हैं। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कैमरे पे तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग सेटिंग करनी पड़ती है कि आपका फ्रेम रेट कितना हो और आपकी जो वीडियो है वो कौन से प्लेटफार्म पर है, HD के प्लेटफार्म पर है या फिर SD के प्लेटफार्म पर है या फिर 2K या 4K। तो पहले तो ये बात कैमरे पे डिपेंड करती है कि आपकी जो वीडियो है वो आप कौन सी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद फिर जब आप उस वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको उसी वीडियो का सेम प्रोजेक्ट्स चाहिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप कैमरे पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 1080, तो आपको एडिटिंग के दरमियान जो प्रोजेक्ट है वो भी 1080 ही चाहिए होता है। और अगर आप 720 पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या 2K या 4K, तो उसकी एडिटिंग के लिए जो आपको प्लेटफार्म चाहिए वो भी 2K या 4K भी होना चाहिए। और जो हमारा ग्रास वैली का EDS है ये भी 4K एडिटर है और फुल सपोर्टिंग है और हर तरह की जो वीडियोस है फॉर्मेट उनको सपोर्ट करता है, वीडियो और ऑडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे कि हमें कौन सी वीडियो एडिटिंग सिलेक्शन करनी है, तो कौन सी वीडियोज़ आपको सिलेक्ट करनी है पहले, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट प्रीसेट्स, सबसे पहले आपको ये वाला प्लेटफार्म नज़र आएगा। जब आप नया EDS इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 4K पे भी क्लिक कर लें, HD पे भी, SD पे भी और DV पे भी। जब आप 4K पे साइज़ पे क्लिक कर लेंगे तो आगे आपको मिल जाता है ऑप्शन फ्रेम रेट का। तो फ्रेम रेट आप 60 पे भी करें, 20 पे भी करें, ठीक है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो मुकम्मल फ्रेम रेट हैं सभी पे क्लिक कर रहे हैं। और जो बिट है ये ऑडियो बिट होती है, आप 10 बिट पे क्लिक कर लें सिर्फ। वो मैंने फ्रेम रेट तमाम क्यों बोले हैं, इसलिए कि आप जब वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपके पास हर तरह का फ्रेम रेट मौजूद होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि हमें कौन सी वीडियो किस टाइम एडिट करनी पड़ जाए। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास जो मुकम्मल फ्रेम हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये मुकम्मल फ्रेम्स जो आपके पास हैं, अब आप दोबारा इसे कम्प्लीट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने कुछ इस तरह का प्लेटफार्म नज़र आएगा। अब हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी वीडियो एडिट करनी है। अगर हम 4K वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपना 4K वाला फ्रेम है जो वो सिलेक्शन करेंगे। और अगर हमें HD पे 60 फ्रेम पे करनी है तो फिर हम 60 फ्रेम पे HD पे आ जाएंगे। और अगर हमें HD पे ही 20 फ्रेम पे चाहिए तो हम यहाँ पे अगर HD में हमें 25 फ्रेम चाहिए तो हम यहाँ पे 20 फ्रेम पे भी आ सकते हैं। मतलब इस वक्त हमारे पास हर तरह की फ्रेम रेट्स और हर तरह के फ्रेम रेट्स और हर तरह की रेगुलेशन है जो वो वीडियो की हमारी प्रीसेट में मौजूद है। तो मैं इस वक्त 1080 60 फ्रेम है जो वो हमारे पास, उससे मैं सिलेक्शन करना हूँ। तो ये रहा हमारे पास HD में 60 फ्रेम, ठीक है। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। लेकिन ये ऊपर आपके एक सेटिंग्स और मिल रही है जिसे के ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट फाइल्स। प्रोजेक्ट फाइल क्या है, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे लेते हैं क्लास वन। तो यहाँ फोल्डर हमारी जो EDS की फाइल है वो कहाँ पे सेव हो, तो मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको हमेशा के लिए किसी अपनी ड्राइव में एक परमानेंट फोल्डर बना लें और उसी फोल्डर में आप अपना जो वर्क है वो सेव किया करें। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का प्लेटफार्म देखने को मिलेगा। तो EDS है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल सॉफ्टवेयर है।
पहला हिस्सा कहलाता है विंडो, ये जिसे मैंने अभी पकड़ा हुआ है ये है विंडो वाला, और दूसरा हिस्सा है जो वो ये है बिन। बिन में क्या आता है, ये बिन है हमारी, इसमें हम कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिससे हमने एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग के लिए हमें ऑडियो की ज़रूरत हो या फिर वीडियो की या फिर एक पिक्चर की, वो हम बिन में ओपन करेंगे। उसके आगे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस और वीडियो फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। शायद आपके पास इतने ट्रांसलेशन और अफेक्ट्स शो ना हो, क्योंकि मेरे पास तो मैंने काफ़ी सारे जो अफेक्ट्स हैं वो ऊपर से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो EDS के जर्नल अफेक्ट्स हैं उनके बारे में ही बताऊंगा। और EDS अगर आप जर्नल अफेक्ट्स के साथ भी इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर और एक अच्छी वीडियोस आप तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैंने जितने क्रिएट किए हुए हैं ये इसके जर्नल अफेक्ट ही हैं। एक इफेक्ट अगर आप एक बार क्रिएट करते हैं तो उसे आप सेव कर सकते हैं ताकि दोबारा आपको वो मेहनत ना करनी पड़े। तो आगे हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में जो भी आप वीडियो पे अफेक्ट वगैरह लगाते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन में मिलते हैं। ये थी हमारी बिन। आगे हम बात करते हैं टाइमलाइन की, तो ये है टाइमलाइन, तीसरा हिस्सा जो हमारे पास आता है EDS का, इसे हम कहते हैं टाइमलाइन, जिस पे हम डिज़ाइन करते हैं वीडियो को। जो भी हम इधर टाइमलाइन पे डिज़ाइन करेंगे वो हमारी विंडो में हमें नज़र आएगा, और ये जो स्केल है ये स्केल हमारे डिज़ाइन के हिसाब से चलती है। जिस तरह का हमारा डिज़ाइन होगा उसे जो व्यू करती है वो ये स्केल करती है। ये होती है हमारे पास टाइमलाइन, ये वाली जो टाइमलाइन है जिस पे ए, जिस पे लिखा हुआ है वी और ए। ये इसका क्या मतलब है, वी और ए, वी बटा ए मतलब वीडियो ऑडियो फाइल्स। यहाँ पे हम जो भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो वीडियो प्लस ऑडियो आएगी। ये ऊपर वाली सिर्फ वी लिखा हुआ है और इस पे हम जो भी वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उस पे आएगा सिर्फ वीडियो आएगी, उसकी ऑडियो है जो वो ये नीचे वाले चैनल्स पे आएगी। ये जो चार चैनल आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑडियो ट्रैक हैं, और ये वाला जो है ये इसे हम कहते हैं टाइटल ट्रैक। जो भी हम टाइटल लिखना चाहते हैं तो वो हम इस ट्रैक पे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम दोबारा से फर्स्ट पे आ जाते हैं विंडो पे, के विंडो पे ये आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये वाला है जो राइट साइड पे, इसे हम कहते हैं प्लेयर, और ये जो लेफ्ट साइड पे ये आता है रिकॉर्डर। ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसके लिए व्यू के लिए हमारे पास कोई वीडियो होनी चाहिए, तो हम इसमें वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो दोनों चैनल हो सकते हैं। डेस्कटॉप में मैंने कुछ वीडियोस रखी हुई हैं, ये वीडियो है मेरे पास, यहाँ से हम इस वीडियो को उठा लेते हैं, किसी भी एक वीडियो को, इस वीडियो को उठा लें या फिर इसको, ये ऑडियो है और ये पिक्चर, ठीक है, ओपन। और मैं जो भी यहाँ से शॉर्ट की प्रेस करूँगा EDS की वो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। अगर हम यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई है, और अगर हम ऑडियो पे डबल क्लिक करते हैं तो ऑडियो यहाँ पे आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं कि ये हमारी कौन सी ऑडियो है। और अगर हम इसी वीडियो को उठाकर अपनी टाइमलाइन पे रखते हैं तो यहाँ पे ये हमें अब रिकॉर्डर में शो हो रही है। तो रिकॉर्डिंग वो है जो हमारी एडिटिंग की मेन स्क्रीन है, उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, और जो हमारी बिन में वीडियो प्ले करती है वो होता है प्लेयर। उसके अलावा जो प्लेयर है इसका क्या हमें बेनिफिट है, अगर हमारे पास कोई ऐसी वीडियोज़ है जिसका हमें एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, पूरी वीडियो नहीं चाहिए, तो हम उसकी सिलेक्शन कर लेंगे। जैसा कि यहाँ से ये जो बड़े वाला बॉक्स है मुझे चाहिए, तो मैं आई इन, और इतनी वीडियो हमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए तो मैं आउट, ठीक है, इन और आउट। इससे यहाँ से मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ से उठाकर अपनी टाइमलाइन पे रख दूँगा, तो ये अब उतना हिस्सा हमारी टाइमलाइन पे आया है जितना कि हमने वहाँ पे इन आउट में सिलेक्शन किया था। और अगर हम सोर्स विंडो यहाँ से बिन से उठाकर रखते हैं, इसको दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट, आउट, ठीक है। तो अब दोबारा इसे यहाँ पे जब आप रखेंगे तो देखें इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है और इस वीडियो की लेंथ बहुत कम आई है, तो वो हमने डायरेक्ट बिन में से यहाँ पे ड्रॉप किया है और ये हमने अपने प्लेयर में से यहाँ पे, प्लेयर से यहाँ पे ड्रॉप किया है।
तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सिंगल मोड पे इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ड्यूल मोड पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे इसको सिंगल मोड पे कर दें। अब आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको प्लेयर नज़र आएगा, और अगर आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये आपको रिकॉर्डर नज़र आएगा। तो यहाँ से भी अब आप इसको इन और आउट लगा के नीचे अपनी टाइमलाइन पे ला सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो सिंगल मोड है वो ही आपको ड्यूल काम दे रहा है। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ जर्नल सेटिंग। जब आप EDS को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इसकी कुछ जर्नल सेटिंग्स होती हैं, वो आपको लाजमी करनी पड़ती हैं। तो वो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद पहले आप करेंगे सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग है ये जो आपके EDS की जर्नल सेटिंग है, उसे हम कहते हैं सिस्टम सेटिंग्स। एप्लीकेशन में किसी भी चीज़ को आपने नहीं तब्दील करना, किसी भी चीज़ की सेटिंग को आप मत छेड़ें, क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप चेक फॉर अपडेट्स पे आ जाएं, तो यहाँ पे इसको अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं प्लेबैक। प्लेबैक पे आने के बाद यहाँ पे इसकी ये है प्लेबैक बफर साइज़, इसको आप बढ़ा दें 8 GB, जितनी भी आप कर सकते हैं। आपके EDS अगर आपके पास 7.5 से ऊपर का EDS है तो आपको उसमें 8 GB बफर स्पीड देखने को मिलती है। अगर आप उससे डाउन स्पीड वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको 512 ही देखने को मिले। तो इसको आप कर दें, और फ्रेम है जो वो 15 कर दें। ये किस काम आते हैं ये इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको ओके अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपको अफेक्ट में जाना है। अफेक्ट में जाने के बाद ये आपके पास कलर करेक्शन है। अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा तो वो आपको यहाँ पे GPU सपोर्टेड होगा, और आप उसको चेक मार्क कर दें। नीचे GPU सपोर्टेड, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे भी चेक मार्क हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करके ओपे कर दें। ये थी आपकी सिस्टम सेटिंग जो कि EDS के हवाले से थी। और अब हम करेंगे यूज़र सेटिंग। यूज़र सेटिंग वो होती हैं जो आपकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मेरी मुख्तलिफ हो सकती हैं, मतलब हर यूज़र अपनी मर्ज़ी से इसको अपने हिसाब से इसकी सेटिंग्स कर सकता है। तो एप्लीकेशन में आप यहाँ पे टाइमलाइन पे आ जाएं। टाइमलाइन पे आने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ इसका जो ये एक्सटेंड क्लिप व्हेन अप्लाई ट्रांसलेशन है, इसको आप अनचेक करके अप्लाई कर दें। नीचे आ जाएं आप प्रीव्यू में, तो प्रीव्यू आपको किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ड्यूल मोड स्क्रीन है तो आप मॉनिटर की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो नीचे आ जाएं यूज़र इंटरफेस में, तो यहाँ पे आप जो बिन की सेटिंग है उसे सेम रहने दें, उसे बिल्कुल तब्दील ना करें। बटन भी सेम रहने दें, कंट्रोलर भी सेम, और नीचे आ जाएं कीबोर्ड शॉर्ट की। तो शॉर्ट कीज़ हैं वो हमारे काम बहुत ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ पे हम इसकी शॉर्ट्स की बना लेंगे। सबसे पहले आप इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर लें। डिफ़ॉल्ट सेट करने से बाद सबसे पहले आती है स्पीड। स्पीड हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एक स्पीड आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो अल्ट की ई है, और मैं सिर्फ ई इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इसको ई प्रेस करके अप्लाई कर दूँगा। और नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे इसमें स्टिल, क्योंकि स्टिल पिक्चर अगर आपको निकालनी हो तो उसके लिए कंट्रोल टी है, तो मैं इसको सिर्फ पिक्चर या फिर फोटो सिर्फ और सिर्फ पी पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा हम वीडियो को एक्सपोर्ट जब करेंगे तो एक्सपोर्ट के लिए हमें F3, जर्नल की है हर यूज़र की तकरीबन F3 ही होती है, तो आप भी F3 कर लें। और एक और बना लें इम्पोर्ट सीक्वेंस। इम्पोर्ट सीक्वेंस क्या होता है, ये हमारे किस काम आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा सीक्वेंस के हवाले से, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप शॉर्ट की इसकी बना लें। तो एक और बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट की है डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन, जिसे हम डिज़ाल्व कहते हैं, जो कि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिज़ाल्व। और सिर्फ डिज़ाल्व से अगर आप एक वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वो बहुत ही हाई डेफिनेशन और बहुत ही अच्छे तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप डिज़ाल्व है जो वो सेट डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन जिसका नाम है, आप उसको डी पे ले आए। मैं डी पे इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इसको डी पे अप्लाई कर दूँगा। आगे हम, ये थी हमारी यूज़र इंटरफेस की सेटिंग कीबोर्ड की। आगे हम चले जाते हैं सोर्स में, तो सोर्स में हमें देखने को मिलती है ड्यूरेशन। ये हमारी पहली है स्टिल पिक्चर की ड्यूरेशन।
जो ड्यूरेशन हम टाइम लाइन पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ये वो वाली ड्यूरेशन है। अगर इससे अप्लाई कर लेते हैं 10 सेकंड, ठीक है, ये ड्यूरेशन है जो ये हमारे पास है ऑटोमेटिक ऐड टाइटल मिक्सर की, इसे भी हम 10 सेकंड पे ले आते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। ये थी कुछ जनरल सेटिंग्स जो कि यूज़र सेटिंग और सिस्टम सेटिंग। अगर हम यहाँ से पिक्चर को उठाकर नीचे रखते हैं तो अब हम इसकी टाइमिंग चेक करें तो ये आपको 10 सेकंड का मिल रहा है। ये वो 10 सेकंड हैं जो हमने वहाँ पे 10 सेकंड रखे थे, और जो थी हमारी बफर स्पीड की सेटिंग वो हमारी एडिटिंग में काम आती है, वो हमारे पास ये है बफर स्पीड, ठीक है, ये हमारी बफर स्पीड सेटिंग थी। तो दोस्तों ये थी कुछ जर्नल सेटिंग्स EDS की जो कि आपको फर्स्ट टाइम EDS इंस्टॉल करने के बाद करनी पड़ती हैं। इससे आप एक अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से आप इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी परेशानी को हल कर सकूँ। और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आप एक अच्छे एडिटर बनना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम EDS की टाइमलाइन को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, और EDS की टाइमलाइन के जो टूल है वो हमारे किस किस काम आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आप अपने सिस्टम पे EDS को ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट मुंतहिब करना पड़ता है कि हम कौन से प्लेटफार्म पे काम करना चाहते हैं। वो प्लेटफार्म आपकी रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक हो सकता है, वो 720 भी हो सकता है, 1080, 2K या 4K, जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट ओपन करना चाहें तो आप प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। और ओपन करने के बाद आपके सामने जब EDS का इंटरफेस नज़र आ जाएगा तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिस पे अभी रेड कलर का बॉक्स चल रहा है, इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि टाइमलाइन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो टाइमलाइन के टूल्स हैं वो हमारे किस काम आ सकते हैं। तो टाइमलाइन की सबसे पहले तो बात करें कि टाइमलाइन के ऊपर ये जो जिसे मैंने अभी पकड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं स्केल। और अगर आगे आ जाएं इस साइड पे तो ये वाली जिस पे अभी मैंने क्लिक किया है जिस पे लिखा हुआ है 2V, ये होती है वीडियो लेयर, इसे हम ट्रैक भी कहते हैं और लेयर भी कहते हैं। इसके नीचे अगर हम आ जाएं तो ये होती है VA, मतलब वीडियो प्लस ऑडियो लेयर। इसके नीचे आ जाएं तो टाइटल ट्रैक हमें मिलती है, उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो ट्रैक मिलते हैं। इन ट्रैक को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ट्रैक या दो ट्रैक या तीन ट्रैक ज़्यादा करने हो तो आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको वीडियो प्लस ऑडियो ट्रैक चाहिए या फिर सिर्फ वीडियो ट्रैक चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जिस भी ट्रैक की आप को जरूर हो वो आप यहां से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो ट्रैक की सिलेक्शन करने वाला हूं, और सिलेक्शन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने ट्रैक की जरूरत है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक यहां पे ट्रैक ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहां पे दो ट्रैक ऐड करने वाला हूं, तो जैसे ही मैंने दो पे क्लिक करके ओके किया तो अब हमारे पास यहां पर 4 ट्रैक आ चुके हैं, जो कि हमारा फर्स्ट वाला है वो है वीडियो प्लस ऑडियो, और जो हमारे पास बाकी जो 3 ट्रैक हैं वो सिंपल वीडियो के ट्रैक हैं। तो अभी मैं इनको डिलीट करने वाला हूं, आप इनको खत्म भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो जो मुझे नहीं चाहिए, जो फालतू हैं, उनको मैंने अब कर दिया है डिलीट। और अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास EDS की जो टूल हैं वो हमारे किस काम आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल आता है वो आता है इंसल्ट मूड और ओवर राइट मूड का। तो इसके लिए हमें कुछ वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी मैं अपने सिस्टम में जाने वाला हूं और यहां पे कुछ करने वाले हैं वीडियो एड्स, और फिर देखते हैं कि ये हमारे टूल किस काम आ सकता है। तो उसके लिए आप बिन में सिंपल राइट क्लिक करके
वीडियो को ऐड पे जाने के बाद आप वीडियो को बिन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद अपने फोल्डर में से वीडियो को ला सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से ये वाली वीडियो है इनको उठाकर अपनी बिन में लाने वाला हूँ। तो जैसे ही आपने देखा कि वीडियो जो बिन में आ चुकी हैं, तो यहाँ से एक वीडियो की सिलेक्शन करके मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्शन करने के बाद ऐड टू टाइमलाइन करूँ तो वीडियो खुद बहुत मेरी टाइमलाइन में आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, जहाँ पे हमारी स्केल थी वहाँ पे वीडियो आई। मैं अभी इसको अंडू कर रहा हूँ और अंडू करने के बाद दोबारा मैं उस वीडियो को, अभी मेरी स्केल है जो यहाँ पे है, तो मैं इसको जैसे ही ऐड टू टाइमलाइन करूँगा तो जहाँ से मेरी स्केल स्टार्ट हो रही थी वहाँ से लेकर लास्ट तक इसने वो वाला क्लिप ऐड कर दिया है। और अगर हम नेक्स्ट क्लिप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आगे वाला, तो मैं इसको दोबारा ऐड टू टाइमलाइन करूँगा तो जहाँ पे हमारी स्केल होगी ये हमारा वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा ऊपर शॉर्ट की लिखी हुई है शिफ्ट इंटर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका जो क्लिप है वो आपकी टाइमलाइन में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों तरीकों से जो बेहतर वाला तरीका है वो यही है कि आपको जो क्लिप चाहिए हो, जो जिस भी क्लिप को आप चूज़ करते हैं यहाँ पे लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो में, उसको सिंपल यहाँ से पकड़कर अपनी टाइमलाइन पर लाकर छोड़ दें। और जैसे ही आप छोड़ेंगे आपका क्लिप है जो वो आ चुका है। तो इसके लिए एक क्लिप की और ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी जो तीन क्लिप हैं उन तीनों क्लिप को नीचे लाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने टाइमलाइन पे ले आए, तो अभी आप अपनी जो आपकी टाइमलाइन है उसके नीचे लिखा हुआ है इंसल्ट मोड। तो इंसल्ट मोड क्या होता है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों क्लिप के दरमियान यहाँ पे एक क्लिप और ऐड हो जाए और ये जो मेरे क्लिप हैं दोनों ये भी रहें और ये थोड़े से आगे चले जाएँ। तो इसके लिए हमें इंसल्ट मोड पर रहना होगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो क्लिप है इसको ऐड करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने ऐड किया तो हमारे दो पहले वाले क्लिप थे वो आगे की तरफ चले गए हैं। ये था इंसल्ट मोड। और अगर मैं अब इसको अंडू कर दिया है और दोबारा मैं इसको, अभी आप नीचे देखेंगे टाइमलाइन पे तो ये लिखा हुआ है ओवरराइट मोड। तो अभी जब मैं इस क्लिप को उठा के यहाँ पे रखूँगा तो पहले वाले जो क्लिप हैं वो आगे नहीं जाएंगे, बल्कि उन क्लिप के ऊपर ही ये वाला क्लिप मर्ज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उठाकर देखने वाले हैं तो हमारा उसी क्लिप के ऊपर एक नया क्लिप आ चुका है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये आप एडिटिंग के दरमियान जब आप कोई क्लिप ऐड करना चाहते हो, एक क्लिप आपको पसंद नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा क्लिप ऐड करना चाहते हैं उसी क्लिप की लेंथ में, तो आप वहाँ पे ओवरराइट है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास टूल आ जाता है वो है सेट रिपल टूल। और अब हम देखते हैं कि सेट रिपल टूल कैसे काम करता है। तो मैं इसको वापस इंसल्ट मोड पे लेके जाने वाला हूँ और मैंने क्लिक करके इंसल्ट मोड पे कर दिया है। और आगे जो हमारा रिपल टूल है वो भी आपकी टाइमलाइन के नीचे शो हो रहा है और ये फ़िलहाल ऑफ है, तो मैं इसको करने वाला हूँ ऑन। जैसे ही मैंने ऑन कर दिया, अब मैं यहाँ से एक क्लिप उठाने वाला हूँ, ये वाला। इस क्लिप को उठाकर मैं जैसे ही ऊपर वाली टाइमलाइन पे लेके जाऊंगा तो जो नीचे वाले क्लिप हैं वो खुद बहुत आगे की तरफ मूव हो गए हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो क्लिप हैं वो मूव ना हो, बस इस क्लिप को मैं सिंपल ऊपर वाली लेयर पे ड्रैग कर सकूं। तो मैंने रिपल टूल को ऑफ़ कर दिया और ऑफ़ करने के बाद जब मैं यहाँ से क्लिप को उठाऊँगा तो जो मेरे बाकी के जो तमाम पार्ट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, कोई भी पार्ट्स मूव नहीं हो रहा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग के दौरान आपका जो रिपल टूल है उसे ऑफ रखें, क्योंकि रिपल टूल है जो वो आपकी वीडियो में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आप अगर एक भी क्लिप की चेंजिंग करेंगे तो वो आपका जो मुकम्मल प्रोजेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। और रिपल टूल है जो वो हमारे इस्तेमाल में कब आता है, जब हमारे पास कोई ऐसी वीडियो होती है जिसकी लेंथ कह लें कि 30 मिनट 25 मिनट, तो उसमें से हमारी बहुत ज़्यादा वीडियो रफ़ होती है और रफ़ वीडियो को हम ख़त्म करना चाहते हैं और जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है उसे हम सेव करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम रिपल टूल को ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही हम रिपल टूल को ऑन कर लेते हैं तो मैं इस क्लिप को यहाँ से इतना डिलीट करने वाला हूँ। जैसे मैंने डिलीट किया तो जो हमारा आगे वाला हिस्सा है वो खुद बहुत पीछे की तरफ आ गया है। और अगर मैं इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वो हमारा जो हमारा क्लिप है वो खुद बहुत साथ मर्ज होता जा रहा है। तो ऐसे में रिपल टूल आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है।
तो आगे चलते हैं, हमारे पास जो टूल आता है वो है सेट लिंक ग्रुप टूल। तो ये कैसे काम करता है ये देखें। अगर आपके पास कोई भी वीडियो है, ये तीन क्लिप है मेरे पास, तो अभी ये ऑन है, मैं इसे ऑफ करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑफ किया, तो अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो पे क्लिप हो रहा है, और अगर मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो ऑडियो की सिलेक्शन हो रही है। तो ऐसे ही अगर आप इसको ऑन रखते हैं, ऑन रखने के बाद अगर आप यहाँ पे वीडियो पे सिलेक्शन करेंगे तो भी दोनों ही क्लिप सिलेक्शन होंगे, ऑडियो प्लस वीडियो। और मैं यहाँ से अगर इसे डिलीट करता हूँ तो पूरा क्लिप डिलीट होने वाला है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ ऑडियो को डिलीट कर दूँ और वीडियो क्लिप मेरा यहीं पर रहे, तो ऐसी सूरत में मैं इसको ग्रुप को मतलब अनसिलेक्शन कर दूंगा। जैसे ही अनसिलेक्शन करूंगा तो अब मैं यहाँ से अपनी ऑडियो को डिलीट कर सकता हूँ। मतलब ऑडियो वीडियो को अनग्रुप करने के लिए आपका जो ये टूल है सेट ग्रुप टूल, आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके आगे हमारे पास जो आ जाता है उसे हम कहते हैं मैजिक टूल, वैसे उसका नाम है स्नैप टू इवेंट, तो हम इसे अपनी जर्नल जबान में मैजिक टूल भी कहते हैं। तो मैजिक टूल हमारे किस काम आता है, अभी ये मैजिक टूल ऑन है तो यहाँ पे हमारी स्केल है और मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाने वाला हूँ क्लिप। तो जैसे ही आगे की तरफ मैं लेके जाने वाला हूँ तो हमारी जो स्केल है उसके साथ हमारा जो क्लिप है वो टच कर रहा है, और मैं इससे आगे लेके जाता हूँ तो जहाँ पे हमारा जो क्रॉस आ जाता है वहाँ पे हमारा क्लिप खुद बहुत ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, मर्ज हो जाता है। तो अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया है, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपका क्लिप है जो वो बिल्कुल स्मूथ आगे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में आपको एडिटिंग करने के वक्त करते वक्त परेशानी का सामना हो सकता है। अगर आप एक फास्ट और अच्छी एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये वाला टूल है जो आपको ऑफ रखना होगा, सॉरी ऑन रखना होगा, और उसके अलावा जो आगे वाला टूल है वो भी आपको ऑन रखना होगा। ये दोनों टूल आपके ऑन होने चाहिए, और जो रिपल टूल है उसको भी आप ऑफ पे रखें, और जो आपका इंसल्ट मोड पे है उसको आप इंसल्ट मोड पे रखें, कभी भी ओवरराइट मोड पे ना रखें। तो ये थे EDS के चार टूल जो अभी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ऊपर पे हमारे पास आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कोई काम कर रहे हैं वो आपका ठीक से नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप सिंपल न्यू करके इसको सेव या अनसेव करके आप नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, उससे आगे आ जाते हैं ओपन प्रोजेक्ट, इंपोर्ट सीक्वेंस। ये क्या है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सीक्वेंस पे बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप सीक्वेंस की कैसे सेटिंग कर सकते हैं और सीक्वेंस हमारे किस काम आ सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस हैं जो वो हमारी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने आ जाते हैं। जब हम एक अच्छी वीडियो की एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आगे जो हमारे पास पार्ट है वो आ जाता है सेव। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस के साथ भी आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बस जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस क्लिप को ख़त्म करना चाहते हैं, मैं यहाँ से इस क्लिप को इतना ले कर ये आगे वाला हिस्सा ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल अपने EDS से डिलीट का बटन दबा कर इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहां से डिलीट करने में आपको काफी टाइम लग जाता है, और इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके EDS की जो शॉर्ट्स की हैं उनको इस्तेमाल में लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इससे आगे आ जाएं तो ये वाला है कॉपी पेस्ट। अगर आप किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके आगे जो आ जाता है वो है रिप्लेस क्लिप। अगर आप एक क्लिप के ऊपर दोबारा कोई क्लिप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं। आगे जो क्लिप आ जाता है फिर वो आपको डिलीट का मिलता है, इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको रिप्लेस डिलीट क्लिप मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट, तो डिलीट करने के बाद मैं इसको दोबारा करता हूं जैसे ही, तो ये पीछे वाला क्लिप भी डिलीट हो जाएगा। इसकी सिलेक्शन करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और अभी ये जो साथ वाला बटन है ये अनडू का बटन है, आप इसको प्रेस करके अपने प्रोजेक्ट को, अब अगर कोई मिस्टेक होगी दौरान एडिटिंग तो अनडू आप दोबारा कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट की है कंट्रोल जेड, बेहतर होगा कि आप इसकी शॉर्ट्स की हैं वो याद कर लें, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। उसके आगे आ जाएं तो ये रेंडर सिलेक्शन है, तो टाइटल, ट्रैक और इनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक मुकम्मल प्रोजेक्ट हैं,
तो मैं नहीं चाहता कि स्टार्ट में ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो ये थी EDS की टाइमलाइन जिसके बारे में आपको मालूमात देनी ज़रूरी थी, और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि आप EDS की टाइमलाइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EDS के सीक्वेंस के बारे में कि EDS के सीक्वेंस हमारे किस काम आ सकते हैं और EDS के सीक्वेंस को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और एक दो दोस्तों ने तो सवाल किए, कमेंट्स किए मुझसे कि आप सर वीडियो आवाज़ में क्यों नहीं बनाते। तो दोस्तों, जो पहली वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने EDS की इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था, वो मैंने जस्ट वैसे ही बनाकर अपलोड की थी कि आप दोस्तों को मदद मिल सके, और बाद में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने इस इल्म को आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह आपको हर दूसरे या तीसरे दिन बाद EDS की एक क्लास दूँ करूँगा जिसमें आपको एक कोशिश करूँगा कि एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। तो एक दोस्त ने सवाल किया है कि EDS का जो लिंक है, जो उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उनके पास जो रिपेयर की पड़ी हुई है वो जब भी उसे लोड करते हैं तो वो आगे से एक्टिव नहीं होती। तो मैं उस दोस्त को यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो है EDS इंस्टॉलेशन वाली, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक था, वो मैंने लिंक रिपेयर कर दिया है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लिंक पहले एक्टिव नहीं था, तो अब वो लिंक एक्टिव है। वहाँ से जाकर आप EDS को डाउनलोड कर लें, और फोल्डर नंबर चार है उसमें उसकी रिस्पांस की पड़ी हुई है, आप उसको जाकर दोबारा रिपेयर कर लें, और इंशाल्लाह आपका EDS एक्टिव हो जाएगा। और एक दोस्त ने सवाल किया है कि आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक क्यों लगाते हैं सर। तो दोस्तों, मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक इसीलिए लगाता हूँ कि आवाज़ एक तो अच्छी हो जाती है, और एक तो आप बोर नहीं होंगे, म्यूज़िक से भी लुत्फ़ लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ, और देखते हैं कि EDS के सीक्वेंस हम कैसे काम में ले सकते हैं, और EDS के सीक्वेंस हमारी एडिटिंग में कितने काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने एक सीक्वेंस बनाकर रखा हुआ है जो कि इस वक्त आप विंडो के सामने देख रहे हैं, और इस सीक्वेंस का नाम है फाइनल। तो अभी सबसे पहले इसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद फिर बात करते हैं हम सीक्वेंस के हवाले से कि हम सीक्वेंस को कैसे यूज़ में लेंगे और सीक्वेंस पे कैसे हम काम करेंगे। तो अभी दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम कर चुके हैं और उसको एक अच्छे तरीके से प्ले करना चाहते हैं, तो आप अपनी शिफ्ट और स्पेस के पास साथ EDS को प्ले किया करें। तो देखते हैं, तो बाद में बात करता हूँ मैं आप दोस्तों से। तो ये वही स्लाइड शो है जो आपने सबसे पहले स्टार्ट में देखा, तो आज हम बात करेंगे इसी के हवाले से। तो आप ये देख रहे हैं कि EDS पे आपको एक लेंथ नज़र आ रही है, ना तो आप किसी ट्रांसलेशन को देख रहे हैं ना ही किसी अफेक्ट को। तो ये कैसे भाई, ये ही सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस की मदद से ही किया है मैंने। तो चलिए, तो ये है हमारे पास एक कंपोजिशन, आप इसे कंपोजिशन भी कह सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सल है उसके साथ हमें एक छोटा सा लिखा हुआ मिलता है एडिट। तो जैसे ही हम अपनी सीक्वेंस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक आगे सीक्वेंस ओपन हो चुकी है जिस पे लिखा हुआ है एडिट। तो इसमें मैंने ये सभी एडिट की हैं वीडियोस ट्रांसलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये उसी रूटीन से यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस हमारे किस काम आते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि हम एक स्लाइड शो, एक टाइटल या फिर एक सॉन्ग क्रिएट करते हैं, घंटा दो घंटा तीन घंटे मेहनत करके।
तो कल को हम वही सॉन्ग दोबारा रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे जो सीक्वेंस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि EDS का जो ये एक रिपीट वर्क सॉफ्टवेयर है, और रिपीट वर्क से मतलब कि आप जो भी काम करते हैं उसे आप बार बार वही काम दोहराना चाहते हैं तो वो आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। ये वीडियोस का जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 20 सेकंड का है, और इस पे मैंने कम से कम 25 मिनट लगाए हैं इस सीक्वेंस की एडजस्टमेंट करने के लिए। इसकी म्यूज़िक के साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है मैंने, इतना को अच्छा बना नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझाने के लिए काफ़ी बन चुका है। तो अब मैं जब दोबारा इस सीक्वेंस को चाहता हूँ, ये मैंने पहले एक ब्राइड और ग्रूम कपल का मैंने डाउनलोड करके लगाए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि यही पिक्चर्स मैं चेंज कर दूँ और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अपना जो फाइनल सीक्वेंस है उसको फाइनल करके, एडिटिंग जब मेरी फाइनल हो जाएगी उसे मैं सेव कर लूँगा, और यहाँ पे मैं इसको सेव करने वाला हूँ। और जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी लिहाज से अपनी ड्राइव में इसको सेव कर लें। तो मैं यहाँ पे जाकर इसको सेव करने वाला हूँ स्लाइड शो Class 3 New के नाम से। तो जैसे ही मैंने सेव किया हमारा सीक्वेंस सेव हो चुका है, और अब हम Ctrl+N के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। और अब मैं चाहता हूं कि मैं एक ब्राइड और ग्रूम की स्लाइड शो क्रिएट करूं, तो उसके लिए मैं अपनी पिक्चर्स को चूज कर लेता हूं। पहले पिक्चर्स को चूज करने के बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है कि आप अपनी स्लाइड शो कौन सी क्रिएट करना चाहते हैं। जी तो पहले यहां से कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं, जो भी एक ये ले लेते हैं और दूसरे वाली ये। पहले मैं पिक्चर्स को चूज़ कर लूँ, उसके बाद एक ये वाली पिक्चर्स, एक ये वाली पिक्चर्स और एक ये वाली पिक्चर्स, इनको कर लेते हैं ओपन। तो अब हम उसी स्लाइड शो को कन्वर्ट करते हैं इन पिक्चर्स में। तो अब वहाँ पे मेरे लगे थे 20 मिनट, ठीक है। तो अब हम दोबारा स्लाइड शो जब क्रिएट करते हैं तो देखिए कितना टाइम लगता है, आप खुद नोट कीजिए। जस्ट आपको क्या करना है, सीक्वेंस के लिए इम्पोर्ट F2 करना है, जो कि मैंने अपनी जो फर्स्ट क्लास है हमारी यूज़र सेटिंग एंड सिस्टम सेटिंग्स, यूज़र सेटिंग में जाकर आप इम्पोर्ट सीक्वेंस की एक शॉर्ट की बना सकते हैं। तो इम्पोर्ट करने के बाद आपको ब्राउज़ पे जाना है, ब्राउज़ करने के बाद आपने जहाँ पे वो प्रोजेक्ट सेव किया है उसको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये जो दो ऑप्शंस हैं इन पे चेक मार्क लगा हुआ होगा, इम्पोर्ट बिन पे भी और उसके अलावा कॉपी क्लिप इन प्रोजेक्ट फोल्डर पे भी। तो आप प्लीज़ इन दोनों को अनचेक कर देंगे, अनचेक करने के बाद आप कर लेंगे ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद आप जैसे ही अपनी लेयर को डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और लेयर खुल चुकी है, तो इसके नीचे हमारे पास जो फर्स्ट फोटो है वो ये वाली है, तो हम इसको भी डबल क्लिक करेंगे क्योंकि ये भी सीक्वेंस बाई सीक्वेंस बनी हुई है। तो ठीक है, ये है हमारा प्रोजेक्ट, हमारी जो मटेरियल है जिस पे हम स्लाइड शो बनाना चाहते हैं। तो अब इसकी जगह पे मैं लगाना चाहता हूँ ये वाली पिक्चर्स, ठीक है। सॉरी, मैंने सभी सिलेक्ट की हुई थी तो सभी यहाँ पे इम्पोर्ट। एक फ़ोटो को सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर वाली टाइमलाइन पे रख दूँगा, और नीचे वाली फ़ोटो चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं या फिर यहीं पे रहने दें, क्योंकि हमारी पिक्चर ऊपर आ चुकी है तो नीचे वाली पिक्चर हमारी नज़र बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब अगर हम अपने एडिट पे जाते हैं और एडिट पे जाकर देखते हैं तो हमारी जो पहले वाली फ़ोटो है वो चेंज हो चुकी है, और हमारी ट्रांसलेशंस, हमारे इफ़ेक्ट्स वहीं पर एक्टिव हैं, हमारे ट्रांसलेशन, हमारे फैक्ट वहीं पे एक्टिव हैं, हमारी पिक्चर चेंज हो चुकी है। और आगे हम दोबारा दूसरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास Photo 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, ठीक है इसको। तो अब हम एडिट पे जाकर देखते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट फ़ोटो है वो भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। और आगे हम जाते हैं हमारी Photo 3 पे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये वाली फ़ोटो, ठीक है। तो अब अगर हम एडिट पे जाते हैं तो हमारी जो सेकंड लास्ट फ़ोटो है वो भी पिक्चर चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मैं इन हाथों का सीन देने वाला हूँ,
तो एडिट पे जाकर हम देखते हैं तो हमारी ये वाली फ़ोटो भी चेंज हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ये वाली फ़ोटो, तो ये वाली अगर हम एडिट में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोटो भी चेंज हो चुकी है। मतलब पहले हमारे जो हमने जब ये क्रिएट की थी तो हमारे लगे थे 20 मिनट और वही पिक्चर वही पिक्चरें और उसी तरह की स्लाइड शो जब आप दोबारा क्रिएट करेंगे तो आपके जस्ट 2 मिनट लगेंगे, आपको वो पिक्चरें रिप्लेस करनी हैं और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास वही एक प्रोजेक्ट बन जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह से डेवलप किए थे जो सीक्वेंस। ठीक है, तो हम एक न्यू सीक्वेंस ले लेते हैं। पहले मैं इन सभी सीक्वेंस को क्लोज करने वाला हूँ। तो क्लोज़ के लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है, अगर आप एक सीक्वेंस को क्लोज करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करके क्लोज दिस सीक्वेंस, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज दिस सीक्वेंस। अगर आप किसी एक सीक्वेंस को रखना चाहते हैं और बाकी सभी सीक्वेंस को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसी सीक्वेंस पे राइट क्लिक करने के बाद क्लोज ऑल द अदर सीक्वेंस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, आपके जितने रफ सीक्वेंस होंगे वो खुद बहुत क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं एक न्यू सीक्वेंस। और न्यू सीक्वेंस आप कैसे ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट न्यू सीक्वेंस का भी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू सीक्वेंस मिल जाएगा और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके लेंगे तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। और अभी हमारे पास एक, जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास सीक्वेंस बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर हमारी बिन में भी जो हमारे पास सीक्वेंस है वो हमको मिल रहे हैं। तो ये है हमारा सीक्वेंस नंबर 1। तो यहाँ हम नंबर देते हैं 1। इस पे राइट क्लिक करने के बाद सीक्वेंस सेटिंग, सेटिंग में जाकर ओके करने के बाद सीक्वेंस नेम सीक्वेंस 2 सॉरी सीक्वेंस 3। इसके अलावा हमारे पास ये जो आता है TC प्रीसेट, ये तो मेरे ख्याल से किसी भी काम का नहीं हमारे। और उसके आगे हम आ जाएं टोटल लेंथ, अगर आप इस सीक्वेंस की टाइमिंग रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे एक सीक्वेंस चाहिए 10 सेकंड का तो मैं यहां से उसको 10 सेकंड की टाइमिंग देकर ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये हमारे पास 10 सेकंड का सीक्वेंस बन चुका है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस है जो सीक्वेंस नंबर 5, ठीक है सॉरी सीक्वेंस 4। तो ये हमारे पास 4 सीक्वेंस बन चुके हैं और अब हम इनमें करने वाले हैं काम। मिसाल के तौर पे ये मैंने वीडियो रख दी इस पर फोटोज़ सॉरी, और दूसरे में भी मैंने फ़ोटोज़ रख दी हैं, तीसरे वाले सीक्वेंस में भी मैंने फ़ोटो सॉरी ये वाला दूसरे वाला है जो इसमें भी मैंने फ़ोटो ऐड कर दी, फर्स्ट वाले में भी एक फ़ोटो ऐड कर दी। अब जो हमारे 4 सीक्वेंस हैं चारों सीक्वेंस में एक एक पिक्चर पड़ी हुई है और यहाँ मैं बिन में से मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। बिन में से डिलीट करने के बाद मैं एक न्यू लेने वाला हूँ जिस पे मैं लिखना चाहता हूँ फाइनल। ठीक है, फाइनल टू। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, मुझे लग रहा है कि ये डिस्टर्ब करेगा इसलिए मैं इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ। और अब ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर वाला सीक्वेंस है, मैं चाहता हूँ ये हमारे पहले वाले सीक्वेंस में डिवेल्प हो जाए कि मैं इनको इस साइड पे मर्ज कर सकूं और इन पे कोई इफेक्ट लगा सकूं। तो ये जो मेरा पहले वाला सीक्वेंस है इसको मैं राइट क्लिक करके ऐड टू बिन करूंगा। जैसे ही मैं ऐड टू बिन करूंगा ये सीक्वेंस हमारा आ चुका है हमारी बिन में और मैं इसे यहां से पकड़कर हमारी टाइमलाइन पर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है एक सीक्वेंस की शक्ल में। आप यहां पे देखें तो इस पे लिखा हुआ है 01, ये हमारे सीक्वेंस का नाम है। नेक्स्ट को भी हम ऐड टू बिन, ऐड टू बिन, ऐड टू बिन, और इन तीनों सीक्वेंस को पकड़कर यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रखने के बाद इनको यहाँ से क्लोज कर देंगे। और जैसे ही क्लोज करेंगे तो अब इस लेंथ सीक्वेंस की टाइमिंग लेंथ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसकी टाइमिंग 10 सेकंड पे एडजस्ट की थी तो ये सीक्वेंस हमारे पास 10 सेकंड का आया है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी सीक्वेंस पे जितनी वीडियो रखेंगे जितनी वीडियो डालेंगे उसकी टाइमिंग उस वीडियोज़ के हिसाब से लेंथ क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप उसकी मैनुअल क्रिएट करना चाहते हैं लेंथ तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो इस तरह आप सीक्वेंस की सेटिंग कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि इस सीक्वेंस में मैं कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करूं, तो यहां पे कुछ अफेक्ट लगाऊं। तो यहां से हम अफेक्ट में जाएंगे, और अफेक्ट में जाने के बाद यहां पे मैं इस पे सिंपल ये एक ट्रांसलेशन लगाने लगा हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रांसलेशन लग चुकी है अफेक्ट में जाने के बाद। तो अब मैं पीछे जब सीक्वेंस में आऊँगा तो यहाँ पर भी हमारे पास वो जो ट्रांसलेशन है वो एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इस सीक्वेंस पे एक ही ट्रांसलेशन और लगाऊं, तो यहां पे मैं एक और ट्रांसलेशन ऐड नहीं कर सकता। तो यहां पे जब हम अपने इस सीक्वेंस पे आएंगे तो यहां पे हम एक ट्रांसलेशन और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये मैंने अभी एक और ट्रांसलेशन यहां पे ऐड कर दी, तो इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम करेंगे ट्रांसलेशन की। इंशाल्लाह ट्रांसलेशन की सेटिंग्स कैसे करते हैं, कस्टम ट्रांसलेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं सभी आपको बताऊंगा, और क्लास बाय क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको EDS का जो बेसिक है वो एक अच्छे तरीके से समझा सकूं। और जब आप EDS को एक बेसिक तरीके से समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आपके पास सिर्फ एक सिस्टम होगा और एक EDS होगा, और अपनी फिल्म को एक अच्छे तरीके से आप एडिटिंग कर सकेंगे खुद अफेक्ट क्रिएट करके इंशाल्लाह। तो अब हम जब यहां पे आएंगे तो यहां पे हमारे पास एक तो हमारी जो ट्रांसलेशन है वो पहले वाली सीक्वेंस की है, और दूसरी जो हमने ये वाली लगाई थी इसकी भी हम टाइमिंग यहां से चेंज कर देते हैं, और इसकी कलर ट्यून को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही वीडियो पे हमने दो ट्रांसलेशन एक्टिव कर दी हैं। तो ये हमने कैसे की हैं, एक सीक्वेंस की मदद से। इसी तरह आप सीक्वेंस की मदद से अफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। आई होप कि आपको सीक्वेंस के बारे में पता चल गया होगा कि हम सीक्वेंस को कैसे काम में लेते हैं और सीक्वेंस हमारे किस काम आ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको एक अच्छे तरीके से समझ नहीं आ सकी तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको किसी किस्म की भी कोई EDS के हवाले से प्रॉब्लम हो तो। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास, और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडियो लेयर्स, और हम ऑडियो को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह आप अपने EDS को कर लें ओपन, और जल्दी से इसमें हम कुछ ले आते हैं, बिन में कुछ ऑडियो और वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं, और अपना काम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो हमारी टाइमलाइन है उसमें एक जो हमारे पास लेयर्स होती हैं वो होती है ऑडियो प्लस वीडियो, और जो चार लेयर हमारे पास होती हैं वो होती हैं ऑडियो। इनको हम अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हम ऑडियोज़ को देखते हैं कि हम ऑडियोज़ को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो वाली वीडियो ओपन कर लें जो आप जिस पे काम करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये कुछ क्लिप पड़े हुए हैं, तो मैं इन क्लिप्स को उठाकर अपनी बिन में लाने लगा हूँ। और ये होता है हमारे पास रूट, जिसकी मदद से हम अपनी एडिटिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं इस रूट का नाम करने वाला हूँ चेंज, तो मैं इसको कर देता हूँ कैम वीडियोस। ठीक है, इसके नीचे मैं एक न्यू फोल्डर लूँगा, और न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा अपना ऑडियो। अब ये वाला जो मेरा फोल्डर है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियो को ही पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने म्यूज़िक में, और म्यूज़िक में जाने के बाद यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एक ऑडियो ट्रैक। तो ये ले लिया हमने ऑडियो ट्रैक, और ऊपर वाला जो फोल्डर है हमारे पास उसमें हमने ले लिए कुछ वीडियो के क्लिप। तो अब हम इसको करते हैं अपनी टाइमलाइन में रिप्लेस। तो जैसा कि यहां से पकड़कर आप इसको उठाकर टाइमलाइन में रख देंगे,
अब आप देख रहे हैं कि मैंने जब टाइमलाइन पे रखा तो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मुझे मिली। तो अगर मैं इसे दोबारा अंडू करता हूँ और अंडू करने के बाद मैं दोबारा इसको लाता हूँ, या तो ये मुझे ऑडियो मिल रही है, और अगर मैं ऑडियो टैग पे करता हूँ तो ऑडियो, वीडियो पे करता हूँ तो वीडियो पे। अगर आपको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल ओवर लेयर और जो इंसल्ट मोड वाला बटन है उसके नीचे लिखा हुआ है VA। अगर आप यहाँ पे देखें दोनों स्विच ऑफ है, तो आप यहाँ से ऑडियो को अगर हाइलाइट्स करते हैं, उसको ऑन कर लेते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑडियो प्लस वीडियो आ रही है, लेकिन ऑडियो भी आ रही है, सिर्फ ऑडियो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं इसे दोबारा कर देता हूँ अंडू, अंडू करने के बाद यहाँ पर मैं उसको करता हूँ ऑडियो प्लस वीडियो। तो जैसे ही मैंने ऑडियो प्लस वीडियो किया तो अब यहाँ पे वीडियो प्लस ऑडियो दोनों देखने को मिल रही हैं। एक चीज़ को आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, और अगर हम चाहते हैं हम यहाँ पे सिर्फ वीडियो को पेस्ट करें और ऑडियो को पेस्ट ना करें, तो यहाँ पे मैं इसको ऑडियो ट्रैक को ऑफ करके यहाँ से सिर्फ वीडियो रखूँगा, और अगर मैं ऑडियो पे नहीं आऊँगा तो मेरी ऑडियो पेस्ट नहीं होगी, और अगर मैं सिर्फ वीडियो वाली ट्रैक पे जाके वीडियो को रखना चाहूँगा तो सिर्फ मैं वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें चाहिए यहाँ पे ऑडियो प्लस वीडियो, तो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ से सभी क्लिप को उठाकर यहाँ पे रखकर, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड का जो बैक स्पेस वाला बटन होता है जिस पे लिखा होता है बैक स्पेस, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपके जो क्लिप आपने सिलेक्शन की होती हैं वो पहले वाले क्लिप के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो मैंने बैक किया तो हमारी जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो आवाज़ बहुत कम आ रही है, और शायद मेरा माइक ये रिकॉर्डिंग ना करे इसकी जो ऑडियो आवाज़ है, क्योंकि मेरा सिस्टम है जो वो माइक से काफ़ी दूर है और सिस्टम की जो आवाज़ है मेरे पास वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो चलिए दोबारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो ऑडियो नीचे से ख़त्म करके मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे एक सॉन्ग रख दूँ, म्यूज़िक रख दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं इसको एक सीक्वेंस करूँगा, और सीक्वेंस कैसे बनाते हैं ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछले वाली क्लास नहीं देखी तो मैं चाहता हूँ आप पहली क्लास से स्टार्ट करें अगर आप एक परमानेंट EDS पे एडिटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ से अब हम लेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस हम कैसे लेंगे, एक तो हमारे पास ऑप्शन है ये वाला क्रिएट ए न्यू सीक्वेंस, इसके साथ अगर देखें तो लिखा हुआ है शिफ्ट कंट्रोल एन, ठीक है। हम शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस बन चुका है, और इस पे हम नाम दे देते हैं एडिट, ठीक है। और पीछे वाली हमारी सीक्वेंस है जिसमें पड़ा हुआ है, इस पे हम दे देते हैं मास्टर कैमरा, ठीक है। तो अभी मैं इस मास्टर कैमरे वाले को एडिट वाले में इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल यहां पे क्या करूंगा, एड टू बिन, हमारा ये मास्टर कैम आ चुका है। आगे हम आ जाएंगे एडिट में, इस सीक्वेंस को उठाकर इस सीक्वेंस में रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेरे पास इस वक्त ऑडियो के अलावा तीन ट्रैक्स नीचे जो ऑडियो ले रहे हैं उसमें मुझे और देखने को मिल रही हैं। तो इसकी ऑडियो को अब मैं करना चाहता हूँ ख़त्म, बिल्कुल रिमूव करना चाहता हूँ, और मैं इसके नीचे यहाँ पर म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस ऑडियो को डिलीट करता हूँ तो हमारा वीडियो क्लिप भी डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले हम इसको करेंगे अनग्रुप, ठीक है। अनग्रुप कैसे करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाएंगे लिंक ग्रुप पर, लिंक ग्रुप पे जाने के बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे अनलिंक ग्रुप, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट की है वो है अल्ट जी। अब हम सिंगल लेयर को सिलेक्शन कर सकते हैं, और मैं इन तीनों लेयर्स की सिलेक्शन करके इनको डिलीट करने वाला हूं। जैसा ही मैंने सिलेक्शन करके डिलीट का बटन दबाया तो वो लेयर्स डिलीट हो चुकी हैं, और अब जो हमारी ऑडियो वाली जो हमारी ट्रैक है वो अभी भी मौजूद है, क्योंकि जो ये वाली हमने रखी थी ऑडियो प्लस वीडियो। और अगर एक और मैं बात आपको बता दूं, अगर हम नहीं चाहते कि हमारे पास ये तीन लेयर्स पहले से आएं
तो आप इनको यहाँ से डिसेबल कर दें। जैसे ही आप यहाँ से इनको डिसेबल करेंगे, तो अब जब मैंने यहाँ से उठा कर रखा तो ये सिंपल एक लेयर हमें मिली है ऑडियो प्लस वीडियो। और अगर मैं इसको ऊपर वाली ट्रैक पे रखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने ऊपर वाली ट्रैक पे रखा तो हमारी ऑडियो है जो वो नीचे हमें सेकंड ट्रैक पे मिल रही है। ठीक है, ऊपर से भी हमारा सेकंड ट्रैक है और नीचे से ऑडियो भी हमारी सेकंड ट्रैक पे आ चुकी है। और अभी मैं इसको फिर दोबारा अंडू करके दोबारा पहले वाली जगह पे ही लाना चाहता हूँ। तो हम पहले करेंगे अल्ट जी, अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद इनको कर देंगे यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद अब ये इस ऑडियो को मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे वाली अपनी जो ट्रैक लेयर है मेरी उस पे लाकर रख दूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से लाकर रखूँगा तो हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है और ऑडियो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। आप राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे लिंक ग्रुप पर और यहाँ से जाकर इसको कर देंगे अनलिंक। इसकी जो शॉर्ट की है वो है अल्ट वाई। ठीक है, अल्ट वाई, अगर अल्ट वाई प्रेस करेंगे तो आपकी जो ये ऑडियो है, अब ऑडियो हमारी जो वो अलहदा हो चुकी है। अब हम ऑडियो को अपनी को अलहदा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको म्यूट कर सकते हैं, म्यूट अगर आप चाहें, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, अंडू करने के बाद आप म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको म्यूट कर सकते हैं, इसकी ऑडियो को बिल्कुल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस ऑडियो को हम ले आते हैं नीचे, ठीक है, अब मैंने ऑडियो नीचे वाली ट्रैक पे ले आया हूँ और वीडियो वाली ऊपर वाली जो फर्स्ट ट्रैक है हमारे पास उस पर, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर सॉन्ग लगा दूँ, तो ये वाला म्यूज़िक मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको उठाऊँगा और नीचे वाली लेयर पर रख दूंगा। ऊपर वाली लेयर को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि कल को अगर आप किसी की ऑडियो, ओरिजिनल ऑडियो रखना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से अपनी वीडियो की ओरिजिनल ऑडियोज़ को नीचे वाली लेयर पे लाकर आप उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं ऑडियो की। तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट ट्रैक पे रखने वाला हूँ। फर्स्ट ट्रैक पे रखने के बाद आप ये वाला जो छोटा सा आपको आइकन मिल रहा है, इसकी शॉर्ट की है अल्ट एस। अगर हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन करके अल्ट एस करते हैं तो ये हमारे पास एक ग्राफ की शक्ल में हमें ऑडियो मिल रही है। मैं इसको जो हमारे पास टाइटल्स ट्रैक होती है मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियो है जो वो हमें ठीक से नज़र नहीं आ रही। तो इसको भी मैं ऊपर वाली लेयर पे रख के नीचे वाली जो लेयर है इसको डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, ये सभी लेयर्स आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं आप दोबारा चाहता हूँ एक वीडियो ट्रैक्स वही जो पहले वाला मेरा वापस आना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कोई भी ट्रैक ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे वीडियो पे ट्रैक किया तो यहाँ पे एक चैनल चाहता हूँ तो वही मेरा जो चैनल है वो मुझे मिल चुका है ऊपर वाली साइड पर। तो अब मैं यहाँ से इसको करने वाला हूँ डिलीट। तो ये अब सुन लेते हैं, हमारे पास ऑडियो आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आप ऑडियो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मान लें कि हमें इस ऑडियो पे एडिटिंग करना हो कुछ भी, जब आप अपना कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपका जो कीबोर्ड का सर्कल है जो दरमियान में एक गोल बटन बना होता है उसको आप राउंडेड भी कहते हैं, सर्कल भी कहते हैं, आप जब उसको घुमाएंगे आगे की तरफ कंट्रोल का बटन प्रेस करके तो आपकी स्केल खुद ब खुद माइनस बंद होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप उसको बैक की तरफ पीछे की तरफ घुमाएंगे तो आपकी जो लेयर्स है वो जूम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा आप यहाँ से ये जो बटन बना हुआ है यहाँ से भी अपनी जो टाइमलाइन है आपकी उसको आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम देखते हैं जूम इन करके। अब मैं इसकी ऑडियो के बारे में आपको बता दूं, एक तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसकी हाइट पे जाते हैं। हाइट पे जाने के बाद मैं इसको फोर्थ, ठीक है, सिलेक्शन की, जैसे ही हमारे पास ये हाईलाइट शुरू होगी। तो ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी ऐसे सॉन्ग पे बीट्स वगैरह लगाना चाहते हैं या फिर म्यूज़िक को एक अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हम उसकी ग्राफ की मदद से उसको समझ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्राफ को कैसे समझें और हम बीट्स वगैरह कैसे
लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक ऑडियो बताना चाहता हूँ कि हम ऑडियो को कैसे एक अच्छे तरीके से अपने EDS में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको कैसे अपनी टाइमलाइन में यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करने वाला हूँ और ये आप देखें यहाँ पे ये एक बीट्स आ रही हैं, ठीक है। ये आप सुन लें थोड़ा सा, ये आपको क्लिक बीट्स है जो यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो भी हमें इस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है कि यहाँ पे बीट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है बीट्स को देखने का, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ही बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, का बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो ये हमें बीट्स मिल रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये थी बीट्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इतना सॉन्ग्स ये वाला लगाऊं और इससे आगे का सॉन्ग्स है जो वो चेंज कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ और जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन करके डिलीट करूँगा तो ये पूरे का पूरा डिलीट हो जाएगा। मैं इसको दोबारा अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद मैं इसको प्रेस सी, सिंपल आप अपने कीबोर्ड से सी का बटन प्रेस करेंगे, जहाँ पर भी ये आपकी स्केल होगी, ठीक है, वहाँ से आपकी ऑडियो अगर सिलेक्शन की होगी तो ऑडियो कट हो जाएगी और अगर हम वीडियो की सिलेक्शन करके सी करेंगे तो हमारी वीडियो है जो वो कट हो जाएगी। तो दोबारा इसको अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद ये हमने कट लगाया था और यहाँ से मैं इसको करने वाला हूँ डिलीट। सिंपल डेल का बटन आप या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपकी ऑडियो डिलीट हो जाएगी। और अब हम एक और ऑडियो यहाँ पर ले आते हैं, क्लॉक ये लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी ऑडियो दूसरे वाली है ये, ठीक, लेकिन ये बहुत ही बोरिंग और बहुत ही बुरी लग रही है। जैसा ही हम पहली ऑडियो हमारी ख़त्म होती है तो वहाँ पे दूसरी ऑडियो फिल फॉर्म स्टार्ट हो जाती हैं। हम अब इसके दरमियान एक डिज़ाल्व ऐड करना चाहते हैं। डिज़ाल्व है जो वो वीडियो में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो डिज़ाल्व की मदद से हम अपनी ऑडियो को स्मूथ और खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके लिए हम पहले तो मैं आपको बता दूँ इसके डिज़ाल्व के बारे में कि मैंने अपनी जो फर्स्ट क्लास है यूज़र सेटिंग और सिस्टम सेटिंग्स उसमें एक शॉर्ट की बनवाई थी आपको डी के नाम से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको डी प्रेस करना है और जब मैं यहाँ किसी भी फर्स्ट वाली या सेकंड वाली को सिलेक्शन करके अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करूँगा, सॉरी इस, हाँ ठीक है, सेकंड वाली नहीं, जो फर्स्ट वाली है उसको आप जब सिलेक्शन करके डी का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दरमियान में एक क्रॉस लग चुका है। और अब इसको ज़रा प्ले करके चेक करते हैं, ठीक है। स्मूथ होने के बाद साथ ही वो फिर ऑडियो है जो वो चल गई है, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है पहले से, ठीक है। अगर हम इसको पकड़ कर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और अब सुनते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा इसको लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो डिज़ाल्व है वो हमारा उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो जब डिज़ाल्व काम नहीं कर रहा तो हम कैसे काम लेंगे? अब हम इसकी ग्राफ से काम लेंगे, जो ऑडियो की ग्राफ होती है। तो ऑडियो की ग्राफ हम कैसे ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखें तो छोटा सा आपको एक वॉल्यूम पिन नज़र आ रही होगी यहाँ पर ऑडियो के बिल्कुल नीचे। तो आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइन है जो वो नज़र आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा है। तो ये देखें, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक एरो, एक नुक्ता बन चुका है। अब यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ से इसको पकड़ के मैं डाउन करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने डाउन किया और यहाँ से मैं इसको भी क्लिक करके डाउन करने वाला हूँ, ये अब ग्राफ बन चुका है। इस तरह से ऑडियो चलती आएगी, चलते चलते ऐसे डाउन होकर अप होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम प्ले करके इसको दोबारा चेक करते हैं, हाँ अब अच्छी लग रही है क्योंकि पहले वाली ऑडियो बिल्कुल अपने लेवल के मुताबिक डाउन होती जा रही है और दूसरे वाली ऑडियो अप होना शुरू हो रही है। तो दोस्तों इसी तरह आप अपनी जो ऑडियो है उसको जब भी आप कोई सॉन्ग चेंज करते हैं तो आप या फिर सॉन्ग का एंड करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके स्टार्ट पे या एंड पे आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ सकता है। तो
तो और आपको इसको इस्तेमाल करना भी चाहिए क्योंकि ये अच्छा लगता है। और अभी तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसमें एक कट देने के बाद इस क्लिप को ही चेंज करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने क्लिप को चेंज किया और चेंज करने के बाद यहाँ पे भी मैं डिज़ाल्व लगाने लगा हूँ। हम सिंपल वीडियो में जाएंगे, वीडियो में जाने के बाद ट्रांसलेशन, 2D एनिमेशन, 2D एनिमेशन में हमारे पास ये पड़ा हुआ है डिज़ाल्व। ये नीचे वाली है जो लेयर, इस पे हम डिज़ाल्व को पेस्ट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये ऑडियो के साथ ऊपर वाली जो हमारी वीडियो है उसको भी डिज़ाल्व लग चुका है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से ऑफ होकर फिर दोबारा ऑन होगी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप अपनी ऑडियो को इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ ऑडियो के हवाले से, कि अगर आप बिल्कुल ही ऑडियो को रिमूव करना चाहते हैं तो उसकी भी एक शॉर्ट की है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो सिंपल अल्ट शिफ्ट नहीं, आप प्रेस करेंगे अल्ट ए। जैसे ही आप अल्ट ए करेंगे आपकी ऑडियो नीचे से ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी ऑडियो की कुछ सेटिंग्स, और एक और सेटिंग्स इसकी बाकी हैं अभी, जो कि आप अफेक्ट्स के हवाले से ऑडियो को कैसे एक हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑडियो के बारे में, कि हम ऑडियो को पॉलिश कैसे कर सकते हैं, एक नॉर्मल ऑडियो को एक हैवी ऑडियोज कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियोस को पसंद आने की सूरत में हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम रिपल मार्कर और अपनी वीडियो को स्लो मोशन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आप अपने सिस्टम पे EDS को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद एक प्रोजेक्ट को चूज कर लें, और उसके बाद अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिसकी मदद से आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप और एक म्यूजिक ऐड किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कि रिपल मार्कर हमारे किस काम आ सकता है और उससे हम क्या मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये एक सॉन्ग है, और सॉन्ग में एक जो हमारी ऑडियो ट्रैक होती है, हम ऑडियो लेयर होती है, उस पर लाकर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो अब रिपल मार्कर की मदद से हम क्या करते हैं, रिपल मार्कर की मदद से जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो बीट्स होती हैं सॉन्ग्स की, हम उनको पकड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिपल मार्कर की मदद से हम एक निशानदेही लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारी बीट्स आ रही है। और अगर हम साथ उसके कुछ लिखना चाहें, किसी चीज़ को हाइलाइट्स करना चाहें, मिसाल के तौर पे हम वहाँ पे कोई ऐसा क्लिप ऐड करना चाहते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तो वहाँ पे हम की भी दे सकते हैं यहाँ पे हम क्या ऐड करना चाहते हैं, और ये सब हम करते हैं रिपल मार्कर की मदद से। तो सबसे पहले मैं अपने जो ऑडियो है उसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैंने उसका ग्राफ ले लिया है, और अभी इसका जो हाइट है मैं उसको बढ़ाने लगा हूँ ताकि मैं जो बीट्स हैं उनको ज़रा अच्छे तरीके से देख सकूँ और सुन सकूँ। तो जी, तो इसमें मैं ये जो फालतू लेयर्स हैं उनको मैं डिलीट करने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपको आप इनको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कम भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ऐड भी कर सकते हैं। तो जी, मैंने ये टाइटल ट्रैक भी डिलीट कर दिया है, और अब हमारे सामने जो एक वीडियो ट्रैक है और एक हमारे पास ऑडियो ट्रैक मौजूद है। तो रिपल मार्कर अगर आप यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो आपको एक मिल रहा होगा मार्कर्स। ठीक है, मार्कर में जाएं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं ऐड मार्क। जैसे ही आप ऐड मार्क करेंगे यहाँ पे आपकी स्केल होगी, जहाँ पे आपकी स्केल होगी टाइमलाइन पे, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरो, एक निशान लग चुका है, और ये हमने लगाया है कैसे, मार्कर में जाकर ऐड मार्क किया है। और अगर हम सिंपल यहाँ पे कहीं पे भी, जहाँ पे भी हम इस मार्कर को ऐड करना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी स्केल को रखने के बाद कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस करेंगे तो ये रिपल मार्कर है जो ये ऐड हो जाएगा।
तो ये हम क्यों यूज़ में लेते हैं, जब भी हम बीट्स वगैरह पकड़ते हैं तो पहले बीट्स लगाते हैं, उसके बाद फिर हम वहाँ पे क्लिप ऐड करते हैं। अगर ऐसा करें कि पहले साथ में बीट्स पकड़ते जाएं, साथ में क्लिप ऐड करते जाएं, तो ऐसे में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है और दूसरा हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि अब यहाँ पर हमें कौन सा क्लिप लगाना चाहिए। तो पहले हम रिपर मार्कर की मदद से बीट्स को पकड़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से अपने जो क्लिप हैं उनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं रिपल मार्कर में। तो चलिए पकड़ते हैं बीट्स, उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने ये कुछ रिपल मार्कर हैं जो वो ऐड कर दिए हैं और आप देख लेते हैं कि हम इनकी मदद से कैसे काम लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो रिपल मार्कर है, इस पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे। तो मैं अपने मार्कर में जाऊँगा, मार्कर में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको कर दूंगा एडिट मार्क। एडिट मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाई बीट, ठीक है। तो अब आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे इस मार्कर पे आपकी जब स्केल पहुंचेगी तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है हाई बीट। अगर हम पीछे आ जाएं इस पे, तो यहाँ पे हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ सिंपल बीट, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपनी स्केल को लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा सिंपल बीट। मतलब आप अपने रिपल मार्कर की मदद से कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप कमेंट करना चाहें। अगर आप टीम वर्क काम करते हैं तो उसमें आपको रिपल मार्कर बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। इसके अलावा रिपल मार्कर अगर हम अपनी टाइमलाइन में ऐड करना चाहें तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अपने सिस्टम की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम यूज़र सेटिंग में जाएंगे, यूज़र सेटिंग में जाने के बाद यूज़र इंटरफेस और बटन, बटन में जाने के बाद हम सबसे पहले ऊपर जहाँ पे प्लेयर लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे अपनी टाइमलाइन पे, ठीक है। टाइमलाइन पे नीचे कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे हम आएंगे मार्कर्स, और अगर हम यहाँ पे देखें तो सेट सीक्वेंस मार्कर। अगर मैं इससे ओके करता हूँ यहाँ से, सॉरी इस साइड पे, राइट साइड पे मैं यहाँ इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो अब मैं इसको जैसे ही अप्लाई करके ओके करूँगा तो यहाँ हमारे पास हमारी टाइमलाइन पे भी मार्कर शो हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा और हमारी जो टाइमलाइन है उस पे मार्कर ऐड हो चुका है। इसके अलावा मार्कर हमें क्या बेनिफिट देता है, इसके अलावा हम इन मार्कर्स को सेव भी कर सकते हैं, ताकि कल को अगर हम इसी सॉन्ग की दोबारा एडिटिंग करें तो हमें फिर दोबारा से ये मार्कर्स ऐड ना करने पड़े और ना ही हमें बीट्स पकड़नी पड़े। ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है जो वो वेस्ट होने से बच जाता है। तो वो कैसे होता है, मिसाल के तौर पे ये मान लीजिए कि हमारा सॉन्ग है जो वो कंप्लीट हो चुका है और हमने तमाम बीट्स मार्कर से पकड़ ली हैं। पकड़ने के बाद हम सिंपल मार्कर में जाएंगे और मार्कर में जाने के बाद इनको कर लेंगे एक्सपोर्ट मार्कर लिस्ट, ठीक है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो आगे हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको सिंपली डेस्कटॉप पे नहीं, मैं इसको सिस्टम में ही सेव करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद क्लास 5, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क 5 का नाम देने वाला हूँ। देने के बाद मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस लेते हैं, न्यू सीक्वेंस लेने के बाद मैं इसी म्यूजिक को यहाँ पे ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने म्यूजिक ऐड कर दिया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी वही बीट्स इसी म्यूजिक पे वापस आ जाएं। तो मैं सिंपल यहां पे मार्कर पे जाऊंगा, मार्कर पे जाने के बाद इंपोर्ट मार्कर लिस्ट करूंगा और उस लिस्ट को अपनी को यहां पे इंपोर्ट कर दूंगा, ये वाली फाइल, ठीक है।
इसको मैं यहां से ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करूंगा मेरे तमाम मार्कर्स हैं जो वो मेरे नेक्स्ट सीक्वेंस पे के भी आ चुके हैं। तो ये था दोस्तों रिपल मार्कर। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल में लेते हैं और ये हमारे क्यों यूज में आता है। तो अब हम बात करते हैं स्लो मोशन के बारे में कि हम अपनी वीडियो को स्लो मोशन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्लिप को पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको मार्कर से निशान लगाने लगा हूँ। ये वाला मैंने एक निशान लगा दिया। थोड़ा सा क्लिप मैं यहाँ से डिलीट करके पीछे लाने वाला हूँ और इस वाले क्लिप को यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे भी मार्कर ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसके स्टार्ट पे भी मार्कर ऐड कर दिया है और लास्ट पे भी मार्कर ऐड कर दिया है। और अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने मार्कर लगाए हैं इस मार्कर के दरमियान में ही मेरी वीडियो स्लो मोशन हो जाए। तो स्लो मोशन हम कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, सिंपल। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे टाइम अफेक्ट में। टाइम अफेक्ट में जाने के बाद हम आ जाएंगे स्पीड पे। और अगर आप इसकी शार्ट की जो जर्नल शार्ट की है इसकी, वो है कंट्रोल ई और वैसे मैंने सिंपल ई रखा हुआ है। तो यहां पे ये आ गई हमारे पास स्पीड। तो मैं इसकी स्पीड स्कोर लगाने लगा हूं 50%। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ओके कर दिया हमारा क्लिप है जो वो आगे की तरफ चला गया है मार्कर से। ठीक है, ऐसे क्यों हुआ है अभी मैं आपको बता देता हूं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लिप है वो मार्कर के अंदर ही, ठीक है, वो 50 स्पीड बढ़ जाए। तो मैं इसको दोबारा अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद हम दोबारा स्पीड पे जाएंगे। स्पीड पे जाने के बाद मैं इसको दोबारा 50% लगाने वाला हूँ और ये वाला जो चेक है इस चेक को मैं उतार दूंगा। जैसे ही मैं इस चेक को उतार कर दोबारा अप्लाई करूंगा तो अब हमारी जो स्पीड है वो 50% स्लो हो चुकी है और जो हमारा मार्कर है उसके अंदर ही स्लो हो चुकी है। और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पे मान लें कि हमारे पास ये भी क्लिप है और एंड पे ये वाला क्लिप भी हमारे पास है। तो ये जो दरमियान वाला क्लिप है हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड्स और ज़्यादा कम हो जाए। पहले हमने बहुत ज़्यादा वर्क आगे भी किया हुआ है और पीछे भी किया हुआ है, और जब भी हम वर्किंग के दौरान स्पीड्स को अगर बढ़ा देते हैं, यहाँ से मैं इसको 30% करूँगा, तो जो हमारा नेक्स्ट वाला काम है वो हमारा प्रोजेक्ट आगे की तरफ चला जाएगा। हमारा जितना काम आगे बना हुआ होता है हम कर चुके होते हैं, वो सब का सब अपनी एडजस्टमेंट से आउट हो जाता है। तो इसकी मदद से फिर हम क्या करेंगे, दोबारा ई पे आते हैं और यहाँ पे 30% और मैं इसको अनचेक करके जैसे ही ओके करूँगा तो ये हमारा डन हो चुका है। ठीक है, ये थी स्पीड्स, हम अपनी वीडियो को स्लो मोशन कैसे करेंगे। और स्लो मोशन करने के साथ 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 ही नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फील्ड्स ऑप्शंस। आप इस फील्ड्स ऑप्शन में आएंगे और फील्ड्स ऑप्शन में आने के बाद आपके सामने एक नई विंडोज ओपन हो जाएगी। नई विंडो जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे आपको फ्रेम ब्लेंडिंग नजर आ रहा होगा और नीचे जो है वो आपको हमेशा के लिए ऑलवेज डी इंटरलेस कर दें इसको। जैसे ही आप इसको ऑलवेज डी इंटरलेस करके ओके कर देंगे, आप इसको अगर हमेशा के लिए चाहते हैं कि जब भी आप स्पीड लाएंगे तो ये आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, तो आप इसको यहाँ से सेफ हैज डिफॉल्ट करके ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही ओके कर देंगे, अब अगर मैं इस पे आ जाता हूँ तो इस पे हम देखेंगे हमारा फील्ड्स ऑप्शन है जो वो नहीं हुआ। जैसे ही 50% लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद सेफ एज, ठीक है, अब सेफ एज हो चुका है। वो मैं उसको पहले कर चुका था, स्पीड लगा चुका था, तो इस वजह से वो सेफ नहीं हुआ। और अगर हम अब इस क्लिप पर आकर चेक करते हैं दोबारा से तो हमारा जो ऑलवेज डी इंटरलेस आपको हमेशा के लिए ही करना पड़ेगा, सेफ एज इसको होना चाहिए लेकिन ये किसी प्रॉब्लम की वजह से सेफ नहीं हो रहा। तो चलें इंशाल्लाह मैं देख लेता हूं कि इसको सेफ क्यों नहीं हो रहा और ये हमें क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि इसको सेफ हैज होना चाहिए। अगर हम यहां से फिर 50% लगाते हैं, 50% लगाने के बाद हम जाते हैं फील्ड्स ऑप्शन पे तो ये हमारा सेफ हो चुका है। ठीक है, सेफ हैज डिफ़ॉल्ट। और अगर हम अब यहाँ से ये तमाम क्लिप्स हैं जो ख़त्म करके एक क्लिप्स नया ले आते हैं, तो मैं इसको यहां पे
स्पीड लगाने वाला हूँ 50%, और अगर हम फील्ड ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा ऑलवेज डी इंटरलेस्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेफ हो चुका है। तो ये आप क्यों बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर लेंगे, जब भी आप अपनी वीडियो को स्लो मोशन लगाएंगे तो वो अच्छी लगेगी। अगर आप ऑलवेज डी इंटरलेस नहीं करते तो उसकी जो फ्रेमिंग है वो आउट हो जाती है, तो ऐसे में आपकी वीडियो ब्लर होना, थोड़ा थोड़ा सा अजीब सी ना फीलिंग शो करती है। तो आप हमेशा के लिए जब भी वीडियो को स्लो मोशन करना चाहें तो आप उसको हमेशा के लिए डी इंटरलेस ऑलवेज कर दिया करें। और ये था रिपल मार्कर और स्लो मोशन। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वीडियो फिल्टर्स और ट्रांसलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से माजरत करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इंशाल्लाह दो दिन बाद आपको वीडियो दिया करूंगा, तो मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा लोड था, तो इस वजह से मेरी ये क्लास बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी वीडियोस हैं वो लेट ना हों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। और हमेशा की तरह सबसे पहले आप अपनी वो मटेरियल ऐड कर लें बिन में जिसकी मदद से आप एडिटिंग करना चाहते हैं। और मैंने कुछ वीडियोज़ क्लिप अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम जाएंगे अफेक्ट में। बिन के आगे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे अफेक्ट का फोल्डर्स नज़र आ रहा होगा। करते हैं वीडियो पे लगाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम वीडियो पे कोई अफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, या फिर हम वीडियो की कलर करेक्शन करना चाहते हैं, या फिर वीडियो पे कुछ भी एवरीथिंग। जब हम वीडियो पे कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो हमारा वीडियोस फिल्टर में से आएगा। और आगे हम अगर बात करें तो ऑडियो फिल्टर की, तो ऑडियो फिल्टर भी यही है। अगर हम अपनी ऑडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ में इकोज वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम ऑडियो फिल्टर्स की मदद से सब कुछ कर। इससे आगे अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन क्या होती है, तो हमारे दो क्लिप, तीन क्लिप, चार क्लिप, या फिर हमारी वीडियोस जो हम आजकल हमारे पास DSLR कैमरास होते हैं उन पे हम जब कोई भी वीडियोस शूट करते हैं तो वो क्लिप बाय क्लिप हमें मिलती है, तो हम ट्रांसलेशन की मदद से उन क्लिप को आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं। दो या तीन या चार क्लिप को आपस में ज्वाइंट करने में हमारी जो मदद करते हैं वो होते हैं ट्रांसलेशंस। उसके आगे हम अगर हम बात करें ऑडियो क्रॉस फेड की, तो वो भी कह लें कि आप ऑडियो ट्रांसलेशन ही है। इसके आगे हम टाइटल मिक्सर की बात करें, तो जब हम कोई भी टाइटल ऐड करते हैं अपनी वीडियो पे, तो उस टाइटल पे हम जब अफेक्ट लगाते हैं तो वो हम टाइटल्स पे जब कोई भी अफेक्ट ऐड करते हैं तो वो हम टाइटल मिक्सर की मदद से कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं की, तो की में हमें मिलती है ट्रैक मेट मिलता है, या फिर इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन की जो फीचर्स हैं वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ब्लेंड्स देखने को मिलते हैं, तो वो आगे इंशाल्लाह चल के मैं आपको की पे एक अलहदा वीडियोस बनाऊंगा। और आज हम बात करते हैं वीडियो फिल्टर्स और ट्रांसलेशन के बारे में कि वीडियोस और ट्रांसलेशन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे इनकी सेटिंग्स वगैरह हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आते हैं अपनी टाइमलाइन की तरफ, और टाइमलाइन के मैंने कुछ ये क्लिप रखे हुए हैं। अगर हम ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे जो वीडियोस है उसकी सिलेक्शन हो रही है, और अगर हम यहाँ पे नीचे ये देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम वीडियो फिल्टर्स में आ जाते हैं, अगर आपके वीडियोस फिल्टर भी इसी तरह आपको डिस्प्ले हो रहे हैं तो आप यहाँ पे ये ऊपर आपको एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे शो अफेक्ट व्यू। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके जो फिल्टर्स हैं वो आपके बॉक्स में आपको लार्ज साइज में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी फिल्टर्स हैं जो वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फिल्टर ऐड करता हूँ लूप स्लाइडर। अगर मैं लूप स्लाइडर को यहां से पकड़कर ऊपर छोड़ूंगा तो खुद ब खुद ही हमारी इंफॉर्मेशन पे आ गया है।
और अगर हम इंफॉर्मेशन में आए तो सबसे पहले हमारे पास आता है ल्योटर। ठीक है, ल्योटर क्या होता है? ल्योटर जर्नल प्लग है इसका ना। अगर कोई भी आप वीडियो या फिर फोटो यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसमें आपको ल्योटर देखने को मिलेगा। अगर इस पे हमने किसी किस्म का कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया, अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमें ल्योटर देखने को मिल रहा है। और अगर हम पिछली वीडियो पे आए तो यहाँ पे हमें ल्योटर के साथ साथ लोब स्लाइडर भी मिल रहा है, क्योंकि लोब स्लाइडर है जो हमने वो इस वीडियो में हमने अप्लाई किया है। तो हम अगर इसकी सेटिंग्स को ओपन करना चाहें तो यहाँ से हमें थ्री डॉट्स नज़र आ रही हैं। इन थ्री डॉट्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारे जो लूप स्लाइडर्स की सेटिंग्स हैं वो ओपन हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों, आप किसी भी इफेक्ट की जब आप सेटिंग्स को ओपन करना चाहें तो आपके पास यही तरीकाकार है। अगर हम ओल्ड मूवीज़ फिल्म्स को अप्लाई करता हूँ मैं, जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये मैं इसकी ऑडियो को म्यूट कर दूं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो हमारे दोनों फिल्टर्स हैं जो वो ऐड हो चुके हैं। अगर हम इसको भी यहां से ओपन करते हैं तो इसकी जो सेटिंग्स हैं मूवीज की वो हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो भी हमारे जो इफेक्ट की सेटिंग्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको एक इफेक्ट के बारे में प्रॉपरली ना बताऊँ, क्योंकि अगर ऐसे मैंने बताना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। मैं चाहता हूँ जैसे जैसे हम अपने काम को लेकर आगे बढ़ेंगे और जिस जिस इफेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस इफेक्ट के बारे में मैं उसी वक्त आपको साथ साथ उसकी सेटिंग्स और उसके बारे में बताता चलूँ। तो ये थे हमारे वीडियो फिल्टर्स। और अगर हम ये हमारे नीचे भी हमें एक बॉक्स नज़र देखने को मिलता है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इफेक्ट हमारा जो वीडियो फिल्टर्स है उसे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम ट्रांसलेशन को ऐड करते हैं। तो एक वीडियो पे हम जितने भी फिल्टर्स वीडियो फिल्टर्स लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे मोशन ब्लर को भी ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे चार जो फिल्टर्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। पता नहीं क्या अजीब सा बन गया है, क्योंकि मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ पे बस ये देखें, अब हमने पांच पांच वीडियो फिल्टर्स एक ही वीडियो पे ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे आप जितने भी वीडियो फिल्टर्स ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी मैं इन सब को डिलीट करने वाला हूँ, तो मैंने इन सबको डिलीट कर दिया है। और अगर हम आ जाएं नीचे ट्रांसलेशन, ठीक है, अगर हम ट्रांसलेशन पे आए तो ट्रांसलेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने 2D में सिलेक्शन की, और 2D में सिलेक्शन करने के बाद अगर यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। स्टार्ट में क्लिप जो हमारा है उस पे हम लगा चुके हैं। ठीक है, और अगर हमारा ये वाला जो क्रॉस है इसको मैं यहाँ से क्रॉस में ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको सिंपल पकड़कर यहाँ पे छोड़ूंगा। ठीक है, तो अभी ये हमारे क्रॉस में नहीं आ रहा। तो जब आपके ये क्रॉस में ना आए तो इसके लिए आपको इसकी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद यूज़र सेटिंग, यूज़र सेटिंग में जाने के बाद आप आ जाएंगे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद अपनी टाइमलाइन पे, टाइमलाइन पे आने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये जो आपका स्टार्ट पे सबसे पहले एक्सटेंड क्लिप व्हेन अप्लाई ट्रांसलेशन क्रॉस फेड, यहाँ से आपको इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद अप्लाई ओके करके सेव कर दें। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ से इसको पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो अब जो हमारा अफेक्ट है, जो हमारी ट्रांसलेशन है, वो हमारे क्रॉस में आ रही है। ठीक है जी, तो अगर हम तवज्जो दें तो मैं आपको स्टार्ट पे बताता हूँ। तो हमें यहाँ पे कुछ क्रॉस देखने को मिल रहा है, बॉक्स, एक बॉक्स है, और बॉक्स के दरमियान से आपको कट नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसके लिए हम इसकी अगर इंफॉर्मेशन में जाकर इसको थ्री डॉट से ओपन करते हैं। ठीक है, अपना जो अफेक्ट का है अफेक्ट को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम यहाँ इसमें जर्नल में आएंगे, और जर्नल में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ओवर स्कैन होल्डिंग ऑप्शन है अनेबल है, इसको हम ऑफ कर देंगे। जैसे ही ऑफ करके हम इसको ओपन करेंगे, और अब अगर हम देखते हैं तो चेक करते हैं, नहीं,
अभी भी वो वाला नहीं हुआ जो कि मैं करना चाहता था। तो अभी हम दोबारा इसकी सेटिंग में चलते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद क्लॉक टाइम पर भी आने के बाद इसकी होल्डिंग सेटिंग को ऑफ होना चाहिए। अच्छा अनेबल है, ओके डन, दोबारा देखें तो अब ओके हो चुका है। तो पहले आई थिंक पहले अनचेक तो किया था लेकिन ओके नहीं हुआ, लेकिन अब दोबारा हमने चेक किया तो अब वो अनचेक हो चुका है और ओके भी हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो हमारे जो स्लाइडर्स हैं वो हमारी विंडो के साथ अटैच होकर आ रही हैं, और अगर हम पहले देख रहे थे तो यहाँ से हमें एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता था। ऐसे आप जब भी वीडियो फिल्टर्स अपना सॉरी जब भी आप वीडियो ट्रांसलेशन लगाना चाहें तो उसको चेक कर लिया करें, और उसकी जो आपको सामने अनेबल ओवर स्कैन होल्डिंग का ऑप्शन आता है उसको आप अनचेक कर दिया करें। ऐसे में आपकी जो ट्रांसलेशन है वो एक तो अच्छी लगेगी आपको और दूसरा ज़रा स्मूथ होकर चलती है। तो अगर हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अब हमारा जो है वो चेंज हो चुका। अगर हम देखें किसी दूसरी ट्रांसलेशन को तो उसको भी आप इसी तरह उसकी सेटिंग कर लिया करें हमेशा की तरह। अगर हम इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास ये ट्रांसलेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, और इसको मैं यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि ज़रा आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया तो अब इसकी हम सेटिंग्स को अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जर्नल, जर्नल में आने के बाद ये पहले से ही अनचेक है। इसी तरह आप कुछ जो ट्रांसलेशन होती हैं वो अनचेक होती हैं, और कुछ है उन पर चेक मार्क लगा होता है, आप उनको देख लिया करें कि आप उनको अनचेक कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई टाइटल जब हम लिखेंगे तो टाइटल में वो हम इसकी मदद से ये वाले जो इफेक्ट्स हैं हमारे पास टाइटल्स मिक्सर पर स्लाइडर्स वगैरह या फिर सॉफ्ट स्लाइडर्स, ये हमारे किस काम आते हैं, ये जो हम यहाँ पे ये हमारी जो टेक्स्ट वाली लाइन है इस पे हमारे ये काम आते हैं। और हमारे जो ये वाले ट्रांसलेशंस हैं ये हमारी क्रॉस को क्रॉस जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए होती हैं। और आपको याद है कि मैंने अपनी जो फर्स्ट क्लास थी सिस्टम सेटिंग और यूज़र सेटिंग वाली, उसमें मैंने एक शॉर्ट की बनवाई थी कंट्रोल डी सॉरी सिंपल डी के साथ। तो वो सिंपल डी के साथ क्या था, वो था डिजॉल्व। अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ हमें ये वाला डिजॉल्व देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है हमारी वीडियो एडिटिंग में। और जब भी मैं इसको कस्टम किसी भी क्रॉस पे जाकर सिंपल अपना डी का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा जो डिजॉल्व है वो मेरी वीडियोस में ऐड हो जाता है। और ये देखें मैंने अब जैसे ही किया तो ये हमारा डिजॉल्व लग चुका है। और अगर मैं अगले क्रॉस पे आ जाता हूँ और यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी डिजॉल्व ऐड हो चुका है। और अगर मैं दो या तीन या चार क्लिप को सिलेक्शन करके डी का बटन प्रेस करता हूँ तो मैं उन तमाम ट्रांसलेशन को अपनी डिजॉल्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिजॉल्व ऐड हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों अगर जब भी आप किसी भी वीडियोस को अपनी बिन में रखेंगे तो रखने के बाद आप उसको अपने सिंपल डी का बटन प्रेस करने के बाद उसको डिजॉल्व लगा सकते हैं। और जब आप अपनी एक वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिजॉल्व की ही ज़रूरत होती है। डिजॉल्व अगर आप पहले किसी और प्लेटफार्म पे काम करते रहे हैं EDS से पहले तो उसमें शायद ये आपको फेड इन और फेड आउट के नाम से यही वाला जो ट्रांसलेशन है ये आपको देखने को मिले, और यहाँ पर इसका जो नाम है वो है डिजॉल्व। तो डिजॉल्व हमारा है जो वो फेड इन और आउट के काम आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हम इसको यहाँ से ये सिंपली डिजॉल्व इन और आउट, ठीक है डिजॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हम अपनी वीडियोस में वीडियो फिल्टर्स कैसे ऐड करते हैं और उनकी सेटिंग्स को कैसे ओपन करते हैं और अपनी ट्रांसलेशन को कैसे ओपन करके ट्रांसलेशन की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद गिल अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लेआउटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करता हूं
पिछली 6 क्लासों से आपने EDS के बारे में सीख लिया होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, अपनी वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, और टाइमलाइन हमारे किस तरह इस्तेमाल में आ सकती है, और हम अपनी ट्रांसलेशन और फिल्टर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज से जो हमारी क्लासेस हैं वो थोड़ी सी बिगिनर की तरफ जा रही हैं और मज़ीद टफ होने वाली हैं क्लासेस। तो आई थिंक कि अब क्लासेस थोड़ी लंबी भी हो सकती हैं, 15 या 20 मिनट तक। कोशिश करूंगा मैं कम से कम छोटी से छोटी क्लास बनाने की, लेकिन फिर भी इतनी बनानी चाहता हूं जैसे जिससे आपको कुछ समझ आ सके। तो लेटर क्या है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर है जो वो जब भी आप कोई वीडियो या फिर पिक्चर्स अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसके साथ आपको एक जर्नल प्लग मिलता है जो कि EDS का, वो है लेटर। और आज हम देखेंगे कि लेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ, और मैंने ये एक वीडियो है जो इसको अपनी टाइमलाइन पे लिखा हुआ है। और अब हमें एक यहाँ पे फोटो ऐड करना चाहता हूँ, ये वाली पिक्चर्स मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये वाली। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड कर दी मैंने पिक्चर्स, और अब मैं पिक्चर्स को मोशन लगाना चाहता हूँ। और मोशन मैं कैसे लगाऊंगा, मोशन मैं अपनी लेटर की मदद से लगाऊंगा। और इसके अलावा लेटर की मदद से हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लेटर पे 3 या 4 क्लासेस देने वाला हूँ ताकि आप लेटर को एक अच्छे तरीके से मुकम्मल कम्प्लीट समझ आए, क्योंकि लेटर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। मान लीजिए कि वीडियो एडिटिंग करने के दरमियान हमें तकरीबन 35-40% जो इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हम लेटर की मदद से ही करते हैं, और हम उसमें लेटर को ही यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम अपनी पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है लेटर्स, और अगर हम अपनी वीडियो पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें लेटर्स मिल रहा है। ये आपको वीडियो और पिक्चर के साथ ही मिलता है, ये जर्नल्स है इसका। और मैं अपनी पिक्चर को यहाँ से 3 वैल्यूज़ या फिर यहाँ से डबल क्लिक, या फिर अपना वो ऑब्जेक्ट जिस पे आप लेटर को अप्लाई करना चाहते हैं उस पे सिलेक्शन करके आप सिंपल F7 को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका जो लेटर है वो ओपन हो जाएगा। और मैंने सिंपल F7 प्रेस किया और लेटर्स हमारे सामने आ गया। तो दोस्तों ये कह लें कि आप एक तरह का प्लग है इसका, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ये पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं, ये इसका क्राफ वर्क है। आप अगर पिक्चर को क्राफ वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इतना क्राफ करना चाहता हूँ, और इस साइड से भी मैं इतना क्राफ कर रहा हूँ। मैं इसको सिंपल फिट कर लूँ पहले, बस। अगर मैं ट्रांसफार्मर पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो है, फोटो है, सॉरी, जो फोटो है वो क्रॉप हो चुकी है। और अगर हम वापस क्रॉपिंग पे जाते हैं, और मैं इसको ख़त्म अंडू करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, इस लेटर को मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ इस क्लास में कि लेटर क्या है और लेटर्स के जो फीचर हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे हम आ जाते हैं इसके ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर पे हम इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो तब हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। और आगे हम आ जाएँ तो 2D, और 2D के अगर हम आगे आ जाएँ तो ये 3D मॉडलिंग भी करता है, जो कि हमारा EDS है। इसके आगे हम आ जाएँ तो ये है हमारी शो गाइडलाइंस। अगर आप इसको ऑफ करें तो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस अब नज़र नहीं आ रही, और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ओपन ही रहने दें। इसके आगे हम आ जाएं तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल्स। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कराना चाहते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन टूल है उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, और इस टूल्स की मदद से हम अपनी विंडो को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको कितने परसेंट चाहिए। अगर मैं इसको 125% करता हूँ तो ये जूम हो चुकी है, और अगर इसको मैं 400 पे करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा जूम हो चुकी है, और अगर मैं यहाँ से इसको सिंपल करूँगा तो ये हमारी जितनी विंडो होगी उसके हिसाब से इसको फिट कर देगा, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं तो ये है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल की मदद से हम अपनी विंडो को मूव कर सकते हैं किसी भी साइड पे। और इसे हम मूव क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको जूम करते हैं तो हम इसको अब हैंड टूल की मदद से हम अपनी जो विंडो है उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेन टूल से सिलेक्शन करेंगे तो आप सिंपल जो आपका
ऑब्जेक्ट होगा आप उसको मूव कर पाएंगे, और अगर आप हैंड टूल की मदद से करेंगे तो आपका जो विंडो है वो मूव होगी, आपका ऑब्जेक्ट और विंडो दोनों। और मैं इसको पहले यहाँ से सिंपल फिट करूँगा, और जैसे ही मैं इससे फिट करूँगा तो ये हमारा जो सेंटर होगा हमारी विंडो का वो हमें मिलेगा। और जब मैं इसे फिट करूँगा और ये इसको सिलेक्शन करूँगा, और इसके बाद हमारा जो विंडो होगी वो जूम आउट हो जाएगी जितनी के हमारे पास स्पेस होगी। और इसके आगे हम आ जाएं तो ये हमारे पास अंडू का ऑप्शन मिलता है, और उसके आगे ये वाला जूम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर यहाँ पे हम ये साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे हमें ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे पास क्रॉप सोर्सेस। तो पहले तो इसकी पोजीशन को ठीक कर लें ताकि हमारे पास फिट 607 ठीक है। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा बिल्कुल विंडो के ऊपर है, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है क्रॉप सोर्सेस। क्रॉप सोर्सेस क्या होता है, इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेफ्ट 25%, यहाँ से 25 ठीक है, राइट 25 ठीक है, टॉप 25, बॉटम 25, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उसको आप, जो आपका रफ ऑब्जेक्ट है आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, और जितना ऑब्जेक्ट आपको चाहिए आप उसको रख सकते हैं। अभी मैं इसको सभी को अंडू करने वाला हूं, और अंडू करने के बाद हम आ जाएंगे आगे। ये होता है एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो वो हम एंकर पॉइंट की मदद से करते हैं। हम उस वीडियो को बता सकते हैं कि वो कहाँ से, अगर हम एक वीडियो को 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो हम उसको मेन पॉइंट दे सकते हैं कि वो मेन पॉइंट कौन सा है जहाँ से वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास सेंटर में, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको एक प्लस का बटन नजर आ रहा होगा, ये जो प्लस का बटन है ये है एंकर पॉइंट। अगर मैं इसकी एक्स पोजीशन को 10% मूव करता हूं तो ये हमारे एंकर पॉइंट वहीं पे है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव हो चुका है। अभी मैं इसको जरा, एंकर पॉइंट हमारा अपनी जगह पे है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी जगह पे मूव हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसकी पोजीशन को 10% करता हूं, -10% तो अब हमारा साथ जो एंकर पॉइंट है वो भी मूव हो रहा है, ठीक है। एंकर पॉइंट और पोजीशन, पोजीशन क्या होती है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहां पे रखना चाहता हूं, सॉरी सिलेक्शन टूल्स, और यहां से मैं इसको यहां पे लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, हमारी पोजीशन है वो हम इसकी मदद से पोजीशन को अपनी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से -100 करता हूँ तो ये एक साइड पे चले गया, हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र हो गया है। और अगर सॉरी 110% हो गया, -100, तो ये दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र हो चुका है। और अगर इसको मैं यहाँ से अगर 100 करता हूँ तो ये नीचे की तरफ चला गया, ये मतलब आप अप डाउन लेफ्ट राइट किसी साइड से भी यहाँ से मूव अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाएं तो स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या होती है, ये हमें स्केल के तौर पे काम करती है। मिसाल के तौर पे ये हम पहले तो ये आप देख लें 60:70 है, ये 60:70 क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो है 720 और हमारा जो फोटेज है वो है 1080। और अगर हम इसको 1080 प्रोजेक्ट में लेते हैं तो अब हम अपना लेटर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 100% हमें मिल रही है, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो हमारी बिल्कुल विंडो के एन मुताबिक हो चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ से 50% करता हूँ तो ये छोटा हो चुका है, और अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ 25 ठीक है, यहाँ से फिर 25, तो ये हमारे एक कॉर्नर में लग चुका है। और अगर इसको मैं यहाँ से माइनस करके यहाँ से भी माइनस को अंडू करता हूँ तो ये हमारा टॉप पे चला गया है। और अगर हम इसको यहाँ पे ओके कर दें तो ये हमारी जो पिक्चर है ये यहाँ पे लग चुकी है। ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मूव लगा सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। इसके अलावा अगर हम दोबारा ल्यूटर पर जाएँ
तो हम इसको 100% करने वाले हैं, और यहां से पोजीशन को भी मैंने अंडू कर दिया है, और अब यहां से मैं 50 करता हूं। और अगर हम इसके नीचे आ जाएं यहां पे, तो हमारे पास है ओपेस्ट्री एंड कलर्स। ओपेस्ट्री एंड कलर्स क्या है, यहां से अगर हम इसको ट्रांसप्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको जैसे ही नॉर्मल करेंगे, ये हमारी वीडियो के साथ मर्ज होना शुरू हो जाएगी, हमारी जो पिक्चर्स हैं, ठीक है। अगर हम इस बैकग्राउंड को अप करेंगे तो जो हमारा रफ वर्क एरिया है, आउट वर्क, ये वाला, ये कलर होना शुरू हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो ये आप क्यों करेंगे ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसको फिलहाल वापस ही लाने वाला हूँ। और नीचे आ जाएं तो ये आ जाते हैं हमारे पास एजेस। एजेस के कलर्स हैं जो ये हमारे आ जाते हैं बॉर्डर्स पे, ठीक है। हमने बॉर्डर्स, आप अपनी किसी भी पिक्चर्स को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बॉर्डर्स और कलर की सिलेक्शंस कर सकते हैं। और आई एम सॉरी, यहाँ से कलर की सिलेक्शन आपको करनी है, वहाँ से नहीं। तो मैं इसको अभी ब्लैक कर दूँ। तो ये हमारा जो बॉर्डर्स है वो भी लग चुका है। और अगर हम इसको 25 करते हैं या फिर 50 करते हैं, जितना भी बॉर्डर आपको चाहिए आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा ये है इसकी सॉफ्टनेस, कि आपकी जो बॉर्डर्स है उसकी सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए। पहले मैं बॉर्डर्स को लगाता हूँ 5%, इस सॉरी 5 तो कम होगा, 15%। इसके बाद फिर मैं इसको 10%, तो ये आपका जो बॉर्डर है वो सॉफ्टनेस हो चुका है, ठीक है। और ये हमारे पास जो राउंड कॉर्नर है, ये आपके है आउटसाइड, ठीक है, या फिर इनसाइड, या फिर आप बॉटम, ठीक है, जो भी आप लगाना चाहें। ये है आपकी स्केल की जो ये वाला पॉइंट्स है, आउट पे आप नज़र आ रहा है, इसके हिसाब से ये आपके ऑब्जेक्ट का साइज है। अगर हम इसको बॉटम लगाते हैं तो ये 50% इन रहेगा और 50% आउट। और अगर आप इसको इनसाइड करते हैं तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ से आउटसाइड करते हैं तो ये आपकी तरफ, बाहर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से हम इसको कलर्स वगैरह और बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं। और अगर हम नीचे आ जाएं ड्राप शेडो पे, तो ड्राप शेडो पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो अक्स है वो निकाल सकते हैं। अब मैंने जैसे इसको अनेबल किया, ये है इसकी डिस्टेंस, और ये आप कितनी रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, कि आप अपने हिसाब से इसको रख लें। ये ओपेस्ट्री है आपकी, कि इसकी ओपेस्ट्री है जो वो कितने परसेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको 100 करना चाहते हैं तो आप इसको 100 भी कर सकते हैं। ये इसकी सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए ये भी आप अपने हिसाब से अपना रख सकते हैं। ये है एंगल्स, 40 डिग्री के हिसाब से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाए, ये वाला रोटेट है जो ये है हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। अगर हम इसको 45 डिग्री पे ले जाते हैं तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। और अगर हम यहाँ से इसको 90 डिग्री पे करते हैं तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका है, और हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ओपन किया, हमारी पिक्चर्स है वो जो हमारी वीडियोस की साइड पे लग चुकी है। और हम दोबारा ल्यूटर पे जाते हैं, और दोबारा ल्यूटर पे आने के बाद अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा और नीचे। इसको थोड़ा सा आप यहाँ से पकड़ कर ऊपर करने के बाद यहाँ से फिट कर दूंगा। फिट करने के बाद यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ल्यूटर्स, ये है ल्यूटर्स की टाइम लाइन। EDS में जितने भी आपको इस तरह के हाई डेफिनेशन प्लगइन्स हैं उनकी एक अलग से टाइमलाइन मिलती है, कि आप उसकी टाइमलाइन से कैसे काम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम 2D के प्लेटफॉर्म पे हैं, और 2D के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ल्यूटर्स को जैसे ही मैं चेक मार्क करूँगा, हमारे जो की फ्रेम्स हैं वो सभी ऑन हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे आउट लगाने वाला हूँ, सभी को मैंने आउट लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर आके इसकी सेटिंग्स को चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज किया, और इसको मैं यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे हमारी जो स्टार्ट की फ्रेम है वो यहाँ पे है, और अगर एंड वाले की फ्रेम देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे है। और अब ये देखें, ये हमारी फोटो है जो वो मूव कर चुकी है। और अगर हम पीछे जाके अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो पिक्चर्स है वो रोटेट कर रही है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूं वीडियोस को, ताकि आपको जरा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना हम किसकी मदद से करते हैं, ल्यूटर की मदद से। ल्यूटर की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी साइड्स पे मूव कर सकते हैं।
और अगर हम यहाँ पे इसको माइनस माइनस 100 और यहाँ से माइनस और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको फिर चेंज इसकी वैल्यूज को कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ सॉरी 0%। 0% लगाने के बाद यहाँ पे और साइज छोटा करते हैं और इसको इस साइड पे रखते हैं और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर देने वाला हूँ 10% का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी इसी की फ्रेम्स को मैं कॉपी करने वाला हूँ। राइट क्लिक करके सभी को सिलेक्शन करके आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसी साइड पर आने के बाद यहाँ पे मैं इनको करने वाला हूँ पेस्ट। और जैसे ही मैंने पेस्ट किया हमारे वो वाले सभी की फ्रेम्स यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे इसकी पोजीशन को मैं चेंज करने वाला हूँ क्योंकि पोजीशन हमारी सेम है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे माइनस लगा दूंगा और जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस हटाना है मुझे, जैसे ही माइनस हटाऊंगा तो मेरी पोजीशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं और अब हमारी जो पिक्चर्स है वो एक साइड से आएगी और दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब थोड़ी सी पिक्चर की स्पीड स्लो करना चाहता हूं मैं, तो अपनी जो पिक्चर्स है उसकी टाइम को मैं बढ़ा दूंगा। जैसे ही टाइम को बढ़ाऊंगा और दोबारा मैं F7 पे जाऊंगा, F7 पे जाने के बाद हमारे जो ये की फ्रेम्स हैं इनको मैं आगे की तरफ मूव कर लूंगा। ठीक है, और मूव करने के बाद दोबारा ओके करके जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो हमारी जो पिक्चर्स है वो हमें मूव होने मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स और ऐड करने वाला हूँ तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस ऐड करने लगा हूँ। टाइमलाइंस को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं अब ये वाली पिक्चर भी ऐड करना चाहता हूँ, ये वाली पिक्चर भी ऐड करना चाहता हूँ और ये वाली पिक्चर्स भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इनकी पहले तो जो टाइमिंग है वो सेम कर लूँगा और टाइमिंग सेम होने के बाद मैं इसी लेआउटर को जो हम पहले बना चुके हैं इसको यहाँ से पकड़कर इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा सभी पिक्चर्स पे। ठीक है, तो जैसे ही कि ये सभी पिक्चर्स की टाइमिंग एक हो चुकी है, अब थोड़ा सा आगे करके मैं इसकी टाइम की एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारे पास आ चुकी है तो हमने इसको आगे किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा पीछे थोड़ा सा ये वाला और इसके आगे हम लगाएंगे इसको। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या बन चुका है। तो लेआउटर की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट को आप जब भी मूव करेंगे वो आप लेआउटर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपनी पिक्चर को, वीडियो को या फिर एवरीथिंग्स जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, आप उसको जब भी मूव करना चाहेंगे वो आप लेआउटर की मदद से कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि लेआउटर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लेआउटर्स की मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अभी लेआउटर्स पे बहुत ज़्यादा काम करके आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि लेआउटर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं। हम लेआउटर्स की मदद से अफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इन सभी अफेक्ट्स को हमेशा के लिए अपने पास सेफ भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियोज पर कैमरा मोशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ क्लिप्स को कैमरा मोशन लगा रखा है, तो सबसे पहले आप उनको देख लें ताकि आपको पता चल सके। और DSLR जब हम कैप्चरिंग करते हैं वीडियो को तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिप होते हैं जो कि हम स्टिल लेते हैं, जिनको हम मूवमेंट में कैप्चर नहीं कर पाते। तो ऐसे क्लिप्स को हम बाद में कैसे कैमरा मोशन लगा सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास 3 क्लिप हैं, 2 क्लिप हैं
और एक ही क्लिप को मैंने तीन स्पॉट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो पहला है इस पे मैंने पोजीशन के तौर पे इसको लेफ्ट टू राइट मूव किया हुआ है, और दूसरा जो हमारे पास आ जाता है इसमें मैंने इसको जूम आउट जो का मोशन लगा रखा है, और अगर हम तीसरे पे आ जाए तो यहाँ पे हमने जूम इन का मोशन लगा रखा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपनी वीडियोस पर कैमरा मोशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आगे अगर हम आ जाएं क्लास 8 सीक्वेंस नंबर 2 पे, तो यहाँ पे ये वो जो क्लिप हैं वो मास्टर क्लिप पड़े हुए हैं दोनों। तो सबसे पहले हम इस क्लिप को मोशन लगाते हैं। तो हम मोशन कैसे लगाएंगे? अपने ल्यूटर की मदद से। तो हम अपने ल्यूटर को करते हैं ओपन। तो जैसे ही हमारा ल्यूटर ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाने के बाद हम इसकी जो टाइम लाइन्स है उसको यहां से क्लिक कर लेंगे और उसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद हम ये जो हमारे की फ्रेम्स होते हैं इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ जाती है लास्ट पोजीशन, और ये आ जाती है हमारे पास स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे हम पहले इसको जूम आउट का लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जूम इन कर लेंगे। ये आ गया, और यहां पे यहां आने के बाद हम इसको कर देंगे 100। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है उसको भी 0 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास कोई अच्छा DSLR कैमरा है तो उसकी आप वीडियोस को एक दफा जूम इन करके चेक कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कैमरे की जो वीडियोस है वो आप कितने परसेंट एज पर आप उसको जूम इन कर सकते हैं, और आपके कैमरा की जो वीडियोस है उसके पिक्सल आउट नहीं होते। अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल कैमरा है तो उसके पिक्सल बहुत ज्यादा आउट हो जाते हैं, उसको आप इतना ज्यादा जूम इन नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 10% या फिर 15%। मेरे पास इस वक्त जो कैमरा है जिस पर ये फोटोज बना हुआ है, अभी जो मैंने प्ले किया हुआ है, ये लूमैक्स FZ1000 पे बना हुआ है। तो ये मैक्सिमम तकरीबन तकरीबन 150 पर जूम इन आप इसे कर सकते हैं, और इसके जो पिक्सल हैं वो आउट नहीं होते। तो यहां पे मैंने इसको अब कैमरा मोशन लगा दिया है, और लगाने के बाद हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम जैसे ही यहां इसको प्ले करेंगे तो हमारा जो जूम आउट का जो मोशन है वो लग चुका है। इस क्लिप को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और यहां से कॉपी करके इसको पेस्ट करके दोबारा से इसको ओपन करते हैं F7 के साथ। जैसे ही ओपन किया, पहले मैं अपने ल्यूटर को रीसेट करने लगा हूं, क्योंकि इस पे मैंने पिछली सेटिंग्स है जो वो एक्टिव है। तो जैसे इसको रीसेट करके मैं ओके करूंगा तो ये हमारा क्लिप है जो वो पहले वाली पोजीशन में आ चुका है, रफ पोजीशन में। तो यहां से मैं इसको फिर 125, और इसके बाद यहां से पकड़ के इसको इस साइड पे, और यहां से इसको मैं माइनस करने, ओ सॉरी, जब भी आप कोई भी काम करना चाहें मोशन का खास तौर पे, तो तब आपकी जो टाइमलाइन है उसको चेक कर दिया करें, अनचेक नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मूव कर दूंगा ताकि मेरी पोजीशन दोबारा से आ जाए, और 125 मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये क्लिप लग चुके हैं, और यहाँ पे मैं इसको माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास लग चुका है मूवमेंट का लेफ्ट टू राइट मोशन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इस क्लिप को यहां से कॉपी करके यहां पे ऐड कर देता हूं दोबारा, तो मैं इसका जब लेआउट ओपन करूंगा, तो ओपन करने के बाद ये वाली जो मेरी क्री फ्रेम्स हैं स्टार्ट वाली, इनको मैं जूम इन वाली इनको आगे ले जाऊंगा, और इनको इस साइड पे। ठीक है, स्टार्ट और एंड। ठीक है, अब एंड पे है जो वो 125 करते हैं, 125 है, और हमारा जो इन वाली पोजीशन है वहां पे 100 है। तो अब जब हम आएंगे तो हमारे पास ये जूम का बन चुका है। तो दोस्तों ये एक ही क्लिप के हमने तीन मोशन अलग अलग से बना रखे हैं। तो अगर इस मोशन में जो जूम वाला है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, इसको मैं यहां से 5 7 8 और यहां से 0, तो अब इसमें हमने रोटेशन भी ऐड कर दी है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमारा जो कैमरा वर्क है वो रोटेशन की तरह जरा मूव होकर आ रहा है, क्लिप
थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। जब भी आप इसमें को थोड़ी सी हल्की फुल्की रोटेशन मूवमेंट रखते हैं तो क्लिप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह आप अपने क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं, मोशन लगा सकते हैं। और इस क्लिप को अगर हम मोशन लगाएं अप टू डाउन का, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि इतना ही। तो अब इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास डाउन वैल्यू इसकी, और यहाँ पे अप वैल्यू के लिए हम ये वाला जो माइनस है इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास अप वैल्यू आ चुकी है और इस कैमरे का मोशन लग चुका है नीचे से ऊपर। तो इसी तरह आपकी जो अपनी DSLR की वीडियो होती है, जब आप उसकी एडिटिंग करते हैं तो ऐसे क्लिप, बहुत सारे ऐसे क्लिप होते हैं जिनको हम मोशन लगाना चाहते हैं, तो आप लेआउटर की मदद से अपने कैमरा की जो वीडियोस होती है उसको, ठीक है, मोशन्स लगा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मजीद वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपको EDS की मुकम्मल ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कस्टम इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और मुझे इस काबिल समझा कि मेरी वीडियोस उनके किसी काम आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने लेआउटर की मदद से कस्टम इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उनको हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह EDS 9.3 की देने वाला हूं कि हम उसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको परमानेंट, हाँ जी, कैसे उसको परमानेंट हम लाइफ टाइम के लिए एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में हम अपने लेआउटर की मदद से कस्टम इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन इफेक्ट्स को कैसे सेव कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह पहले आप अपने बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिसकी मदद से आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ वीडियो ऐड की हुई हैं, तो यहाँ से एक वीडियो को मैंने उठाकर अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसकी ऑडियो को कर दिया है डिलीट। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे ये वाला इफेक्ट, मैं इसकी स्पीड स्लो करने वाला हूँ यहाँ पे 50%, ठीक है। तो 50% मैंने लगा दिए और यहाँ पे हम ये वाला क्लिप यहां से मैंने स्टार्ट से भी डिलीट कर दिया है और लास्ट से भी डिलीट कर दिया है, और ये वाला क्लिप हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। इसको भी मैंने स्पीड लगा दी 50%। 50% स्पीड लगाने के बाद मैंने इसको स्टार्ट और एंड से थोड़ा थोड़ा डिलीट कर दिया, क्योंकि वो हिस्सा रफ था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने क्लिप को डिलीट करें, ठीक है। तो हमने एक न्यू फोल्डर ले लिया। कैसे ले लिया, यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक और न्यू फोल्डर, ठीक है। मैं इस पे लिखने वाला हूं इफेक्ट। तो अब हम अपनी बिन में यहां पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहां पे हमें मिल रहा है न्यू क्लिप, और जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है वो है कलर मैट का, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कलर क्या है कि हम कितने कलर चूज करना चाहते हैं, हम एक ही कलर चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर चूज कर लेंगे। और अगर हम ज्यादा कलर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक रेड ऐड करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं ब्लू ऐड करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं ये येलो ऐड करना चाहता हूँ। तो अब मुझे इस यहाँ से लिखना होगा कि मुझे दो कलर चाहिए या फिर तीन चाहिए या फिर चार चाहिए, और कितनी डिग्री पर चाहिए, 45 डिग्री पर या फिर 90 डिग्री पर, ठीक है, या फिर 180 पर। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब भी हम कोई कस्टम इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर की जरूरत होती है, और वो कलर होता है वाइट।
वाइट के अलावा आप किसी भी दूसरे कलर पे अपनी कस्टम अफेक्ट को क्रिएट मत करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास एक कलर मैट आ चुका है। तो हम अपनी टाइमलाइन को, अपनी वीडियोस को अपनी सेकंड टाइमलाइन पे रखने वाले हैं, और जो हमारी दरमियान वाली टाइमलाइन है उसको हम ओपन रखेंगे। यहाँ पे हम ये वाला जो हमने मैट क्रिएट किया है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी पहले तो देख लेते हैं कि टाइमिंग कितनी है। तो इसको 3 सेकंड पे मैं ले जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे एक ट्रैक मैट, ठीक है, सॉरी ट्रैक मैट नहीं, कलर मैट, ठीक है। तो कलर मैट, अभी हम जाते हैं अपने ल्यूटर पे, और ल्यूटर पे जाने के बाद हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अपना अफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका साइज 200 करने वाला हूं, और मैं इसको यहां से 45 डिग्री पे रोटेट करने वाला हूं, ठीक है। और अब यहां से इसकी पोजीशन 100, लेकिन अभी भी नहीं, मैं इसको पकड़ के ही कर लेता हूं, ठीक है, ये वाली पोजीशन, ठीक है। ये है मेरे पास इसकी स्टार्ट पोजीशन। अब मैं अपनी स्केल को यहाँ से, अपनी जो टाइमलाइन है उसको यहाँ से चेक करने के बाद अपने जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद ये वाली मेरे पास आ जाती है लास्ट पोजीशन। तो यहाँ पे इसको मैं फिर से वही ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट था हमारे पास, और अब है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला कुछ मज़ा नहीं आया। यहाँ पे इसको 100% क्रॉस क्रॉस होना चाहिए, 40 डिग्री पे, यहाँ पे भी इसको 40 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0% देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले आते हैं, कुछ डिफरेंट बनाते हैं, यहाँ पे इसको 45 डिग्री पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक जो मैट है वो हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा, और जब भी आप कोई कस्टम ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी टाइमलाइन पे क्लिक करके आप कंट्रोल ए करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे आपके सभी पॉइंट्स, ठीक है, इन और आउट वाले सिलेक्शन हो जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बाइजर, ठीक है, बाइजर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो ट्रांसलेशन है वो स्मूथ होकर चलेगी। तो अब हम इसको एक्टिव कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन तो हमारी बन चुकी है, अब यहाँ पे हमें एक अफेक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो अफेक्ट है, हम अफेक्ट में जाएंगे। अफेक्ट में जाने के बाद हमारे पास जो आ जाती है की, ठीक है, की में आने के बाद हमारे पास जो लास्ट पे आता है ट्रैक मैट। ट्रैक मैट है जो हम इसको ऐड करेंगे अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है। आप इसको कलर मैट पे ऐड नहीं करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है, जो आपकी ऊपर वाली वीडियोस होगी। और जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो हमारी वो वाली लेयर्स बन चुकी है। और अगर हम इसमें बॉर्डर ऐड करते हैं, ठीक है, बॉर्डर ऐड करके चेक करते हैं कि कैसे। अब मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हमें अच्छे से पता चल सके। और बॉर्डर ऐड करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे, क्लिक किया, और यहाँ से हम इसको 10%, ठीक है, या फिर यहाँ से मैं इसको 50 करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा पता चल सके। और यहाँ से डार्क कलर थोड़ा सा लूँगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा वाइट को हम कर देंगे डार्क। और अब इसको हम स्टार्ट पॉइंट्स पर रखेंगे, और हमारे पास एंड पॉइंट तक ये 100 ही रहेगा। और अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो आप देखें यहाँ से हल्का सा हमारे पास बॉर्डर आ चुका है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा और डार्क करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कलर्स। और अब हम इसको फिर स्टार्ट पे ले जाने वाले हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर स्टार्ट पे भी लगाऊँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि हमारा बॉर्डर कितना लग चुका है, और अगर एंड पे भी तो नहीं पता चलेगा। और अब हमारा बॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा बॉर्डर हमें फील ना हो, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, अब हमें बॉर्डर अच्छे से शो हो रहा है। तो जैसे ही हम अपनी वीडियोज़ को प्ले करेंगे तो ये हमारा एक कस्टम ट्रांसलेशन हमने
क्रिएट कर ली है और अपने लेटर की मदद से, ठीक है। तो ये थी हमारी एक कस्टम ट्रांसलेशंस, और अब हम एक और कस्टम ट्रांसलेशन ऐड करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक को एक दो ट्रांसलेशन बनाकर बताऊं कि आप इस पे ट्रांसलेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लेटर्स है वो हमारा वीडियो एडिटिंग के दरमियान यकीन जाने बहुत ज़्यादा काम आता है, और अगर आप लेटर को ही अच्छे तरीके से समझ लें कि लेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं तो आप बहुत ही अच्छे एडिटर बन सकते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है सीखना। मैं तो आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा जितना हो सका। तो ये वाले हमने ट्रांसलेशन ऐड कर ली है, तो अब हम एक और ट्रांसलेशन ऐड करेंगे लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है। तो वो वाली कैसे ऐड करेंगे, अब हम दो क्लिप और ले लेते हैं। एक वाला क्लिप हम लेंगे ये वाला, ठीक है। इस वाले क्लिप के साथ मैं ये वाला क्लिप आ गया, और दूसरा ये कैसा रहेगा, हाँ ठीक है, ये दोनों क्लिप। पहले तो हम इन क्लिप की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं 50% लगाने वाला हूँ ताकि थोड़ी सी स्लो होकर चले, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद इसका लास्ट वाला पार्ट्स है जो वो मैंने ख़त्म कर दिया है, और अब यहाँ पे भी मैंने 50 लगा दिया है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट्स आ चुका है मेरे पास, और अब मैं इसको यहाँ से आगे कर दूँ। और अब जैसा कि हमने ये वाला कलर मैट पहले से बना रखा है तो हम इसको दोबारा यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो टाइमिंग के लिए जो मैंने ऐड किया था, यहाँ पे कह लें कि मैं एक कस्टम इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना रिपल मार्कर को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे निशानदेही रहे या मेरा आउट पॉइंट है हमारी ट्रांसलेशन का। तो हम अपने लेटर में जाएंगे, और लेटर में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से फिर छोटी स्केल करने वाला हूँ, और यहाँ पे इसको अब फिर मैं यहाँ से 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया एंड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको आउट कर लिया, ये वाला आउट पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास, तो अब मैं इन सभी की सिलेक्शन करके कंट्रोल ए से इनको यहाँ से बाइजर कर रहा हूँ, ठीक है। बाइजर करने से ये थोड़ा सा स्मूथ होकर चलता है, ठीक है, आपकी जो ट्रांसलेशन है वो उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ये, तो इस वीडियोस को आई थिंक मैं नीचे लगाऊंगा और इस वाले को ऊपर, और पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। अपने लेटर से मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी बाहर की तरफ आ रही है, तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये जो मैं बनाना चाह रहा था ये नहीं बन सकेगी, तो मैं इस वीडियोस को ऊपर ही ले जाता हूँ और इसी को नीचे ले आता हूँ, और इस वाली वीडियोस को हम करेंगे थोड़ा सा इस वाली साइड पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा अपने लेटर की मदद से मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब ठीक हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसका ये वाला फेस ऐड कर दूँगा। तो अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं फिर से मैट को, ठीक है। जैसे ही हमने मैट को ऐड किया और ये वाली कुछ हमारे पास इस तरह से बॉर्डर बनकर हमारे पास लेयर आ चुका है, लेकिन ये क्लिप कोई सूट नहीं कर रहा, तो मैं इसे चेंज करने वाला हूँ। कोई ऐसा क्लिप होना चाहिए जो अच्छा लगे, तो ये वाला क्लिप आई थिंक, चेक करते हैं कि कैसा लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा लेटर की मदद से बाहर की तरफ और जूम करके फिर बाहर की तरफ यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाली एक ट्रांसलेशन बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये वाली ट्रांसलेशन मैं चाहता हूँ यहाँ से ऐसे क्रॉस होकर आए, तो मैं इसको यहाँ पर आने के बाद इसकी जो डिग्रीज हैं उनको बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब मज़ीद अपने राउंडर को मैं अपने कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ और ये मेरे पास ऐड हो रही हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से बॉर्डर लगाने वाला हूँ 50%, ठीक है, और वही डार्क बॉर्डर, और यहाँ पे मैंने इसको जो बॉर्डर है वो कर दिया है 0, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास जीरो आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये 100 आ रहा है, ये वाली चीज, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम ये चीज, ठीक है, तो अभी इसका जो ये बॉर्डर है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं, ठीक है, बॉर्डर का ये वाला। आई थिंक मैंने ज़्यादा डार्क कर दिया है, और इसको अगर कलर चेंज कर कर चेक किया जाए तो फिर कैसा, ठीक है, फिर तो बॉर्डर ही हाँ अच्छे से शो कर रहा है। और ये वाली जो चीज़, अब हमारे पास ये वाला जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी वीडियो नहीं हमें डिस्प्ले कर रही, तो हम इसका कैसे हल निकालेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम अपना आई थिंक लेटर ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको चेक करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद इसको 100%, और यहाँ पर आने के बाद ये हमारी वीडियोस कुछ ऐसे हमें डिस्प्ले करेगी। इन पॉइंट्स को मैं आगे लेके आने वाला हूँ, ठीक है, ताकि अब हमारे ये क्लिप्स के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है, ये भी मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी कस्टम, ये आई थिंक कोई सूट नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट पे ही लगाने वाला हूँ, और साथ ही इसको मैं भी बेजर करने वाला हूँ, और अब ठीक लगेगा, आई नो, यस, अब ठीक है। तो ऐसे ये हमारे पास बन चुके हैं, ये हमने एक ये वाला अफेक्ट क्रिएट किया है, और दूसरा ये वाला हमने अफेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इन अफेक्ट्स को सेव कैसे कर सकते हैं, ताकि दोबारा हमें ये वाले क्रिएट्स ना करने पड़े। तो हम अफेक्ट्स में जाएंगे, अफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ ले आउटर इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अपनी इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे मैं पहले, आप यहां से इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में आने के बाद यहां पे हम इसको सेफ एज करंट यूजर प्रीसेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इसको नाम देने वाला हूं स्लाइडर, ठीक है, 45 डिग्री पर, और अब हम यहां से डिलीट करके दोबारा इसको यहां पे ओपन करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल इसको यहां से मैं पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा जो वो स्लाइडर है वो बन चुका है। आई होप कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपको पता चल गया होगा कि लेटर की मदद से हम कस्टम ट्रांसलेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह लेटर पे ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम अडोब फोटोशॉप पे अच्छे से कुछ क्रिएट करके ला सकते हैं अपने ईडीएस में, और कैसे लेटर की मदद से हम उनको ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीदकील अब्बास, और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो को अच्छे से प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत 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 ज्यादा सॉरी, क्योंकि मैं हर दफ़ा आपसे वादा करता हूं कि आपको 2 दिन बाद वीडियो दूंगा, लेकिन फिर अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता हूं, इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से माजरत चाहता हूं। मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूं, इसलिए वीडियो के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाता, तो इसलिए मेरी वीडियोज़ हैं जो वो लेट हो जाती हैं, लेकिन अप्रैल का मंथ आप वेट कर लें, अप्रैल के बाद मई में इंशाल्लाह मैं और आप और यूट्यूब और पर डे आपको वीडियो दिया करूंगा, इंशाल्लाह आपकी जो तमाम शिकायतें हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा कि मैं वीडियो लेट क्यों अपलोड करता हूं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो की जो क्वालिटीज़ है उसको बरकरार रखते हुए EDS में अपनी फिल्म को एडिटिंग करके कैसे एक अच्छे तरीके से आउटपुट ले सकते हैं।
तो सबसे पहले तो वो मटेरियल आप अपनी बिन में ऐड कर लें जिसके आप काम करना चाहते हैं, और काम करने के बाद जिस भी प्रोजेक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस वाले प्रोजेक्ट को अपनी बिन में आप ऐड कर लें। तो मैंने कुछ वीडियोस अपनी जो हैं वो ऐड की हुई हैं बिन में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि हम अपनी वीडियोस को आउटपुट है जो वो अच्छे से कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ से कुछ क्लिप चूज करने वाला हूँ, और क्लिप चूज करने के बाद उनको मैं अपनी जो बिन है उसमें, सॉरी, अपनी बिन से अपनी टाइमलाइन पे उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो एक क्लिप में ये वाला सिलेक्शन कर रहा हूँ, एक ये वाला क्लिप, एक ये वाला क्लिप, एक ये वाला क्लिप, ठीक है। तो सिंपल शिफ्ट इंटर, जैसे ही शिफ्ट और इंटर मैंने प्रेस किया जो मेरी वीडियोस थी वो मेरी टाइमलाइन पे ड्रैग हो चुकी हैं। तो अब मैं यहां से पीछे आने वाला हूं और यहां पे इन वीडियोस को चेक करने वाला हूं। एक दफा आप भी प्ले करके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं वैसे ही चेक कर रहा हूं कि इन क्लिप में कोई एरर वगैरह तो नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास हैं चार क्लिप। पहली बात तो मैं इन चारों को ही प्रोड्यूस करना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं दरमियान वे से ये दरमियान वाला क्लिप सिंपल प्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि आज हम ये कैसे कर सकते हैं, हम अपनी पूरी वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उस वीडियो का कोई एक छोटा सा पार्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं इसमें डिजॉल्व ऐड करने वाला हूँ, सिंपल मैंने डी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी वीडियोज में डिजॉल्व ऐड हो रहा है। और अगर आपके पास ये शॉर्ट की नहीं काम कर रही तो प्लीज आप मेरी जो फर्स्ट वाली क्लास है सिस्टम सेटिंग एंड यूजर सेटिंग उसमें देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये डिजॉल्व की कंट्रोल, सॉरी, सिंपल डी के साथ कैसे शॉर्ट की क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको ऐड टू बिन करने वाला हूं। ऐड टू बिन करने के बाद एक न्यू सीक्वेंस लिया है मैंने। न्यू सीक्वेंस के बाद मैं जो पहले वाला मेरा सीक्वेंस है मैंने उसमें उठाकर उसको रख दिया है। तो अब यहां पे मैं लिखने वाला हूं प्रोड्यूस, ठीक है, क्लोज द अदर सीक्वेंस। बाकी जितने सीक्वेंस हैं तमाम सीक्वेंस मैंने बंद कर दिए हैं। तो यहां पे अब हम इस वाले हिस्से को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमारे पास इस वक्त एक लेंथ आ चुकी है। तो सबसे पहले जो तरीकाकार है वो ये है कि हम होम का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, होम, ठीक है। तो जो हमारी स्केल है वो हमारे प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे चली जाती है, और अगर हम एंड वाला बटन प्रेस करें तो जो हमारी स्केल है वो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके एंड वाली जो साइड है उस पे चली जाती है। तो सबसे पहले तो हम वो एरिया सिलेक्शन करेंगे जिसको हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, होम आई, ठीक है, इन एंड आउट ओ, ठीक है, ये शॉर्ट की है। इसके अलावा अगर यहां पे आप देखें तो आपको एक बटन ये मिलता है, ठीक है, सेट इन सेट आउट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे स्केल रखकर सेट आउट करता हूं तो भी मेरी सिलेक्शन हो रही है, अगर यहां पे रखकर मैं आउट की कर रहा हूं तो भी मेरी आउट हो रही है। तो यहां पे अगर रखकर मैं आउट लगा देता हूं तो आपके ऊपर आपको रेड कलर का एरर नजर आ रहा होगा। ऐसे आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे आपकी वीडियो है जो वो प्रोड्यूस नहीं होगी, आपका जो ईडीएस है वो एरर देगा आपको। तो हमेशा के लिए इनपुट और आउटपुट, इनपुट वाला हिस्सा स्टार्ट पे, आउटपुट वाला हिस्सा एंड पे, ठीक है। तो मैं इसको होम आई एंड ओ, इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद अगर आप शॉर्ट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप F3 प्रेस करके इसकी शॉर्ट की क्रिएट भी कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग एंड यूजर सेटिंग वाली क्लास में मैंने मुकम्मल सिस्टम की सेटिंग और यूजर सेटिंग के बारे में गाइड किया है। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता और आपके ईडीएस की जो ये शॉर्ट्स की नहीं काम कर रही, तो आप मेरी वो वाली क्लास को रीड करें और आपने सिस्टम की अच्छे से ईडीएस की सेटिंग कर लें। तो हमारे पास ये आ चुका है बैच एक्सपोर्ट। और इसके अलावा अगर हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद हमें यहां पे मिलता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाने के बाद, ठीक है, बैच एक्सपोर्ट। जैसे ही हमने बैच एक्सपोर्ट किया तो ये वाली कुछ विंडो हमारे पास ऐसे हमें नजर आएगी। तो यहां पे हमें ये ऑप्शन मिलता है एक ऐड टू बैच एक्सपोर्ट, तो हम यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास ये एक नई जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हम यहां पे राइट क्लिक करके सिंपल न्यू, ठीक है,
न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो हमारे पास ये एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। अब इस विंडो में आपका वो सारा दारोमदार है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो की जो आउटपुट है वो एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक कैटेगरी मुंतहिब करनी पड़ती है कि आप कौन से प्लेटफार्म पर अपनी वीडियो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो MPG का हो, MPG 2 हो, या फिर MPG 4 हो, या फिर वो MP 4 हो, या ब्लू रे हो। तो ये सभी बातें आपके उस मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, या फिर आपके उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उस काम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिंपल MPG के बारे में बताने वाला हूँ कि हम MPG की आउटपुट अच्छे से कैसे ले सकते हैं, और वही सभी वीडियोज़ की आउटपुट का तरीकाकार है। अगर आप MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर ब्लू मिरर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल उसी फार्मूले से अपनी वीडियोज़ को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास आ जाती हैं ऑल क्वालिटीज़ AVC HD। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करें तो हमारे पास जो एक्सपोर्टर है उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो हम नीचे आ जाते हैं सिंपल यहाँ पे MPG पे, ठीक है। MPG पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, MPG 2 प्रोग्राम स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है, यहां पे रख के मैं आपको बता दूं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट, ठीक है। इस पे भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक ऑप्शन है, इसको भी हम चेक करेंगे कि इंशाल्लाह हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं और इनको भी हम इंशाल्लाह जरूर देखेंगे और आज की वीडियो में अभी देखेंगे। तो पहले हम सिंपल एक्सपोर्ट करके देखते हैं, इसके अलावा फिर इन ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम ये वाली MPG 2 प्रोग्राम स्ट्रीम, इसको ऐड टू बैच लिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम ऐड टू बैच लिस्ट करेंगे तो हमारे पास एक विंडो और ओपन हो जाएगी, ये वाली MPG 2 प्रोग्राम स्ट्रीम, ये है हमारी आउटपुट और फाइनल विंडो, ठीक है। यहाँ पे अब हमें एक फोल्डर देना होगा, यहीं पे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। रेंडर के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें मैं चेक करने वाला हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अपनी वो फाइल है जो हम वो सेव करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ 001, ठीक है। इसका मैंने ये नाम दे दिया है और ये हमारा आउटपुट है, जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हम वीडियो की आउटपुट कर रहे हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो ये सेगमेंट इनकोडिंग, अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं तो फिर शायद आपके जो सिस्टम के जो वीडियो ग्राफिक ड्राइवर होते हैं, या तो फिर वो आपके अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुए, या फिर आपका जो VGA ड्राइवर डिस्प्ले ग्राफिक कार्ड जो होता है वो आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा। और अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप इसको चेक मार्क कर लिया करें। इसके अलावा यहाँ पे साइज, ठीक है, करंट सेटिंग, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ हम बिल्कुल कुछ भी इनको चेंजिंग नहीं करने वाले, क्योंकि हमें करंट सेटिंग जो हम अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग रख चुके हैं, हमें उसी सेटिंग पे ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम 1080 में अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, या फिर 720 में, या 2K, या 4K, ये आपकी रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक हो सकता है। तो नीचे यहाँ पे हमें क्वालिटी, स्पीड, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से इसको सुपर फाइन पे एक्सपोर्ट करें, ठीक है, सुपर फाइन। उसके नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है बिट रेट्स। अब ये वाली बात है जो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेड है कि बिट रेट्स असल में क्या होते हैं और बिट रेट्स हम कैसे इनको अपने यूज में लेते हैं। तो ये हमारे पास हमें मिलता है CBR और साथ में हमें एक ऑप्शन मिलता है VBR। CBR क्या होता है, कस्टम बिट रेट्स, और VBR क्या होता है, वर्चुअल बिट रेट्स। कस्टम बिट रेट्स क्या है, मिसाल के तौर पे मुझे एक वीडियो चाहिए 4 MB में, या फिर 8 MB में, या 10 MB, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, उसको कस्टम बिट रेट्स, ठीक है, अपनी मर्जी से बिट रेट दूंगा ताकि वो मेरी वीडियोस उतने ही टाइम में उतनी ही कन्वर्ट होगी। तो इसके अलावा आगे वर्चुअल बिट रेट्स क्या होती हैं,
वर्चुअल बिट्स रेट्स होती हैं, यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी ऑन हो जाता है। अगर यहाँ CBR पे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज है जो वो MBS सिर्फ एक वाली ओपन है स्टार्ट जो फर्स्ट पे आ रही है। और अगर हम वर्चुअल पावर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम MBs हैं जो वो वाला ऑप्शन भी ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये है इसकी इनपुट और ये है इसकी आउटपुट। ये मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे। तो यहां पे क्या करता है कि जो हमारा EDS है वो अपनी ऑटो सेंस के साथ जो जो हमारे पार्ट्स मूवमेंट में होते हैं उनको ज्यादा बिट रेट्स की जरूरत होती है। तो बार दफा ऐसे होता है कि हम अपनी मूवमेंट के लिहाज से अपनी जो वीडियोस होती है उनके बिट रेट्स बहुत ज्यादा कम कर देते हैं और कम करने की वजह से हम एक अच्छी आउटपुट नहीं ले पाते। तो यहाँ पे अगर आप VBR कर देते हैं वर्चुअल बिट रेट्स तो यहाँ पे क्या होगा कि EDS अपनी सेंस के मुताबिक ठीक है आपकी वीडियोस को बिट रेट देगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मेरे हाथ आप देख रहे हैं, मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं तो मेरे हाथों को जो बिट रेट्स मिलेगी वो अलग से होगी। यहाँ पे बैकग्राउंड ये स्टिल आ रहा है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड को EDS बिट रेट्स देगा वो एक अलग से देगा। ठीक है, तो यहाँ पे VBR इस्तेमाल में लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं तो VBR इसमें 2, 4 MB, 50 MB, 100 MB ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं इनको आउटपुट करके। ठीक है, तो ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट है ये बन रहा है 25 सेकंड का। ठीक है, तो हम इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। तो हम इसको यहाँ से 7-8 सेकंड पे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन एंड आउट लगा दिया, आगे F2 प्रेस करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद अपनी वो क्वालिटीज आउटपुट हम सिलेक्शन करेंगे। आउटपुट के बाद हम आ जाएंगे MPG2 प्रोग्राम स्ट्रीम पे। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऐड टू बैच लिस्ट। तो ये है हमारे पास डेस्कटॉप, डेस्कटॉप रेंडर, रेंडर में 001। ठीक है, तो ये थी हमारी, सॉरी मैं इस पे नाम चेंज कर देता हूँ, इस पे लिखते हैं CBR। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहां से इसकी जो स्पीड है वो मैं करने वाला हूँ सुपर फाइन सेफ। एक मैंने ये कर दी है CBR और नेक्स्ट हम दूसरी इसी को सेव करने वाले हैं VBR में। तो यहां से VBR नाम देने के बाद इसको मैं चेक कर दूंगा, यहां से सुपर फाइन, यहाँ से VBR मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, 15 15। और अगर हम यहाँ से आप आउटपुट इसकी बढ़ाना भी चाहें कि हमारे जो मूवमेंट वाले पार्ट्स होते हैं उनको आप मैक्सिमम ये वाली बिट रेट्स दे सकते हैं, तो ये खुद EDS कंपेयर करता है कि उसको कौन से पार्ट्स को कितनी बिट रेट्स देनी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करने वाला हूँ और मैंने सेव कर दिया। पहले वाला जो है वो भी 14 MB का है और दूसरे वाला है जो वो भी 14 MB का है। तो चलिए जल्दी से एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिलता है। एक्सपोर्ट। जी, तो हमारी वीडियोस हैं जो वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। तो हम अपनी वीडियोस को, हमारे पास ये आ चुका है CBR और ये आ चुका है VBR। यहां से ही हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, आई शो ओपन। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये है हमारा आउटपुट CBR। ठीक है, कस्टम बिट रेट्स जो हमने अपनी मर्जी से मुंतखब किए थे, और ये है जो हमारे पास ये है VBR। ठीक है, इसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंट आप खुद देख लें, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट्स को अपनी वीडियोस को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद आपको 100% है जो वो आउटपुट का पता चल जाएगा कि CBR और VBR में कितना डिफरेंट है और ये आपको कौन से प्लेटफार्म पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो आप वहां से उसको VBR, ठीक है, जो EDS की अपनी सेंस है उसके मुताबिक अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट किया करें अगर आप एक अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, हम इस वाले अपना जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है हम इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम अपने नेक्स्ट सीक्वेंस पे आ चुके हैं जो पहले वाला था। तो यहां से मैं चाहता हूं कि इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहां से इन, यहां पे आउट, ये वाला हिस्सा है जो वो मैं एक्सपोर्ट करूं। तो
तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन एंड आउट लगाना होता है। तो इन एंड आउट लगाने के बाद अगर आप कोई भी पार्ट्स, इन चार पार्ट को एक ही सीक्वेंस में अलहदा अलहदा, मैं इनका जो डिजॉल्व है वो ख़त्म करने वाला हूँ ताकि मैं ज़रा आपको अच्छे से बता सकूँ। तो यहाँ पे पहला हम इन आउट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउट एफ थ्री प्रेस किया, तो ये जो पहले मैंने बनाई थी इनको मैं डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट बिटवीन इन एंड आउट इस पे चेक मार्क कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे, तो अब हम जितनी वीडियोस को इन आउट लगा चुके हैं हमारा वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट्स एक्सपोर्ट होगा, उसके अलावा जो हमारे तीन पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाला ऑप्शन हमारे किस काम आता है, वो मेरी वीडियो आ गई थी, तो यहां पे रख के आपको इस वाले हिस्से को आप चेक कर देंगे। तो ये जो नीचे वाला है, ये वाला हिस्सा हमारे किस काम आ सकता है, हम इसको ओपन करेंगे। पहले एडवांस को ओपन करते हैं। एडवांस को ओपन करने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहां से अपनी वीडियोस का जो फ्रेम है वो चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त जो है वो 720 है, तो मैं इसे 1080 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बजाय इसके कि मैं पीछे जाऊं अपने ADS का टोटल प्रोजेक्ट चेंज करूं और दोबारा यहां पे आऊं, तो मैं सिंपल यहां पे अनएबल कन्वेंस यहां पे इसको चेक करूंगा। चेक करने के बाद मेरे पास जो फ्रेम रेटिंग्स है मेरी वो ओपन हो चुकी हैं, तो यहां से मैं इसको 1080 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, 1080 25 फ्रेम पे, ठीक है, ये मेरे पास आ चुके हैं 1080 25 फ्रेम, ठीक है। तो आप यहां से फ्रेमिंग अपनी चेंज भी कर सकते हैं, ये मैंने 50 कर दिया, ये मैंने 60 कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है और आप पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कैसी आउटपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहां से सिंपल 25 ही करने वाला हूं, ठीक है, 25। तो यहां पे करने के बाद एडवांस को बंद कर दूंगा। एडवांस को बंद करने के बाद ऐड टू बैच लिस्ट, ऐड टू बैच लिस्ट करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, तो यहां पे हम देखेंगे वे ये कौन सी फाइल आ चुकी है, सॉरी स्टिल इमेज, मैंने अपनी जो फाइल है वो चेक नहीं की कि मैंने कौन सी फाइल सिलेक्शन की हुई है, तो यहां पे हमने स्टिल इमेज सिलेक्शन की हुई है, इसलिए हमारे पास नीचे वाले बिट रेट्स नहीं आ रहे। तो मैं सिंपल इसको यहां से डिलीट करने वाला हूं। दोबारा न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद पहले अपनी फाइल को सिलेक्शन करेंगे, फिर अपनी इस वाली फाइल को इन एंड आउट, और अब हम यहां से अपना आउटपुट फ्रेम है जो वो चेंज करने वाले हैं 1080 में, ठीक है। तो यहां से ये 1080, ये हम फ्रेम रेट्स वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ ताकि मुझे ये डिस्टर्ब ना करें। तो यहां पे ऐड टू बैच, तो यहां पे आने के बाद 001 सिलेक्शन करने के बाद हम यहां पे सुपर फाइन VBR, और यहां पे आप जितनी भी दे दें आप पे डिपेंड करता है, ये जितना अच्छा आप आउटपुट लेना चाहते हैं उतनी अच्छी आप बिट रेट्स दे सकते हैं। तो ये हमारा इन 000, ठीक है, और आउट 007। तो आगे हम यहां पे ही इन लगा लेते हैं और यहां पे आउट, तो अब हम आगे वाले को न्यू, यहां पे इन एंड आउट, ये आपने हर दफा सिलेक्शन लाजमी करनी है वरना आपका पूरा प्रोजेक्ट है जो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप कुछ पार्ट्स को, आप अपने पार्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीकाकार सबसे बेस्ट है। तो MPG2 यहां पे आ जाएं, ठीक है, ऐड टू बैच लिस्ट, यहां पे 002 चेक, सुपर फाइन VBR 002 मैंने नाम लगा दिया है। तो यहां पे अगर हम देखें तो 00007 ये हमारा 7 है जो आउटपुट है, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन है हमारी जो वो 7 सेकंड का है ये। और अगर हम यहां पे आ जाए नीचे वाले पे सीक्वेंस पे, तो यहां पे भी सीक्वेंस 1 है हमारा और यहां पे 007 से स्टार्ट हो रहा है और 0014, ठीक है, उस पे जाकर हमें आउटपुट मिल रही है फाइनल। तो ये बताने का मकसद ये था कि जब आप डोंगल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो हमारे पास प्रोजेक्ट आपको मिलता है स्नैप का, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि एक ही
हमारे पास सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस में 20 पिक्चरें या 15 या 25 होती हैं, लेकिन वो अलग अलग से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो वो इस तरीके से उनकी जो इमेज फाइल्स है, प्रोड्यूस फाइल प्रोफाइल है, जो वो ऐसे क्रिएट की जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम अपनी वीडियोज़ को एक अच्छे तरीके से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी वीडियोस की एक अच्छी आउटपुट ले सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे एडिटर बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मल्टी कैम के बारे में कि हम अपने मल्टी कैम को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं और कैसे उनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मल्टी कैम को कब इस्तेमाल में लेते हैं? जब हम किसी प्रोग्राम पे दो कैमरे या तीन कैमरे या चार कैमरे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम कोई भी हो, किसी शादी ब्याह का हो या फिर कोई एक्स्ट्रा तकरीबात हो। तो ऐसी तकरीबात जिसमें हम दो या तीन कैमरे इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन कैमरोज को बाद में एडिटिंग के दौरान कैसे व्यू एक साथ ले सकते हैं? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम जब टाइम लाइन पे काम कर रहे होते हैं तो एक कैमरा हमारा नीचे होता है, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, और जो हमारी व्यू ऑप्शन होता है, जो हमारा व्यू बॉक्स है EDS का, उसमें हमें वो वाली लेयर व्यू होती है जो सबसे ऊपर होती है। तो जो नीचे वाली दो लेयर्स होती हैं वो हमें डिस्प्ले नहीं होती। तो जैसा कि मैंने EDS में कुछ मटेरियल ऐड किया हुआ है, आप भी वो मटेरियल अपनी बिन में ऐड कर लें जिसकी मदद से आप काम करना चाहते हैं। तो पहले मैं ये वाली वीडियोस अपनी नीचे रख रहा हूँ एक कैमरे की, इसके आगे ये मैंने एक क्लोज वीडियोस है इसको मैं रख रहा हूँ, इसके आगे ये मेरे पास कुछ क्लिप हैं, इनको मैं यहाँ पे टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो वो मैंने कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो टॉप पे आ रही है वीडियोस वो ही हमें व्यू हो रही है, और अगर हम यहाँ से व्यू लेना चाहें नीचे वाली वीडियोस का, तो यहाँ हमें इसको यहाँ से बंद करना पड़ता है और या फिर इसको यहाँ से प्रॉपरली डिसेबल करना पड़ता है। तो ऐसे हम व्यू लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे जो नीचे वाली जो टाइम लाइन हैं उनके व्यू हैं जो वो अच्छे आ रहे हैं? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमको अच्छा व्यू छोड़ देते हैं ताकि हमें वो व्यू नज़र ही नहीं आता। तो ऐसे जब हम काम करते हैं कैमरों के, तीन या चार कैमरों की एडिटिंग करते हैं, तो ऐसे में हम मल्टी कैमराज यूज़ करते हैं EDS में। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मल्टी कैम को हम कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो अगर हम EDS में यहाँ ऊपर आए तो हमें एक मूड का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? तो मूड के ऑप्शन में आए तो यहाँ पे हमारे पास आता है मल्टी कैम, और इसकी जो शॉर्ट की है आपकी वो है F8। अगर आप सिंपल F8 प्रेस करेंगे तो आपके पास आपके मल्टी कैम एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? तो मल्टी कैम जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे तीन, View 1, View 2, View 3, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आइकन जो हमारा माउस का कर्सल है उस पे एक छोटा सा कैमरे का आइकन आ चुका है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे Video 1, यहाँ पे Video 2, यहाँ पे Video 3। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी टाइम लाइन पे ये ही लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से इसको चेंज करता हूं, मैं लिख लेता हूं Camera 1, तो यहां पे हमारे पास जो नाम है व्यू हो रहा है वो है Camera 1, और यहां पे मैं लिख लेता हूं Camera 2। सॉरी, मैंने डिलीट करने लगा था, यहां हमें रीनेम करना है इसको Camera 2, ठीक है? तो यहां पे मैं लिख लेता हूं Camera 3। तो यहां पे हमारे पास व्यू हमें सभी नजर आ रहे हैं। अगर यहां से मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो यहां पे मुझे पता चल रहा है कि मुझे कौन से कैमरे का व्यू लेना है। तो यहां पे अगर मुझे व्यू ये वाला चाहिए तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा, सॉरी यहां पे टाइम लाइन पे क्लिक नहीं करूंगा,
मुझे सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने इसकी एडजस्टमेंट की, फिर यहाँ पे मैंने इस वाले कैमरे को क्लिक किया, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए ये शॉट तो मैंने इस वाले को क्लिक कर दिया, दोबारा मुझे ये शॉट चाहिए तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, इसके अलावा मुझे फिर से ये वाला शॉट चाहिए मैंने क्लिक किया, इसके आगे मुझे ये वाला शॉट चाहिए तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे ये वाला क्लिक चाहिए तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसको पुश करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने अपनी स्पेस का बटन प्रेस किया तो हमने जहाँ जहाँ पे कैमरे को एक्टिव किया था वहाँ वहाँ पे हमारा जो व्यू है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, और जो हमने व्यू चेंज किया तो वहाँ पे वो वीडियोस खुद बहुत डिसेबल हो गई। अगर यहाँ से हम इसको प्ले करके चेक करें तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने यहाँ पे कैमरे की सिलेक्शन की थी कितनी कितनी टाइमिंग पे, उस हिसाब से हमें वो व्यू मास्टर में देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से इसको मल्टी कैम को ख़त्म कर रहे हैं, फिलहाल ख़त्म करने के बाद यहाँ पे दोबारा आकर प्ले करते हैं, और प्ले करके अगर हम देखें तो हमारी टाइमलाइन पे वो कट लग चुके हैं जो कि हमने मल्टी कैम्स जो इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो ऐसे हम अपने कैमरों को मल्टी कैम एडिटिंग में ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जब आप दो या तीन चार पांच कैमरों से काम करते हैं किसी भी शादी ब्याह के इवेंट पे या फिर कोई भी तकरीबात हो, चाहे वो आप किसी का सॉन्ग एडिट कर रहे हैं या फिर आपको महफिल नाद डबल कैमरा या ट्रिपल कैमरा या चार कैमरों पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इस वाले मल्टी कैम ऑप्शन को इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे मैं तीन टाइमलाइंस और ऐड करने वाला हूँ, तीन टाइमलाइंस मैंने और ऐड कर दी हैं, और यहाँ पे मैं दोबारा फिर से उसी मूड के ऑप्शन में जाने वाला हूँ। मूड के ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है नंबर ऑफ द कैमरास कि आपके पास कितने कैमरे हैं जो आपने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ 4, 5, 8, 9। ठीक है, जितने भी कैमरे आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उतने ऑप्शन आपको EDS में प्रोवाइड हैं, मिल जाएंगे वो आपको। अगर मैं 8 कैमरों पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल 8 पे क्लिक करूँगा। 8 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अब कैमरे को एक्टिव कर रहा हूँ तो मुझे हमारे पास कुछ व्यू इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी टाइमलाइन पे आ जाएं तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन हमें मिलता है जो कि सी के नाम से है। ठीक है, ये सी के नाम से क्या है, ये हमारा कैमरा है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो C1, C2, C3। तो अब हमने नंबर ऑफ द 8, ठीक है, 8 कैमरों की सिलेक्शन की है कि हमें 8 कैमरों से एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम कैमरे भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कैमरा नंबर 4, ठीक है, कैमरा नंबर 4 एडिट कर रहा हूँ, और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो कैमरा नंबर 5 में एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएं तो कैमरा नंबर 6 में एडिट कर रहा हूँ। और अब हम यहाँ पे अगर व्यू रखते हैं तो हमारे पास जितने व्यूज हैं वो हमें सब के सब कैमराज में एक्टिव नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑलरेडी हम ला चुके हैं, ये वाला लगा लेते हैं यहाँ से करके। ठीक है, तो यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस वक्त 8 कैमरों का व्यू हमें मिल रहा है। दो टाइमलाइंस और ऐड करते हैं यहाँ पे, दो टाइमलाइंस यहाँ से मैं मज़ीद ऐड करने वाला हूँ। यहाँ से हमने ऐड कर ली, और यहाँ पे एक पे ये वाला रख लेते हैं और एक पे ये वाला ही रख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास, यहाँ पे देखें तो हमारे पास 8 मल्टी कैम आ चुके हैं, और हम इन 8 मल्टी कैम से अपनी एडिटिंग कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। और इसी तरह आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से नंबर ऑफ द कैमरा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिंपल 2 पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 कैमरे हैं और एक मास्टर विंडो मुझे डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कैमरा 1 और कैमरा 2 ऑप्शन है जो वो एक्टिव है। और अगर हम यहाँ से इसको सिंपल चेंज कर लेते हैं मोड में जाने के बाद, कैमरा नंबर ऑफ द कैमरा यहाँ पे 4, तो हमारे पास 4 कैमरों के व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपनी वीडियोज को एक अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं जब हम ज़्यादा कैमरों से काम करते हैं। तो अगर हम मूड में आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास नीचे आएं तो ये व्यू मल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब काम करते हैं तो दौरान आप काम, आप अगर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो फिल्टर आप देखना चाहते हैं तो अप्लाई वीडियो फिल्टर ऑलरेडी चेक मार्क होता है, आप इसे अनचेक कर सकते हैं। डिस्प्ले ट्रैक नेम
तो आप इसको भी अनचेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए डिस्प्ले ओनली सिलेक्ट कैमरा वन फुल फ्रेम स्क्रीन प्रीव्यू ऑटो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाए आउटपुट एक्सटर्नल, ठीक है, मॉनिटर, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा से मॉनिटर होगा तो उस पे आपका जो व्यू है वो फुल स्क्रीन आएगा, जो भी आप मल्टी कैम की सिलेक्शन करेंगे उस वाले कैम का। तो ये आप ऑलरेडी इन सभी को चेक मार्क रहना दें, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो ऐसे हम अपने मल्टी कैमरा हैं जो उनको इस्तेमाल में ले सकते हैं और एक अच्छे तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हम मल्टी कैम को कैसे इस्तेमाल में कर सकते हैं और कैसे इनका नंबर ऑफ द कैमरा चेंज कर सकते हैं और कैसे अपनी टाइमलाइन पे एक कैमरे को एक्टिव कर सकते हैं। तो वीडियोस को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए EDS की परमानेंट क्लासेस लेकर आता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छा एडिटर बनाऊँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद की लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वीडियो स्टेबलाइजर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वीडियो स्टेबलाइजर क्या है और हम इसको किस लिए यूज में लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो कि वीडियो DSLR पे शूट करते हैं लेकिन उनके पास एक अच्छी गिम्बल्स नहीं होती, या तो फिर वो अपनी ट्राइपॉड पे रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर वो मोनोपॉड पे रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग के दरमियान कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो कि हम मूवमेंट में कैप्चर करते हैं। और अगर आप एक गिम्बल बाय करते हैं तो वो कम से कम आपको 50,000 या फिर 75,000 या 1,00,000 तक भी आपको वो परचेज करनी पड़ती है। तो हर बंदा इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमारे EDS में एक हमें ऑप्शन मिलता है वीडियो स्टेबलाइजर के नाम से। तो उसकी मदद से हम अपनी वीडियो की बहुत हद तक जो स्टेबलाइज होता है हम उसे कर सकते हैं, बहुत हद तक यहाँ कहें कि हम उसकी जो थ्रिल होती है वीडियो की, जो हमारी वीडियो वाइब्रेट करती है, हम जब कोई भी सीन मोशन वाला कैप्चर करते हैं तो उसकी वो वाइब्रेट हम रोक सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि वो वाइब्रेट हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि हम अपने वीडियो की वाइब्रेट कैसे रोकते हैं। तो मैंने ये दो क्लिप अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए हुए हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इन क्लिप को देख लें और बाद में इनको हम वाइब्रेट्स इनकी कंट्रोल करते हैं। तो ये एक क्लिप जिसमें आप दो परिंदे देख रहे हैं, चिड़िया अलबत्ता। तो ये क्लिप है, इसमें आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मूवमेंट्स हो रही है, जो कैमरा है उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेट है। इसके आगे अगर हम आ जाए तो ये एक सीन है, ठीक है, जो कि एक मोनोपोड पे कैप्चर किया गया है, ठीक है, ये कोई गिम्बल्स वगैरह नहीं, ठीक है, जिस पे ये कैप्चर किया गया हुआ और बहुत ज्यादा इसमें आपको थ्रिल है जो वो नजर आ रही है। तो अभी इसको जो लास्ट वाला पार्ट है यहां से मैं इसकी पहले थोड़ी सी सेटिंग कर लूं, इसको मैं डिलीट करने वाला हूं स्टार्ट से, क्योंकि स्टार्ट से बहुत ज्यादा ये रफ था इसलिए। तो अब पीछे वाला क्लिप और एक क्लिप ये है हमारे पास, ठीक है, ये वाला भी अगर आप देखें तो हमारी जो स्पीड है इस पे 100% है। मैं इसको कोई स्लो मोशन नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे क्लिप होते हैं जिनको आप स्लो मोशन करें तो उनकी जो वाइब्रेट है वो बहुत हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसको 100% पर ही कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसको मैं ओके, अगर पिछले क्लिप की हम वीडियो को चेक करें तो ये भी 100% है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपने अफेक्ट में जाएंगे, अफेक्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वीडियो फिल्टर, वीडियो फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ये हमें मिलता है स्टेबलाइजर, ठीक है, और दूसरा हमें ये मिलता है स्टेबलाइजर एंड रोलिंग,
ठीक है, हमारे पास दो स्टेबलाइजर हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है, दोनों सेम ही है, एक में थोड़ी सी डिफरेंट सेटिंग है, एक में थोड़ी सी मुख्तलिफ सेटिंग है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी इस्तेमाल करेंगे अपने स्टेबलाइजर एंड रूलर्स, ठीक है, शटर कनेक्टिंग्स, आप इसको यहां से पकड़ें, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें अपनी वीडियो को। इसी तरह आगे अगर हम आ जाएं फिर दोबारा अपने इफेक्ट पे, तो हम इस वाले को पकड़ के हमारी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है हम उस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये एनालाइज, ठीक है, एनालाइजिंग फॉर स्टेबलाइजिंग, तो हमारी जो वीडियो है वो स्टेबलाइज हो रही है। अगर हम अपने यहाँ आए तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है, जब हम किसी भी दो तीन चार क्लिप को स्टेबलाइजर करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि हम ये वाली वीडियो स्टेबलाइज कर रहे हैं। जैसा कि मैं अपनी बिन में एक या दो वीडियोज हैं जो वो ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाली वीडियो ऐड कर ली मैंने, ये वाली वीडियो ऐड, दो वीडियोज ऐड करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद स्टेबलाइजर इन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये टू लिखा आ रहा है, और अगर हम यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बताएगा कि मैं आपके इतने क्लिप को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और इतना क्लिप, इतने परसेंट आपका क्लिप है जो वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा क्लिप रेडी हो चुका है और दूसरा अभी एनालाइज हो रहा है, तो मैं इनको करने वाला हूँ डिलीट, क्योंकि हम सिंपल यहाँ पे आने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी वीडियो है जो वो स्टेबलाइज हो चुकी है, और हमारी वीडियो की जो थ्रिल है कह लें कि वो बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे इसको प्ले करके चेक करें तो हमारी वीडियो मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो चुकी है, हमारी वीडियो में जरा सी भी स्टेबलाइज, जिसे हम थ्रिल कहते हैं, वाइब्रेट कहते हैं, वो अब नहीं रही। तो अगर हम आगे आ जाएं इस वाली वीडियो पे, तो ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं कि ये वाली वीडियो भी हमारी 100% ओके है। तो इस वाली वीडियो में भी कोई किसी किस्म की स्टेबलाइजिंग, थ्रिल, वाइब्रेट वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ऐसे आप अपनी वीडियोस की जो स्टेबलाइजर है, खास तौर पे DSLR एडिटिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ये आपके यूजफुल हो सकता है, और ये टूल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा IDS का, मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो और अगर हम सैंपल के तौर पे यहाँ पे ये मैंने एक क्लिप ऊपर ले लिया है, और यहाँ से मैं इसका लेटर ओपन करने वाला हूँ, लेटर ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको 50% मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। 50% ऑफ करने के बाद अगर आप यहां से फिर दोबारा इसको प्ले करते हैं तो आप देखते हैं, ठीक है, ओ सॉरी, इसका जो स्टेबलाइजर है वो भी डिलीट करना है, डिसेबल करने के बाद हम देखेंगे, ठीक है। डिसेबल करने के बाद अगर हम यहां पे देखें तो ये ही देखें, एक हिस्सा हमारा बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है और दूसरे वाला हिस्सा है जो वो हमारा बहुत हद तक स्टेबल है, ठीक है। आपको मुकम्मल ओरिजिनल जो प्रिंट्स हैं वो आपके रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। एक हिस्सा हमारा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है और एक हिस्सा हमारा मुकम्मल तौर पर स्टेबलाइज है। अगर इसे हम दूसरे वाले हिस्से को भी कर दें तो ये वाला, इसका भी हम यहाँ से स्टेबलाइजर डिलीट करके मैं पीछे वाली जो वीडियो है इसका लेटर सिंपल यहाँ से पकड़ कर आगे वाली पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये भी 50% आपको वाइब्रेट पे नजर आएगी। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं, इसका जो 50% ल्यूटर है हम चेंज करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इसको बंद करने के बाद हम इसको टॉप से 50% लगाते हैं ताकि हमें जरा अच्छे से पता चल सके। तो हमारा जो एक हिस्सा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है और दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये वाला मेरा सबसे फेवरेट टूल है EDS में, और ये आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इसके अलावा अगर आप इसकी कोई मैनुअल सेटिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर हम इस वाले क्लिप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद स्टेबलाइजर पे सिंपल हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसपे लिखा हुआ है वीडियो स्टेबलाइजर, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रांसलेट, ठीक है। और आगे हम आ जाएं तो हमारे पास आ जाती है स्केल, आगे हम आ जाएं तो 2D रोटेट, आगे हम आ जाएं तो 3D रोटेट, आगे हम आ जाएं तो रोलिंग शटर, ठीक है, ऑटो ट्रिमिंग, ठीक है। ये अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर लेगा आपकी वीडियो को।
अगर इसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में थ्रिल है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो आपकी वीडियो में, तो आप इसको मैन्युअली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस 3D वाले को भी आगे कर सकते हैं कितने परसेंट ऑलरेडी यहाँ पे, और अगर आप मजीद इसको स्केल को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, सॉरी इस स्केल को, ठीक है। आप जूम करना चाहें तो इसको जूम कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेस को आगे करते हैं तो ये हमारी वीडियोस को देख रहे हैं आप, जूम इन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपकी हल्की सी वीडियो जूम इन हो जाती है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है कमाल है यार, बहुत ज्यादा कमाल है, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला टूल EDS में, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी वीडियोज को स्टेपलाइज कर सकते हैं, और एक मजीद अच्छी वाली गिम्बल खरीदने से आप बच सकते हैं, और आप एक अपनी नॉर्मल ट्राईपोड या फिर मोनोपोड पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस शूट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो EDS के हवाले से देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मास्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा दोस्तों को इंतजार था इस वाली क्लास का, मास्क की क्लास का, लेकिन हो सकता है कि ये एक क्लास में हमारा मास्क है जो वो कंप्लीट ना हो, हम इस पे 2 क्लासें 3 क्लासें या 4 क्लासें बनाएं, क्योंकि हर क्लास में मैं आपको इसमें कुछ मुख्तलिफ करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि आप मास्क में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम मास्क को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले मेरे पास एक सवाल था कि मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो वो 25 फ्रेम पर सेकंड पे हो, तो हम उसको 50 फ्रेम पर सेकंड पे कैसे ले जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कल को आपको भी इसकी ज़रूरत पड़े, तो हम सिंपल अपने जो EDS है हमारा उसके ऊपर अगर जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास आपको ये एरो भी नज़र आ सकता है, या फिर सिंपल आपको सेटिंग का ऑप्शन भी मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे करें तो हमारी जो सेटिंग है वो आ चुकी है, हमें मिल चुकी है, लेकिन मैं इसको सिंपल यहाँ पे वापस ला के छोड़ने वाला हूँ। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में, ठीक है। तो यहां में जब हम प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, तो यहां पे मैंने ऑलरेडी जो है मेरे पास वो मैंने इस वक्त ये वाला फ्रेम है जो वो रखना है अपना, जिस पे मैं अभी आपको एडिटिंग करके बताने वाला हूं। और अगर ये रखने के बाद 25 फ्रेम है ये, और अगर इसके बाद मुझे ख्याल आता है कि मैं इसको अपना 50 पे लेके जाना चाहता हूं, तो आप सिंपल दोबारा अपने प्रोजेक्ट में जाएं, और प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहां से 50 फ्रेम पर सेकंड की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंतहाई सिंपल है, आप अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है आप जब सिस्टम से वीडियो को आउटपुट देते हैं कंप्लीट फाइनल होने के बाद, तो उस टाइम भी आप अपनी वीडियो को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वो देखना है कि आप 50 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो प्लीज़ मैं ऊपर भी लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, बैच एक्सपोर्ट के नाम से, जो अलबत्ता 10 नंबर क्लास थी या फिर 11 थी, 10 नहीं थी अलबत्ता, तो उसमें मैंने बताया था। तो आप वो वीडियो कंप्लीट से चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हम अच्छे तरीके से अपनी एक 25 फ्रेम्स फिल्म्स को 50 फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम अपनी मास्क लेयर को कैसे इस्तेमाल, अपनी लेयर पे मास्क को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मास्क हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम अपने फिल्टर्स को ओपन करेंगे, फिल्टर्स, वीडियो फिल्टर्स। जैसे ही वीडियो फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है मास्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी बिन में जाने वाले हैं, बिन में जाकर यहाँ पे मैं एक न्यू क्लिप ऐड करने वाला हूँ। क्लिप ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं एक कलर मैट लेने वाला हूँ।
कलर मैट की सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से एक वाइट कलर का मैंने कलर मैट चूज किया है। तो उसको अपनी टाइमलाइन पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपल अफेक्ट में जाएंगे। अफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ से मास्क को उठाकर अपनी जो हमारा मटेरियल होगा उस पे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे रखने के बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो खुद बहुत ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम सिंपल डबल क्लिक करेंगे अपने मास्क को और हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और ये है हमारी मास्क विंडो। अगर यहाँ पे आप ऊपर कॉर्नर में देखें तो लिखा हुआ है मास्क। तो ये ऊपर उसके कुछ नन्हे मुन्ने टूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के साथ आपको ये एक एरो नजर आता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको कुछ और टूल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके आगे हम देखें तो एडिट शेप। एडिट शेप इसकी अगर शार्ट की आप कंट्रोल यूज करना चाहें तो वो है सिंपल ए, ठीक है। आगे हम आ जाए तो एड वेक्टर्स, ठीक है, डिलीट वेक्टर्स। उसके अलावा एडिट कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें कुछ इसमें टूल्स मिलते हैं, ठीक है, हमारा जो ये वाला साथ एरो बना हुआ है इससे। आगे हम आ जाए तो ये हमारे पास है जूम टूल। आगे आ जाए तो हैंड टूल। आगे देखें तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अगर हम कोई बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम रेक्टेंगल की मदद से कर सकते हैं। ये है हमारे पास लिप्स टूल। उससे आगे अगर हम देखें तो ये है हमारे पास पाथ, ठीक है, पेन टूल। तो इसके आगे वही कंट्रोल जेड अंडू कॉपी पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल एक्स कॉपी पेस्ट। इसके अलावा ये डिलीट बॉक्स आपको मिल जाता है। ये आपको मिलता है ट्रैकिंग पॉइंट, और ट्रैकिंग पॉइंट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ट्रैकिंग पॉइंट को एक अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम आ जाएं तो ये है हमारे पास अप्लाई मास्क लेयर, ठीक है, गाइड्स, मोशन पैच। ये आप अगर कुछ रखना चाहें इनमें से अपनी विंडो की, जो ये आपकी विंडो है इस पे, तो ये अभी हम ऐड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं यहां से दोबारा से सिलेक्शन टूल की सिलेक्शन करने वाला हूं। अगर इस साइड पे आ जाए तो हमारे पास आ जाता है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ओपेसिटी, ठीक है, फिल्टर। ऐसे ही हमें आउटसाइड मिलती है, वही सभी ऑप्शन देखने को हमें मिलते हैं। ये हमारे पास नीचे आ जाता है बॉर्डर्स सॉफ्टनेस, ठीक है। तो मैं अभी इसको अनचेक करने वाला हूं। ये हमारे पास एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेट है, और ये है हमारे पास एक सिंपल सी टाइमलाइन। अगर देखा जाए तो लेआउटर के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये लेआउटर से काफी हद तक मुख्तलिफ है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो काफी हद तक उसके साथ मुसाबत रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कोई रेक्टेंगल शेप ऐड करता हूं। मैं इसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको प्रेस करता हूं, ये देखें, तो हम इसको बना सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बॉक्स 100% चाहिए तो मैं सिंपल अपना शिफ्ट का बटन प्रेस करके बॉक्स बनाऊंगा। तो अब इसकी जो हाइट वाइट है उसको आप कंट्रोल में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां से मैं इसको ग्रिड ऑन कर दूं तो हमको कुछ ब्लू कलर की लाइंस ऐड नजर आ रही हैं। ये क्यों होती हैं? जब भी हम कोई शेप लेयर्स क्रिएट करते हैं तो ग्रिड्स की मदद से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं यहां से सिंपल क्या करूंगा कि इस वाले ऑप्शंस को पकड़ के यहां से यहां तक ये मुझे चाहिए, एक मिसाल के तौर पे, ठीक है। अगर आप पेन टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम पेन टूल्स ये वाली लेयर्स यहां से फिर यही सिलेक्शन करते हैं, ये वाला ये चीज, ठीक है। यानी कि हम कोई भी शेप, जब कोई भी शेप हम क्रिएट करते हैं तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, अपने पेन टूल की मदद से या रेक्टेंगल की मदद से, और ग्रिड है जो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो कि हमारी शेप होती है उसको क्रिएट करने में, ठीक है। ये कुछ अजीब सा ही बन गया, मैं इतना ड्राइंग के बारे में नहीं जानता, तो ये कुछ मैं आपको बताना चाहता था कि जो ग्रिड है वो हमारा किस काम आता है। मैं अब इसको डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के बाद हमने एक रेक्टेंगल टूल पकड़ लिया है, और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद ये है हमारे पास इसका, ठीक है, कलर्स।
मैं इसको यहां से कलर चूज करता हूं येलो, ठीक है, येलो कलर, और यहां से मैं इसको बताऊंगा कि मुझे कितना परसेंट कलर चाहिए। तो मैं इसको 10% यहां से जैसे ही ऐड करके अपना एंटर प्रेस करूंगा, तो अगर हम यहां पे पीछे आए तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो वो ऐड हो चुका है यहां पे। और अगर मैं यहां से इसको 50% करता हूं, तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसका साइज काफी हद तक बड़ा हो चुका है। और अगर हम यहां से इसको सॉफ्टनेस करें, ठीक है, सॉफ्टनेस 10% नहीं नजर आ रही आपको, 100%, तो ऐसे आप इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा सकते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं ताकि हमें अच्छे से पता चल सके, ठीक है। ये एक कुछ ऐसी चीज बन गई है। इसके अलावा क्या करते हैं, इससे हम अगर हम इसकी ये वाली वैल्यू खत्म कर दें, ये वैल्यू खत्म कर दें, इसके बाद ये है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा। अगर हम यहां से इसकी ओपेसिटी को जीरो कर देते हैं तो जो हमारे पास अंदर वाला बॉक्स था वो हमें नजर आने लग गया है। और अगर हम यहां से इसको वापस 100% कर देते हैं और यहां पे इसकी ओपेसिटी को जीरो करते हैं, तो जो हमारा बॉक्स है उसका जो आउटसाइड एरिया है वो खत्म हो चुका है, जो हमारा बॉक्स था वो हमें सिंपली नजर आ रहा है। और अगर अब हम यहां पे इसकी कलर वैल्यू को 10% देते हैं, यहां से कलर को करते हैं रेड, तो अब हमारा जो कलर के ऊपर है जो वो हमें एक बॉर्डर्स नजर आ रहा होगा आपको, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये है हमारे पास सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस को भी हम यहां से रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारे पास बूथ, बूथ ऑप्शन। अगर हम यहां से आए तो ये इनसाइड, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं ताकि आपको पता चल सके, ये हमारे पास कलर है। ये है अब इनसाइड, जो हमने यहां पे दायरा सिलेक्शन किया था उसकी अंदर वाली साइड पे हमारा जो स्ट्रोक है वो ऐड है इस वक्त, जो कलर है हमारा। और अगर हम इसको आउटसाइड करते हैं तो ये उसकी बाहर वाली साइड पे आ जाएगा। और अगर हम इसको बॉटम करते हैं तो ये हमारी दोनों लाइनों के दरमियान में हमें डिस्प्ले होगा। और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये है हमारा एंकर पॉइंट्स, ठीक है, एंकर पॉइंट्स, ये वाला एंकर पॉइंट, ठीक है। अगर एंकर पॉइंट को हम यहां से 10% ऐसे करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि एंकर पॉइंट की मदद से हम किसी भी चीज को रोटेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहां से हम इसकी एंकर पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जितनी आप चाहें। अगर मैं इसको 100 करूं तो बहुत ज्यादा चला गया बाहर, 50, ठीक है। तो अब अगर इसकी मैं पोजीशन को यहां से 50% रोटेट करता हूं, तो ये उसी रोटेशन से हो रहा है जहां पे हमारा एंकर पॉइंट है, ठीक है। तो जीरो वैल्यू और जीरो वैल्यू भी मैं इनको खत्म करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो 100% है वो दरमियान से ही रोटेट होगा। और आगे अगर हम आ जाए तो ये हमारे पास पोजीशन है इसकी, ठीक है। पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मैंने 100 कर दिया, यहाँ से भी मैं 100 करने वाला हूँ, तो ये यहाँ पे आ चुका है। ये आप पकड़ कर भी अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास टाइमलाइन। टाइमलाइन के बाद ये यहाँ से आप हमेशा के लिए उसी तरह चेक करेंगे। ये हमारे पास ऐड की फ्रेम्स हैं इनसाइड, और ये हैं हमारे पास आउटसाइड, ये देखें, ठीक है, वही चीज आप क्रिएट कर चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे पीछे आ जाएं तो हम ये एक शेप क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, मास्क की। तो ये आप ऐसे मास्क लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम दोबारा यहां से इसकी इंफॉर्मेशन में जाकर इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसके नीचे मैं कुछ और थोड़ा सा मटेरियल कलर्स ऐड करता हूं, जैसा कि मैं इसके नीचे ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, ये वाला। तो आप ये देखें, आपको जरा अच्छे से पता चल रहा होगा। तो अगर हम यहां से इसकी वैल्यू को कर देते हैं चेंज, ओ सॉरी, मैंने ल्यूटर ओपन कर दिया है। इसको ओपन करने के बाद मास्क को हम ओपन करेंगे, ठीक है। मास्क को ओपन करने के बाद इसका ये वाले पॉइंट्स, अपने ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्शन करनी होगी, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के बाद ये है हमारे पास पोजीशन 0 0, ठीक है, हमारा इस वक्त सेंटर पोजीशन में है, और 100% की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पे इसकी रोटेशन को मैं ऐड करने वाला हूँ 45 डिग्री, और यहाँ पे आने के बाद इसकी मैं पोजीशन को करने वाला हूँ 0, और यहाँ पे भी मैं इसको सिंपली यहाँ से इसकी एक्स पोजीशन को 100 पे नहीं, 250, 500, 450, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऐसे ये चीज़ हो
और अगर हम इसके बॉर्डर्स का जो कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ से वाइट लेने के बाद इसको मैं हल्का सा ये डार्क कर दूंगा, तो ये डार्क, सॉरी मैंने इसके कलर्स को पीछे से भी चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास इसकी रेड वैल्यू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है जो वो है डार्क। तो सिंपल यहाँ से क्लिक करने के बाद, कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका कोड ले सकते हैं। और फिर नहीं, मैं इसको दोबारा वहीं से ही जो इसका कलर है उसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद इसका कलर वो ही तकरीबन सेम, हमारे पास ये एक चीज़ क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसकी अब हमने जो मूवमेंट थी वो कंट्रोल में कर ली है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, इसको लगाएंगे 450, ठीक है, और इसकी वैल्यू को कर देंगे 0। तो अब हमारे पास ये एक राउंडेड सर्कल में आपको कुछ नजर आ रहा हो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए। और अगर हम यहाँ पे एक कलर्स और ऐड करते हैं, नीचे कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं एक कलर और ऐड करने वाला हूँ, मैंने अभी इसको येलो में कलर में ले लिया, और येलो कलर में लेने के बाद मैं जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसको यहाँ से मैट देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मैट दिया, हमारी वो नीचे वाली जो लेयर थी वो डिसेबल हो चुकी है और हमारी मास्किंग में हमें वो काम आएगी। ऐसे हम इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इस पे काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम मास्क को कैसे इस्तेमाल करते हैं और मास्क हमारे किस तरह यूज़ में आता है, और मास्क की टाइमलाइंस, टूल्स और उसकी जो साइड्स फीचर्स हैं, इनसाइड और आउटसाइड्स, उनको हम कैसे इस्तेमाल में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से किसी वीडियो पे कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमें पता चले कि हम मास्क लेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क लेयर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है वीडियो में, और बहुत सारी हमारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हम अपनी मास्क लेयर्स की मदद से हिडन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मास्क लेयर की मदद से हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीद की लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मोशन ट्रैकिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मोशन ट्रैकिंग को हम कब इस्तेमाल में लेते हैं और वो हमारे किस काम आ सकता है। किसी भी चीज़ को हम हिडन करना चाहें, या फिर किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाहें, या फिर किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को, अकेले सब्जेक्ट को हम किसी किस्म की उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है ये आप 7.5 है जो उसमें नहीं अवेलेबल था, लेकिन जो 8.5 है उसमें ये मोशन ट्रैकिंग की अपडेट आई थी। तो ये मोशन ट्रैकिंग इतना सिक्योर तो नहीं जैसा कि आप अडोब आफ्टर इफेक्ट में ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, उस लेवल की ये ट्रैकिंग नहीं करता। अभी तक इसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो कि यूजेबल नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ये ऐसे काम करता है जो कि हमें पहले मैनुअल करने पड़ते थे, और अब हम इसकी मदद से अपना काफ़ी सारा टाइम है वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि हम मोशन ट्रैकिंग को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपना वो मटेरियल बिन में ऐड कर लें जिसकी मदद से आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये एक वीडियो थी, वो मैंने अपने EDS की टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप की हुई है। तो इसके अलावा मैं इसको क्या करने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये है वीडियो, और अगर वीडियो के यहाँ पे देखें तो ये आपको एक गाड़ी नज़र आ रही होगी। तो इसकी जो नंबर प्लेट है मैं उसको हिडन करना चाहता हूँ। तो मैं उसको हिडन कैसे कर सकता हूँ ट्रैकिंग की मदद से, ताकि मेरा टाइम वेस्ट भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ से मैं इसको, ये वाला जो रफ हिस्सा है स्टार्ट का, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। तो ये है हमारे पास इसकी, ठीक है। तो इसकी स्पीड है जो, उसको मैं स्लो नहीं करने वाला, क्योंकि जो
मैनुअली स्पीड है इसकी वो ही रहेगी। तो मैं इसके लिए अफेक्ट पे जाऊंगा, सिंपल अफेक्ट में जाने के बाद हम आ जाएंगे मास्क पे। तो मास्क के टूल को हम पकड़कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हम इसको कर लेंगे ओपन, ठीक है। तो ओपन करने के बाद ये हमारे पास जो मास्क है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर आ जाए तो ये हमें मिलता है मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो हम उस चीज़ की सिलेक्शन करेंगे जिसको हम ट्रैक करना चाहते हैं। तो इस यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद आप सिंपल एच का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास हैंड टूल आ जाएगा, उसकी मदद से। ये हमारे पास सामने है जो नंबर प्लेट, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ या कह लें कि मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आप ये जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है इसकी मदद से आप इसको सिलेक्शन कर लें। इसके अलावा अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जो कि रेक्टेंगल या लिप्स टूल की सिलेक्शन में नहीं आता तो मैन्युअली आप पेन टूल की मदद से भी वो सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको यहाँ से 50% व्यू करने वाला हूँ, बल्कि 75 कर लेते हैं। तो दोबारा हैंड टूल की मदद से मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर ली। तो ये हमारे पास आ चुका है स्टार्ट पॉइंट। अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले हमें की फ्रेम बाई इसको मूव करना पड़ता था खुद, लेकिन यहाँ पे अब EDS खुद आपको कोई भी सब्जेक्ट ट्रैक करके देता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ट्रैकिंग का। ये है हमारी शेप जो अभी हमने क्रिएट की है, और ये हमें मिलता है शेप में एक ऑप्शन ट्रैकिंग का। तो मैं इस पे क्लिक करने लगा हूँ। जैसे ही हमने क्लिक किया, शेप पे भी साथ क्लिक करने वाला हूँ और नीचे ट्रांसफार्मर पे। तो ये हमारे पास आ जाता है ट्रैकिंग का पॉइंट। तो अगर हम इस पे राइट क्लिक करें तो ये हमें बता रहा है पोजीशन, स्केल, रोटेशन। आप कौन कौन से इसकी जो पोजीशन, रोटेशन या फिर स्केल को, अगर आप तीनों चीजों को कैप्चर करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप इन पे चेक मार्क लगा रहने दें। वरना आप किसी एक पोजीशन को चेक करना चाहते हैं, किसी एक पोजीशन को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप उसका चेक लगा रहने दें, बाकी को अनचेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी को भी अनचेक नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स हैं अपनी टाइमलाइन के, तो मैं सिंपल इस टाइमलाइन को ऑफ कर लूँ ताकि हमारा एक पॉइंट बन जाए। तो मैं इसको, ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया है, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, दोबारा अपनी ट्रैकिंग में जाऊँगा, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, फॉरवर्ड। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो नेक्स्ट फ्रेम, एक फ्रेम बाई फ्रेम हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूँ तो ये हमारी ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउट हो चुकी है। तो आउट होने के बाद मैं यहाँ से इसको सिंपल, अगर एक छोटा सा पॉइंट आपको मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ जाए तो मेरे हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जहाँ पे हम इतना काम करते हैं वहाँ पे एक आधा मैनुअल पॉइंट्स, यहाँ पे इसकी स्केल को बड़ा करके ये हमारे पास आ जाता है। तो मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ और थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। तो ये नीचे और ये वाली पोजीशन, ठीक है, फिर मैं इसको ये मैनुअल। तो बाकी ये जितना है इसने खुद ही ट्रैक कर लिया है एक अच्छे तरीके से। जितना अच्छा आपका ऑब्जेक्ट होगा या फिर आपकी वीडियो का रिजल्ट होगा, आपकी वीडियो की जो क्वालिटी होगी उतनी ही अच्छी आपको ये ट्रैकिंग देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रैकिंग है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है इस पे हम कोई इफेक्ट ऐड करें या फिर मैं इसको हिडन करना चाहता हूँ। तो आप सिंपल यहाँ से फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन अनेबल हो जाता है। पहले अगर ये देखें तो ये ऑफ चेक है, आप इसको, ये फिर भी अनेबल है। आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट ला सकते हैं। तो मैं इस पे ये वाला इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। तो अभी ये इफेक्ट है जो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं इसको जैसे ही फिल्टर पे चेक करूँगा तो ये हमारा जो इफेक्ट है ये एक्टिव हो चुका है। तो अगर हम यहाँ से इसको कर दें ओके, ओके करने के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने ट्रैकिंग की थी वो ट्रैकिंग हमारे पास मौजूद है। हमारी जो वीडियो है, हमारी जो गाड़ी है, उसका जो नंबर है वो हमने हिडन कर दिया है। तो इसी तरह आप ट्रैकिंग की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई और सा इस पे इफेक्ट ऐड करते हैं यहाँ पे। तो मैं इस पे ये वाला इफेक्ट रिमूव करके, सिंपल आप यहाँ से जब कोई भी इफेक्ट चेंज करेंगे तो आपका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कलर में चलते हैं। तो कलर में जाने के बाद इसको, यहाँ से थ्री डॉट्स,
थ्री डॉट से हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि हम इसका कलर चेंज कर पा रहे हैं जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी का जो कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा आउट नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसकी जो स्पीड्स है वो काफ़ी है, और यहाँ पे जो मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग की थी, और जब भी आपकी वीडियो का जो ट्रैकिंग वो आउट होती है आपकी शटर स्पीड की वजह से होती है। जब भी आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की वीडियो बनाना चाहते हैं कल को, जिसको आप ट्रैक करेंगे और उस पर आप कोई ट्रैकिंग करके काम करना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट की आपको शटर स्पीड अप रखनी चाहिए। कम से कम आपकी 400 शटर स्पीड होनी चाहिए, और फिर आपका जो ट्रैकिंग है, ट्रैकर पॉइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रैकिंग करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि जो ट्रैकिंग पॉइंट है, ट्रैकिंग मोशन ट्रैकिंग, उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्दी देने वाला हूँ, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डे को आपको नेक्स्ट क्लास भी मिल सके, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम एक प्रोफेशनल इफेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। ये ट्रैकिंग मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि हम नेक्स्ट ट्रैकिंग पे ही बात करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाली क्लास ट्रैकिंग पे ही बनाऊं, वरना ये बनाने का कोई जवाब बनता नहीं था, क्योंकि ट्रैकिंग जो अभी EDS की है वो इतनी हाईलाइट नहीं हुई, और ना ही ये इतना कोई यूज़फुल टूल है कि आप इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ट्रैकिंग अभी उस लेवल पर आई नहीं। उम्मीद करता हूँ कि EDS 10, 11 जैसे जैसे आप होगा तो ये ट्रैकिंग अच्छी होगी, तो हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है, लेकिन अभी ये इतने यूज़ में नहीं आती, ये उस लेवल पे अपग्रेड नहीं की गई जो हमें ट्रैकिंग चाहिए होती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि नीचे लाल बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट अपडेट वीडियोस आपको मिल सके, और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद अकील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ओवर लाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी मास्क की क्लासें चल रही हैं, तो इस दौरान मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स किए जा रहे थे कि सर ओवर लाइट पे कोई वीडियो बनाएं कि हम अपनी ओवर लाइट को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि पहले ओवर लाइट पे वीडियो बना लेते हैं, इसके बाद मास्किंग की क्लासों को फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। तो आज की क्लास पे हम देखने वाले हैं कि जब हम कोई भी वीडियो कैप्चर करते हैं तो हमारी यकीनन लाइट है कभी अप कभी डाउन हो जाती है, तो हमारा जो पर्चर है वो एक तरह से नहीं चलता, तो जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे जो क्लिप हैं वो एक अगर हम क्लिप देखें तो वो डार्क नज़र आता है, दूसरा क्लिप लाइट नज़र आता है। तो हम उनका बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि हमारे क्लिप हैं जो वो एक जैसे नज़र आएं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो की लेवल कैसे करते हैं लाइट का, ठीक है, लाइट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लिया है जिसकी मदद से मैं काम करना चाहता हूं, तो आप भी अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिस पे आप काम करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं कि हम अपनी लाइट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक क्लिप मैंने अपनी टाइम लाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, और अगर हम यहाँ पर आ जाएँ, ये यहाँ पर आएँ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वेक्टर स्कोप। तो अगर हम यहाँ जाएं सिंपल व्यू में, व्यू में जाने के बाद विंडो लेआउट, लेआउट में जाने के बाद अप्लाई लेआउट और कलर, ठीक है, जैसे ही मैं कलर को चूज करूंगा तो हमारे पास ये जो हमारा वेक्टर स्कोप था ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा 1+2, 0, ठीक है, 120। तो हमारी जो लाइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ी हुई है, और अगर हम यहाँ नीचे देखें तो ये हमें देखने को मिलता है 0, और 0 से भी हमारी लाइट है जो वो नीचे की तरफ आ रही है। अब 0 है जो वो हमारा स्टार्ट वैल्यू है,
और जो 100 ऊपर आपको देखने को मिल रहा है वो हमारी एंड वैल्यू है। हमारी कोई भी वीडियो है तो उसका जो लो लेवल है वो 0 से स्टार्ट होता है और अप है जो वो 100 तक जाना चाहिए। अगर वो 100 से अप है तो वो फिर आपकी लाइट है जो वो ओवर हो चुकी है, और अगर वो 0 से डाउन है तो आपकी जो लाइट है वो फिर डाउन हो चुकी है। और अगर हम इस क्लिप की जगह पे आगे ये वाला क्लिप लेके आते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगा ताकि क्लिप ज़्यादा लंबा है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैं अच्छे से समझा भी सकूं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा जो स्कोप है यहाँ पे हमें ऊपर लाइट्स कुछ, हमारा जो 100 का फिगर है, लाइन है 100 की, इससे ओवर नज़र आ रहा है, जो हमारा स्कोप है वो हमें व्यू दे रहा है। तो अगर हम ये वाला क्लिप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अब हमारी जो लाइट है वो 100 के अंदर ही है, तो यहाँ पे जो हमारी लाइट है हमें स्कोप बता रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट 100% है, कुछ पॉइंट इसके डाउन या अप हमको करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इन क्लिप को अप और डाउन कैसे कर सकते हैं। ये है लाइट्स का फार्मूला। जब भी आप DSLR पे कोई वीडियो एडिटिंग शूट करते हैं तो वहाँ पे हमारी लाइट है वो जो बहुत ज़्यादा कम कहीं पे अप और कहीं पे लो हो जाती है, तो हम उसका बैलेंस अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल अपने अफेक्ट में जाएंगे और अफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कलर करेक्शन में आ जाएंगे। कलर करेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हमें एक मिलता है कर्व, इस वाले कर्व को जो सबसे लास्ट पे हमें नजर आ रहा है, कर्व YUV, इसको पकड़कर हम यहाँ अपनी वीडियो पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे आपको 3 चैनल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है अप चैनल लाइट्स ओवर लाइट्स का, और ये है डाउन लाइट्स का चैनल नीचे की तरफ, जो वाई वाला चैनल है हमारे पास वो वाला चैनल। और पहले तो हम इसकी ऊपर वाली लाइट्स को बैलेंस में लाएंगे क्योंकि हमें ओवर लाइट्स को ख़त्म करना है, और ज़्यादातर इश्यू जो होता है वीडियो में वो ओवर लाइट का ही देखा जाता है। तो हम इसकी वाइटनेस को कैसे कम करेंगे, यहाँ से ऊपर से कॉलम से इसको पकड़ेंगे और इसको हम 100 में ले आएंगे। यहाँ पे ये मैंने इसको 100 में लाकर छोड़ दिया। तो यहाँ पे अभी हमें वो वाला लुत्फ नहीं आ रहा वीडियोस का जो आना चाहिए, 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं इसके ब्लैक्स, ठीक है, जो इसका कलर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, तो अगर हम यहाँ पे इसको फाइनल करते हैं और फाइनल करके ये अब हम इसको यहाँ से डिसकनेक्ट करके देखते हैं तो ये हमारी फर्स्ट लाइट थी और ये हमारी बाद वाली लाइट है। तो अगर हम यहाँ इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हम लेटर को ओपन करने वाले हैं। लेटर को ओपन करने के बाद हम इसको 50%, ठीक है, 50% लगा दिया मैंने, तो इसका कर्व है जो वो डिलीट कर देते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने कितनी लाइट्स को कंट्रोल कर लिया है। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सीन कुछ ऐसा ही चल रहा है कि लाइट्स और, तो यहाँ पे भी मैं इसको सिंपल ओपन करूँगा और यहाँ से हल्की सी मैं इसकी एडजस्टमेंट कर दूंगा। ऊपर जो ओवर लाइट है मैं उसको कंट्रोल करूँगा और नीचे वाला जो बैलैक है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकूं। ये हमारे पास वीडियो आ चुकी है, तो यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल कर ली है। तो मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो इसका इसके ऊपर ले ऑटर को लगाने लगाऊँ ताकि हमें साथ साथ फाइनल रिजल्ट मिलता रहे। तो ये हमारे पास रिजल्ट है इसका फाइनल, ठीक है, हम अपनी लाइट्स को कंट्रोल में ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाएं तो कोई और क्लिप उठा लेते हैं, जैसा कि ये वाला क्लिप, ठीक है, इस वाले क्लिप को हम देखते हैं। तो मैंने डिलीट कर दिया था, तो सिंपल अनडू करने के बाद ये क्लिप है मेरे पास एक। तो यहाँ पे अब हम देखें तो हमारी जो लाइट्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अप है। तो अब हम इसको कैसे कंट्रोल में करेंगे, अपने कर्व से, कर्व को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको ओपन करने के बाद इसकी जो ऊपर वाली लाइट्स वैल्यू है मैं उसको 100% करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे 100% कर दिया और मैं इसको ओके करूँगा। और जैसे ही ओके करेंगे
अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट्स है, हमने अपनी लाइट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले लिया है। और अगर आप इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं 100 से बहुत ज़्यादा नीचे, तो आपका कलर कुछ अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें यहाँ से व्यू वेक्टर स्कोप से देखकर अपनी वीडियो को आप बैलेंस करें। तो यहाँ पे जितना आपको एडजस्टमेंट लगे बेहतर, तो आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम कोई और वीडियो ले लेते हैं, इस वीडियो को हम उठा लेते हैं, तो इस वीडियो पे भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ। ये आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे हम फिर से कर्व ओपन कर रहे हैं। कर्व को ओपन करने के बाद इसकी जो अप वैल्यू है उसको मैं हल्का सा डाउन कर दूंगा, और डाउन करने के बाद यहाँ से इसको मैं 0% लाने वाला हूँ। ये 0 वैल्यू मैंने दे दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो कलर है वो आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इसका यहाँ से कर्व ख़त्म कर दें, और ख़त्म करने के बाद मैं इसके ल्यूटर रख दूँ, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारी कितनी वाइटनेस है वो हमने कंट्रोल कर ली है, ठीक है। वो एक रियल कलर है जो हमारे पास है वीडियो का, और इतनी हमारी वीडियो पे जो ओवर कलर था वाइट्स, वो हमने कंट्रोल में किया है वेक्टर स्कोप की मदद से। तो ऐसे आप अपनी वीडियो की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक क्लिक मज़ीद चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही फार्मूला है, बार बार आपने इसी को ही देखना है, और ये लास्ट है। तो इसके बाद अल्लाह हाफिज़। तो देखते हैं इस पे कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो इस वाले चैनल को दोबारा ओपन करने वाला हूँ मैं, और यहाँ से इसको लाइट्स, ठीक है, नीचे से मैं इसकी लाइट थोड़ी सी डाउन करने वाला हूँ बस, ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी मैंने डाउन की है। और अगर आप लाइट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लाइट्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी लाइट्स एडजस्टमेंट, ये वाले जो चैनल है ये एक्स्ट्रा है, ब्लू चैनल। अगर आपके पास कोई ब्लू कलर है, आप उसको हाइलाइट्स करना चाहते हैं, तो आप ब्लू कलर को हाइलाइट्स कर सकते हैं, जैसा कि ये आप ग्रीन कलर हाइलाइट्स कर रहा है। तो अगर मैं इसको नीचे से यहाँ पकड़ के करूँ, तो हमारा जो ग्रीन कलर है वो सिंपल, ठीक है, सिर्फ जो ग्रीन कलर होगा वो हमारा हाइलाइट्स होगा। तो ये मैंने ग्रीन, तो अब हम यहाँ इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और यहाँ से इसका कर्व डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको ल्यूटर लगा देते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारी लाइट्स के जो कलर हैं, सिंपल एक कर्व के टूल से आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट में डिफरेंट ले सकते हैं अपनी वीडियो में। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और आप EDS के मज़ीद अच्छी अच्छी क्लासें देख कर एक अच्छे एडिटर बन सकें। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह देखते हैं कौन सी आती है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास, और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मास्क पर, कि हम अपने मास्क टूल की मदद से कैसे कस्टम ट्रांसलेशन क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे कोई इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई कस्टम इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर कस्टम ट्रांसलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने मास्क टूल की मदद से बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो वो एक ट्रांसलेशन या फिर आप वीडियो इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हमेशा जब भी कोई काम कर रहे हो किसी वीडियो पर, तो आप उसको हमेशा के लिए मैनुअल ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एक कस्टम इफेक्ट बनाकर उसे अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका वो फोटेज
जिस पे आपने वो कस्टम इफेक्ट क्रिएट किया हो वो उस तरह का ना हो। तो अगर वो उस तरह का नहीं होगा 100% तो आपको फिर वो लुत्फ नहीं देगा आपका वो वाला इफेक्ट जो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो इसलिए आप जब भी कोई इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको आप कोशिश करें कि उसको मैनुअल ही क्रिएट करें। तो आप कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनको आप सेफ भी कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और आप क्योंकि उनको दोबारा उसी यूज में लेते हैं और वो एक सिंपल सिंपल इफेक्ट होते हैं, या फिर जो आप ट्रांसलेशन क्रिएट करते हैं उनको आप अपने सिस्टम में लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि हम कस्टम इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उनको लाइफ टाइम के लिए अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं ताकि हमें दोबारा वो मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ, और सबसे पहले आप अपने बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिसकी मदद से आप अपना काम करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये दो पिक्चरें हैं जो मैंने के अपने बिन में ऐड की हुई हैं, तो मैं इनको यहाँ से उठाकर अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो पहले मैंने इस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, थोड़ी सी इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया है, और आगे मैं इस वाली को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दो पिक्चर्स हैं जो इनको अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, और अब हम देखेंगे कि मास्क टूल की मदद से हम इनके साथ क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी टाइमिंग का इंतखाब करेंगे कि आपको जो कस्टम ट्रांसिशन है वो कितने टाइम में ऐड करनी है। तो ये मैंने टाइम इसका ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो नीचे वाली टाइमलाइन है उस पे रखा हुआ मटेरियल, ठीक है, नीचे वाला जो वीडियो क्लिप है वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे मैं रिपल मार्कर ऐड कर रहा हूँ। अगर आप रिपल मार्कर मैंने के बारे में नहीं जानते तो मैंने एक पिछली वीडियो डिटेल में बनाई है इस पे रिपल मार्कर के बारे में, तो आप काइंडली वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिपल मार्कर को ऐड कर दिया है, और रिपल मार्कर ऐड करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद हम आएंगे अपने वीडियो फिल्टर पर। वीडियो फिल्टर पर आने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है मास्क, तो इस वाले मास्क को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और मास्क को यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और सिंपल डबल क्लिक करके भी आप मास्क को ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ये हमारी जो विंडो नजर आ रही है ये मास्क की विंडो है, और ये हमारी मेन विंडो है। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है उसको मैं, इसकी जो जूम कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा डाउन कर लूँ ताकि हमें समझ आ सके, थोड़ी सी और वैल्यू 40%। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं कस्टम ट्रांसलेशन ऐड। तो उसके लिए मैं अपने लिप्स टूल को पकड़ने वाला हूँ, और लिप्स को पकड़ने के बाद ये मैंने एक कह लें कि ये एक बॉक्स ले लिया है मैंने, ठीक है, ये तो अब ये हमारे पास एंड पॉइंट है और ये वाला हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करके इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही चेक करके मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास आउट कैपेसिटी है, अगर यहाँ पे हम वैल्यू डाउन करते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो हमें ख़त्म होने देखने को मिलती है, और ये हमारे पास पोजीशन वैल्यू है, तो पोजीशन वैल्यू इसकी इस वक्त सेंटर पॉइंट मैंने कर दिया है। तो ये हमारे पास इसकी अप डाउन वैल्यू है, तो अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा सेंटर पॉइंट में आ चुका है, लेकिन हमें सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए, तो मैं इसको करने वाला हूँ माइनस 500। तो अभी ये मैं इसको फुल ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर दूंगा माइनस 600, माइनस 700, ठीक है, माइनस 750, ठीक है, तो 750 की बजाय 725। तो हमारी ट्रांसलेशन है जो हमारा, जो हमने लिप्स टूल लिया था वो हमारा ऊपर की तरफ चला गया है। तो अब ये हमारी होगी स्टार्ट पॉइंट, आगे हम मुंतखिब करेंगे इसकी एंड वाली पॉइंट। तो ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट आ जाता है ये वाला। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको अब डाउन वैल्यू करूँगा, अगर हम यहाँ पे इसका माइनस ख़त्म कर दें तो ये हमारी डाउन वैल्यू में आ चुका है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से कस्टम ट्रांसलेशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ये हमारी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो हमें इसे ख़त्म नहीं करना, हम इसको, ठीक है, मुकम्मल कर देंगे। मुकम्मल करने के बाद मैं यहाँ पे इसको
ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमने अपने मास्क को बढ़ा दिया है और यहाँ पे अगर आए तो आप हमारे यहाँ पे भी मास्क की वैल्यू है जो वो बढ़ चुकी है और एक हमारे पास ट्रांसलेशन क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को कम भी करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये यहाँ पर आने के बाद फिक्स हो रहा है, और यहाँ पे मज़ीद इसको थोड़ा सा कम करना चाहें तो आप मज़ीद कम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रांसलेशन क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इसको बॉर्डर लगाएंगे हल्का सा, क्योंकि ट्रांसलेशन पे अगर आप बॉर्डर लगाएंगे तो वो थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। तो यहाँ पे इसको 10% में करने वाला हूँ, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये 10% वैल्यू है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 20 करते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ीद अच्छा लगने लगे। तो यहाँ पे भी 20%, तो इसकी कलर वैल्यू को यहाँ से मैं चेंज करने वाला हूँ, मैंने कर दिया है येलो, और यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ रेड, ठीक है। अब इसकी कलर्स जो पेस्ट्री है वो चेंज करने वाला हूँ स्केल बाय स्केल। यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी वैल्यू को फिर से वाइट करने वाला हूँ, और 3 पॉइंट छोड़ के, 1 2 3 3 पॉइंट छोड़ के आगे यहाँ पे मैं इसकी फिर कलर वैल्यू चेंज करने वाला हूँ, और आगे 3 पॉइंट छोड़ के फिर इसकी मैं कलर वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ। ये कलर वैल्यू मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये कलर बार बार चेंज होता नजर आए और ये ट्रांसलेशन हमें बहुत ही अच्छी नज़र आने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइट अफेक्ट देगा, ये जो हमने कलर का अफेक्ट दिया है ये वाला। और अगर हम इसको डन करते हैं, डन करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमने ट्रांसलेशन है वो जो क्रिएट की है। लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ी सी चेंजिंग और करनी है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तमाम अपने पॉइंट्स हैं जो उनकी सिलेक्शन करेंगे, आप सिलेक्शन करने के बाद आप इनको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप इनको लाइनर कर देंगे, ठीक है। अगर हम देखें स्टार्ट के पॉइंट इसके बेजर, ठीक है, एंड पॉइंट बेजर आ रहा है, और अगर यहाँ पे देखें तो स्टार्ट पॉइंट में हमें बाइजर देखने को नहीं मिलता, और स्टार्ट पॉइंट पे हमने इसको लाइनर कर दिया है, और जो हमारे एंड वाले पॉइंट है इसको हमने बाइजर कर दिया है, ठीक है। तो अब हम डन करके दोबारा चेक करते हैं। अभी भी वो वाला लुत्फ नहीं आया जो कि आना चाहिए। इसको भी बाइजर, इन सभी को मैं बाइजर कर रहा हूँ जो हमारे कलर वैल्यू है, ठीक है। तो ये ऑल सिलेक्शन करने के बाद तो बाइजर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि एक पॉइंट्स पे जो हमारा मास्क टूल है उसके आप एक ही पॉइंट पे बाइजर लगा सकते हैं, और लाइनर है जो वो दोनों आप साइड पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड पे आपको बाइजर नहीं मिलेगा मास्क टूल में। अगर आप ल्योटर पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको बाइजर मिलेगा, ठीक है। दोनों साइड पे आप इसको बाइजर कर सकते हैं, यहाँ पे हमें बाइजर देखने को नहीं मिल रहा। और अगर हम यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे हमें बाइजर देखने को मिलता है। तो मैंने इसका बाइजर सिलेक्शन कर ली, और सिलेक्शन करने के बाद अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमने कस्टम इफेक्ट है जो वो अपना क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये चीज़। तो अब हम इस पर करेंगे एक वीडियो फिल्टर अप्लाई, ठीक है। ये तो था हमारा ट्रांसलेशन, अब हम करने वाले हैं वीडियो वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टाइमलाइन ऐड करने वाला हूँ। टाइमलाइन ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वाली वीडियो मैं दोबारा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसकी लेंथ भी उसी के बराबर मैं रखने वाला हूँ। और जितना हमारी ट्रांसलेशन थी उतनी मैंने अपनी जो पिक्चर है उसको डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद जो नीचे वाली मेरे पास पिक्चर है उसको मैं फिलहाल आर्दी तौर के लिए डिसेबल करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 के, वहाँ पे आपको जो जीरो का बटन मिलता है, आप जैसे ही किसी भी अपनी वीडियोस या ऑडियोज को सिलेक्ट करके उसको पुश करते हैं तो वो आपका मटेरियल डिसेबल हो जाता है, और अगर दोबारा आप सिलेक्शन करके उसको क्लिक करते हैं तो आपका जो वो मटेरियल है वो अनेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हम एक और इफेक्ट क्रिएट करके कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको छोटा ही रहने दूँ ताकि यहाँ पे हमें आउट पोजिशन में हमें नज़र आता रहे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपल एक रेक्टेंगल। जब आप रेक्टेंगल को एक अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप साथ ही अपने शिफ्ट का बटन
प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप रेक्टेंगल टूल को बना सकते हैं, ठीक है, आप उसकी पोजीशन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये हमारे पास, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन लगाने लगा हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जो एंड पोजीशन वैल्यू है वो दे देता हूँ, यहाँ पे फिलहाल दे लेते हैं, बाद में फिर चेक कर लेंगे, हम पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई इसकी एक और वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू को करने वाला हूँ डाउन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास डाउन वाली वैल्यू ये है हमारी, तो यहाँ पे भी मैं इसको फिक्स कर लूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको करते हैं 500 वैल्यू पे डाउन, तो 7 पे चलते हैं, ठीक है, तो बल्कि 650, हाँ अब हमारे पास ठीक आ चुका है। और ये हमारी सिलेक्शन वैल्यू यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे डाउन, ठीक है, ये हमारी स्टार्ट वैल्यू है और ये हमारी एंड वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू पे अब हम इसको करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पे लाकर हम इसको करते हैं 45 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सीधा और यहाँ पे ये रोटेट हो, तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू को करेंगे डाउन, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आते हैं अपनी आंख पे, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू डाउन और वैल्यू अप, वैल्यू डाउन और वैल्यू अप, अब हमें ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ से इसकी आउटपुट की जो कैपेसिटी है उसको डिसेबल नहीं किया, तो मैंने आउटपुट वैल्यू इसकी डिसेबल कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी आउटपुट वैल्यू को मैं डिसेबल करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब हमारे पास ये हमें मास्क टूल देखने को मिलता है, तो जैसे ही हमने पिछली वीडियोस में मास्क टूल के ऊपर बॉर्डर क्रिएट किया था, वैसे ही हम 20% इस पे भी बॉर्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी आने के बाद हम इसको 20% और जल्दी से इस पे मैं लाइट इफेक्ट क्रिएट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम समय की बचे। हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टाइम देकर इतनी लंबी वीडियोस देख सके, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि मेरी वीडियोस की लेंथ कम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी बात बताऊँ वो अच्छे तरीके से और ज़रा डिटेल में बताऊँ ताकि आपको समझ आ सके। तो आप कोई भी वीडियोस कंप्लीट देखा करें ताकि आपको वीडियोस की अच्छे से समझ आ सके और आप एक अच्छे एडिटर बन सकें। तो ये हमारे पास, हमने कुछ ऐसे एक इफेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं बेजर करने के लिए। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं कलरफुल हैं, इनको हम बेजर, वो सॉरी मेरे हाल से एक ही सिलेक्शन हुआ था, हाँ, तो अगर यहाँ पे आ जाएं तो एंड वाला पॉइंट बेजर, अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बेजर का पॉइंट नहीं दे रहा, तो हम इसको लाइनर और यहाँ से भी इसको लाइनर ही करेंगे। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारा जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसकी स्पीड्स का जो वो काफ़ी हद तक स्लो है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कम करने वाला हूँ इसकी हाइट वाइट को, ताकि हमें ये थोड़ा सा स्पीड में ऊपर आते हुए नज़र आए, ताकि ज़्यादा स्लो मोशन आएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको डन करके हम चेक करते हैं कि अब हमारे पास ये कैसा नज़र आ रहा है। तो इस वाली लेयर्स को मैं अनेबल करने वाला हूँ, जैसे ही हमने अनेबल किया तो ये हमारे पास इफेक्ट कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से क्रिएट आए, तो थोड़ा सा और, ठीक है। तो अब हम इस पे करेंगे कलर्स करेक्शंस। तो नीचे वाली लेयर्स को मैंने डिसेबल कर दिया है फिर से, और इसको अनेबल करने के बाद हम मास्क पे जाएंगे। मास्क पर आने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ के वैल्यू लगाने के बाद मैं अपने जो हमारा हमने ये शेप क्रिएट की थी रेक्टेंगल की, इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको -45 करता हूँ, तो ये रोटेट करेगा, जी बिल्कुल करेगा, ये पीछे की तरफ कर रहा है, इसको आगे की तरफ करना चाहिए। तो मैं इसकी वैल्यू इसको 90% और 135 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आगे की तरफ हमें रोटेट होता नज़र आए। और यहाँ पे मैं इसकी कलर्स वैल्यू को भी चेंज कर दूंगा ताकि यहाँ पर ये वाइट रहे और यहाँ पर आने के बाद इसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, तो 135, तो ठीक है, इसकी वैल्यूज है जो वो चेंज हो चुकी है।
कलर्स की। अगर आप इसके दरमियान में भी कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये सभी आप पे डिपेंड करता है। आप इसके सेंटर में जितने ज़्यादा कलर्स ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एक लाइट इफेक्ट मिलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप कोई भी एक VIP एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस लाइट्स को, इन कलर्स को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं करने वाला हूँ 100, और यहाँ पे अपने पॉइंट्स हैं जो एंड वाले उनको आप अच्छे से चेक कर लें, और 100 वैल्यू मैंने कर दी है यहाँ पे। और हम बैक पे आए तो यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यू को आउटपुट ओपेसिटी 100 करने वाला हूँ, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को हम कर देंगे 100। तो अब हमारी जो पिक्चर है नीचे वो भी हमें डिस्प्ले हो रही है, और हमारा मास्क है जो वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम आउटपुट फिल्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना फिल्टर चूज़ करेंगे जो भी हम फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो मैं वीडियो में जाने के बाद वीडियो कलर बैलेंस को ओपन करने वाला हूँ। ओपन करने के बाद ये हमारे पास वीडियो फिल्टर्स आ चुका है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को कर देंगे डाउन। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे आप दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी टाइमलाइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पे एक कलर चूज़ किया हमने, और एक कलर यहाँ पे हमने ब्लैक चूज़ कर लिया है, और यहाँ पे मैं इसकी स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लूँ ताकि हमें ज़रा अच्छे से नज़र आ सके। तो ये हमारे पास एंड वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इसके कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास चेंज वैल्यू, तो ये हमारे पास सेंटर आ चुका है। तो यहाँ पे फिर से मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरह आप ये टाइमलाइंस इसीलिए दी जाती हैं कि आप इन पे मुख्तलिफ किस्म का काम कर सकें। ठीक है, तो आप ये इन सभी चीज़ों को आप इस्तेमाल में लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि EDS में जितने भी टूल्स हैं हर टूल्स के साथ आपको टाइमलाइन मिलती है, और आप उसको मैन्युअली सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे अब हमने इसमें कलर भी ऐड कर दिए हैं, और हमने एक अफेक्ट भी क्रिएट किया है। तो अब नीचे वाला जो हमारा है उसको मैं अनेबल करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने किया इसको अनेबल, और अनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको नीचे वाले पार्ट को मैंने डिलीट कर रहा हूँ, और लेकिन इसकी थोड़ी सी बस ठीक है इधर जाने के। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टाइमलाइन, और सॉरी ये बिल्कुल ही डिलीट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। क्यों ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हमारे पास मिस्टेक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वीडियोस है वो हमें डायरेक्ट देखने को मिल रही है ऊपर वाले। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे आने के बाद हम दोबारा अपने मास्क पर आएंगे। मास्क पर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 100 रहेगी, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारी जो ट्रांसलेशन है वो भी हमें देखने को मिलती है, और हमारे पास जो इफेक्ट है हमारा वो भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो हमने कुछ इस तरह से अपनी एक ट्रांसलेशन क्रिएट की है, और साथ ही हमने एक इफेक्ट भी क्रिएट किया है। तो ये हमारे पास एक इफेक्ट है हमारा, वो हमारी आउटपुट वैल्यू है। और अगर हम देखें तो हमारा जो ऊपर वाले कलर है वो भी चेंज हो रहे हैं, और हमारी जो नीचे वाली कलर वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप अपने कस्टम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, हम एक जल्दी से और इफेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्लास पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, जबकि इतनी लंबी मैं नहीं चाहता कि क्लास हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जल्दी से इफेक्ट और क्रिएट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे करके। मैंने पिछले दिनों एक देखा था, एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट हाइलाइट्स था, तो उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ एक और मज़ीद अच्छे तरीके से कि वो सिंपल ट्रिक में उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको 40 डिग्री पे रोटेट करने वाला हूँ। रोटेट करने के बाद मैं इस रेक्टेंगल की जो हाइट वाइट है उसको बढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, इसको हम बिल्कुल सेंटर में नहीं, इसकी वैल्यूज को यहाँ से मैं नीचे ला कर इसको सेंटर अलाइन करने लगा हूँ। ठीक है, सेंटर से। तो ये हमारे पास स्टार्ट पोजीशन आ चुकी है इसकी, इसको मैं यहाँ से चेक कर दिया है, और चेक करने के बाद यहाँ तक ये मैं चाहता हूँ कि आ जाए।
तो यहां पे भी मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया है, और यहां की वैल्यू मैं अब करने वाला हूं डाउन, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं 507 1000, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू इसकी आ चुकी है। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका एंड पॉइंट, और ये है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट। तो एंड वाले पॉइंट पे हम जाने के बाद इसको यहां से करेंगे एडिट शेप। एडिट शेप पर करेंगे तो हमारे पास ये पेन टूल है, हम इसकी मदद से ये वाले अपने पॉइंट्स हैं जो वो ठीक कर लेंगे। अब हमारे पास ये शेप कुछ इस तरह से आ रही है। तो दोबारा से सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, और सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद हमें ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज को करते हैं डाउन, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से, लेकिन इसकी वैल्यू को मैं डाउन नहीं करने वाला, सिंपल इसमें हम कलर एड्स करते हैं, इसकी आउटपुट वैल्यू को ब्लैक करते हैं और इनपुट कलर को हम वैल्यू कुछ और कलर्स देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल यहाँ से फिर वही अपना बैलेंस वाला टूल्स पकड़ कर इसको मैं सिंपल ब्लैक ऐड करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर्स आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी उन इनपुट जो वैल्यू है उसको हम एड्स दोबारा से करके यहाँ पे हम फिर से कोई कलर ऐड करने वाले हैं। तो इनपुट वैल्यू में मैं दो कलर ऐड करूँगा यहाँ पे, ताकि हमारा कलर है जो वो थोड़ा सा चेंज हो के आए, तो ताकि हमें थोड़ा सा